driving tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plane. No, but the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. Gives you wings. So, hello guys, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है eSports Premier Series 2022 Clash Royale पे। मैं हूँ DTXC और मेरे साथ जुड़ चुके हैं फिर से एक बार Alchemist and ये होने जा रहा है day number 5। So Alchemist आप बताइए कि आप कितना excited हो आज के दिन के लिए and excited तो होना भी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि आज आपका मैच रहे। एग्जैक्टली DTR आज जी हाँ मैच होने वाला है मेरा। आई थिंक 6:15 पे मैच टाइमिंग है तो तब मैं खेलता हुआ दिखूंगा जरूर। बट हाँ आज के मैचेस के लिए आई एम रियली एक्साइटेड। कल जिस हिसाब से हमें DVGA और सर स्मोकर लॉर्ड का मैच देखने को मिला तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया मैचअप था एंड उसी के चलते और भी मैचेस हमें कल बहुत बेहतरीन देखने को मिले। तो आज ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्टली मैचेस में हॉप इन करेंगे DTR। बिल्कुल सही, पहला मैच इधर होने जा रहा है शुरू कुछ ही देर के अंदर एंड ये मैच के अंदर विनर कौन होगा वो चीज देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ रहेगा। एंड देखिए इधर फिलहाल के लिए शुरुआत किससे करेंगे। कल के दिन में हम लोगों ने एक मैच ऐसे भी देखे है जिधर 30 एलिजर पूरा लीक होने के बाद उससे भी ज्यादा लीक होने के बाद जाके कहने की परफॉर्मेंस जो है वो निकल के आया था। अभी के लिए वो रहेंगे ऑफ करके अपना जो गेम है वो दिखाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सो लेट्स सी कि किस तरीके से चलेगा एंड कैसे परफॉर्मेंसेस निकल के आएंगे। बट एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करें इधर शुरुआत की तो शुरुआत उतना भी एग्रेसिव नहीं हुआ, उतना डिफेंसिव भी नहीं हुआ। लाइक दोनों ही एक अटैक के लिए एलिक्सिर यूज किया और डिफेंस के लिए।
बट दोनों सिमिलर पोजीशन में, अभी तक कोई भी टावर इधर से डैमेज लिया नहीं है। एडवांटेज इधर क्लोजिंग करेगा बट आर्चर्स इधर जाते जाते अच्छा खासा डैमेज जरूर देके जाएंगे। रॉयल घोस्ट को यूज करने की एक जो है कोशिश किया जा रहा है, पंप का इस्तेमाल ऑलरेडी किया गया था बट ये पॉजिंग के साथ पंप को जितना जल्दी हो सके वो टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट देखिए राइट हैंड साइड में और पंप का इस्तेमाल कर दिया जा चुका है एंड एक अच्छा खासा सिनेरियो बन सकता है। हॉग राइडर क्लोजिंग करेगा, उसी के साथ साथ हम लोगों को देखने के लिए मिला एक जैप स्पेल जिसके थ्रू इधर कहने की कुछ देर के लिए और एक्स्ट्रा हिट लेने में सफलता मिल गया था हॉग राइडर को। एग्जैक्टली टी टी आर वहाँ पे हॉक को बड़ी आसानी से डिफेंड कर लिया, 6-7 एलिक्सर का बचता है एंड वहाँ पे रॉयल घोस्ट और जैप से इजी डिफेंड कर दिया एंड वैसे ही एलिक्सर एडवांटेज में थे। तो मेरे को लगता है कि पुनिया के लिए गेम थोड़ा सा दिक्कत में आने वाले, बिकॉज देखिए आप जैसे ही 3 मस्केटियर आएंगे डेक बहुत ज़्यादा हैवी है, डबल एलिक्सर में आते ही 3 मस्केटियर बहुत अच्छी वैल्यू निकालेंगे एंड साथ में लाइट बारबेरियंस है, साथ में हमें रॉयल घोस्ट देखने को मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होने वाला है। बट हाँ हमें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ से मैच कैसे डिफेंड कर पाते हैं पुनिया, बिकॉज डबल एलिक्सर स्टार्ट हो चुका है एंड 3 मस्केटियर अब किसी भी सेकेंड हमें देखने को मिलेंगे। एक साइड को तो वो पॉइजन कर सकते हैं बट अगर वो पॉइजन कर देंगे तो पंप को कैसे डिफेंड करेंगे, सो वही दिक्कत है। इनके पास मिरर भी है तो अगर वो मिरर 3 मस्केटियर चले जाते हैं तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट करी है एलाइट बारबेरियंस की डिफेंड करते हुए बट राइट लेन में कुछ ज़्यादा है नहीं, लास्ट सेकंड नाइट जरूर आएगा बट देखिए गोल्डन नाइट को कितनी अच्छी वैल्यू मिल रही है। जैप करना चाहिए बैच को, जैप करेंगे बैच को एंड बैंडिट जिसकी वजह से कनेक्ट हो जाएगा एंड राइट लेन पे बहुत ही मैसिव डैमेज पड़ता हुआ और ये टावर आई थिंक सो डाउन हो जाएगा किसी भी सेकंड। सो आई थिंक अ बिट ऑफ अ टेक्निकल ग्लिच हियर बट एंड ऑब्वियसली लाइक कभी कभार हो जाता है, स्पोर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स नाम पे ही है तो आपको तो पता ही है आपके घर में मेरे घर में हर जगह पे हो सकता है तो इधर भी थोड़ा बहुत हो जाता है बट इसको बहुत जल्दी फिक्स किया जाएगा। एंड देखिए पहला मैच इधर शुरू हो गया था एंड बहुत शानदार भी गया काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं। डिफेंस अटैक दोनों ही सेम तरीके से चल रहा था, दोनों ही कोशिश कर रहे थे बट वो हॉग राइडर की हिट की वजह से एडवांटेज में चले गए थे काइंड ऑफ। तो हॉग राइडर का इस्तेमाल जो है वो मुझे लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा बेटर होता है लाइक पहले से, तो क्योंकि हॉग राइडर का जो अटैक था लेफ्ट हैंड साइड के टावर पे 2100 एचपी के आसपास लेके आ चुका था एंड उसके बाद जाके क्या लाइक होश वो सब कुछ जो है वो हम लोगों से और दिखा। एग्जैक्टली वहाँ पे हॉक से तो इतना सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं था बट राइट लेन में देखिए टीटीआर वो टावर तो आप डाउन ही समझ लीजिए, जब बैंडेड कनेक्ट हुआ, मस्केटियर कनेक्ट हुआ, सब कुछ राइट लेन पे कनेक्ट हो गया था एंड वो टावर तो मेरे को लगता है डाउन होने में कुछ ही सेकेंड्स बचे थे जिससे पहले ग्लिच हो गया। बट हाँ मैं समझूंगा वो टावर डाउन हो गया एंड वो गेम बाहुबली के साइड जाने वाले, बिकॉज देखिए आप स्टार्टिंग में ही वो काफ़ी अच्छी एलिक्सियर एडवांटेज बना चुके थे, वो पंप कर रहे थे अच्छे से सेटअप एंड लास्ट में उन्होंने 3 मस्केटियर्स प्ले करें एंड पॉइजन या तो वो पंप को करें या 3 मस्केटियर को करें या फिर मिरर 3 मस्केटियर को करें, तो मैच वाइज थोड़ी सी दिक्कतें ज़रूर हमें पुनिया के द्वारा देखने को मिली बट बाहुबली ने जिस हिसाब से खेला आई थिंक वो यहाँ से तो गेम लेके जाने वाले हैं टीटीआर। जी बिल्कुल वो तो हम लोगों को रिजल्ट मिलने ही वाला है क्योंकि किस तरीके से क्या कैसे हुआ था वो सारा चीज़ें अभी भी हम लोगों के लिए मिस्ट्री है एंड वो मिस्ट्री बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है क्योंकि सब लोग निकल चुके हैं उस आंसर के राहों पे बट कब तक हो पाएगा वो ही चीज़ अभी देखना जरूरी रहेगा। फिलहाल के लिए ये हमारा पहला मैच था आज के दिन का। आज के दिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस रहने वाले हैं, 12 टोटल मैचेस हम लोगों को आज देखने के लिए मिलेंगे जिसमें से मिक्सचर रहेगा, कोई कोई मैचेस जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा लाइक अपर ब्रैकेट्स के, कोई कोई मैचेस हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा लोअर ब्रैकेट्स के, तो वही अपर ब्रैकेट्स एंड लोअर ब्रैकेट्स के मैचेस के साथ ही हम लोग हमारा सफ़र जो है वो आगे लेके जाते रहेंगे एंड उसी के साथ पिछले जितने दिनों में हम लोगों ने गेम देखा है, पिछले जितने दिनों से लाइक इधर एक अच्छा खासा डोमिनेशन एंड आउटकम्स चल रहा था उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई है एंड आप देख सकते हो ये है गेम नंबर 2 एंड गेम नंबर 2 इधर पुणे वर्सेस बाहुबली के बीच में शुरू होता हुआ। कौन जीता था लास्ट मैच?
एक्चुअली टीटीआर बाहुबली ही जीता था लास्ट मैच, बिकॉज राइट लेन में काफ़ी अग्रेसिव पुश बनाया था उन्होंने एंड उसी की वजह से वहाँ पे ग्लिच हो गया था, बट डिफेंड कर पाने का पुनिया के पास कोई अच्छा सॉर्ट ऑफ वे भी नहीं था। बट यहाँ पे बाहुबली लेके आ गए हैं गॉबलिन ड्रिल फायरबॉल डेक, इसमें कैनन का यूज़ किया, जनरली इन्फर्नो टावर भी देखे जाता है कभी कभार, बट पुनिया ऑन द अदर हैंड लाए हैं ब्रिस्पैम डेक। तो ये मैचअप देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन यहाँ से लेके जाएगा, बिकॉज स्पेकर वर्सेस जाइंट स्केलेटन हमें यहाँ पे ब्रिज पे होता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पे आर्चर क्वीन आती हुई दिखेगी, आर्चर क्वीन काफ़ी अच्छी सिनर्जाइज करती है विद दीज सॉर्ट ऑफ टेक्स, क्विक साइकिल टेक्स, एंड यहाँ पे स्पेकर टेक डाउन तो कर देंगे, बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है ईविस करके थोड़ी सी गड़बड़ी करी, बट नहीं वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए बैंडिट भी डिप्लॉय किया गया है। थोड़ा सा एग्रेसिव बैटल रैम मैं कहूँगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हमें लास्ट गेम में भी पुनिया जाते हुए दिखे थे हॉक के साथ। सो यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल या बेनिफिट में रहेंगे, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं इवन एलिक्सिर चल रहा है, भी कोई ज़्यादा अहेड में नहीं है, लीड में नहीं है, डैमेज वाइज भी कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है दोनों ही साइड पे टीटीआर। जी बिल्कुल, कोई भी ज़्यादा डैमेज इधर नहीं हुआ, बट थोड़ा थोड़ा करके दोनों ही इधर डैमेज प्रोवाइड किए थे। बाय द वे पेका का इस्तेमाल किया जा गया डिफेंसिव साइड एंड गॉब्लिन ड्रिल के साथ कहने की शुरुआत उनको अच्छा मिला, 400 के आसपास एक्सपी इधर से लेके गए, वैल्यू जितना चाहिए था आई थिंक वो मिल चुका है उनको, उतना ज़्यादा टफ नहीं रहेगा इस जगह से। और बट जायंट स्केलेटन के साथ इधर पेका के बीच में चल रहा है लड़ाई एंड ये दोनों मिलके बीच में से हम लोगों को देखने के लिए मिला बैंडिट भी, एंड ये बॉम्ब फूटने पे पूरा खाली हो जाएगा एरिया, क्योंकि हम लोगों को पता है जो बॉम्ब है स्केलेटन जायंट के पास वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बट दूसरी तरफ गॉब्लिन ड्रिल ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, गॉब्लिन बाहर निकलते जा रहे हैं एंड एक के बाद एक डैमेज देते जा रहे हैं, ह्यूज डैमेज कहने के हो गया 1243 के आसपास जो ये डैमेज है वो इधर देखने के लिए मिल रहा है एंड आप देख सकते हो एक के बाद एक कैरेंस एंड ऑल का इस्तेमाल, बट बैटल रैम वो इधर हिट नहीं कर पाया एंड उसी के साथ जिसके लिए यूज किया गया था वो काम अभी तक हो नहीं पाया है, डिफेंस में उतना कुछ खास है नहीं। ये टावर तो इनके हाथ से जाने ही वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर ये 2 सेकंड के बाद गया जो कि शायद 2 सेकंड के बाद ही जाने वाला है तो ये मैच भी खत्म एंड उसी के साथ साथ मैच खत्म होते हुए इधर ऋषि मेहता वो हम लोगों को जीतते हुए देखे जो कि है बाहुबली जैसा नाम वैसा काम, जीत चुके हैं 2-0 से। एग्जैक्टली वहाँ पे बाहुबली ने अपना दम दिखा दिया, जिस हिसाब से वहाँ पे जायंट स्केलेटन लास्ट के कुछ सेकंड्स में कनेक्ट हुआ था तो मेरे को भी लग रहा था वहाँ पे टावर बचने की कोई भी चांस नहीं है। डिफेंसिव खेले, हाई स्किल कैप डेक है वो गॉब्लिन ड्रिल वाला, उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंसिव खेले एंड आर्चर क्वीन को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया, कैनन की प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी थी एंड साथ ही में स्केलेटन्स को भी अच्छे से प्लेस किया, बैंडेड का डैश ना लग सके। सो बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम गेम प्ले जिसे कहते हैं टेक्स्ट बुक गेम प्ले वो हमें वहां पे देखने को मिला। तो बहुत इजी विन 2-0 से, बहुत ज्यादा क्लीन विक्ट्री यहां पे लेके जरूर जाएंगे बाहुबली टीटीआर। जी बिल्कुल, एक बहुत शानदार विक्ट्री वो लेके गए 2-0 से, अभी के लिए आगे जा चुके हैं एंड उसी के साथ साथ किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, किस तरीके से वो आगे का जो पूरा सफर है वो कहने के दिखाने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा एंड स्पेशली मैं तो एक्साइटेड हूँ इसीलिए क्योंकि देखिए हर एक प्लेयर जितने भी इधर प्लेयर्स हैं जितने भी लाइक हम लोग बोल सकते हैं गेम दिखा रहे हैं प्लेयर्स जो लोग चले गए हैं ऑलरेडी लूजर ब्रैकेट में या फिर लोअर ब्रैकेट में उन लोगों के लिए तो डू ऑट आई है, सो वो लोग बहुत देख रेख के आ रहे हैं, बट जो विनर ब्रैकेट्स में है वो भी उसी तरीके से आना चाहिए क्योंकि आप जो विनर ब्रैकेट्स में हो आपके पास क्वेश्चन है दैट्स ओके, बट आप भी उसी के साथ खेलने वाले हो जो जीत के आए हैं पिछले राउंड पे, तो वो कहने के आपके लिए और टफ हो जाता है कभी कभार। तो देखते हैं आज के दिन में कौन कौन विनर ब्रैकेट्स के प्लेयर जो है वो विनर ब्रैकेट में ही रहेंगे एंड कितने लोग इधर लूजर ब्रैकेट में आ जाएंगे एंड कितने लूजर ब्रैकेट के जो प्लेयर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। सो बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इक्वेशन आज के दिन में बनने वाला है, बट और कुछ देर के अंदर हम लोगों को जो है आज के दिन का सेकंड मैच वो भी शुरू हो जाएगा एंड वो भी हम लोग विटनेस करने वाले हैं। जी हाँ टीटीआर, एग्जैक्टली कल वहाँ पे हमने मैच देखा था डीवीजे वर्सेस स्मोक के बीच में, जिसने कर दिया था स्मोक को शिफ्ट इन द लूजर्स ब्रैकेट, तो वहाँ पे थोड़ा सा नाखुश होंगे स्मोक एंड अब दिक्कतें उनके लिए बहुत होने वाली है, बिकॉज लोअर ब्रैकेट से लूजर्स ब्रैकेट से वापसी अपर ब्रैकेट तक आना तो वो एक
अपने आप में ही बड़ी जंग होने वाली है। बट डीवीजे वहां पे कंप्लीट डोमिनेशन 2-1 के स्कोर के साथ बहुत ही बेहतरीन जीत लेते हुए विनर ब्रैकेट में अगले राउंड में अपनी जगह बना चुके हैं एंड सोच रहे होंगे अब इतने बढ़िया प्लेयर को हराया है तो प्राइस पूल पे अब डीवीजे की नजर तो बहुत होगी। सो आई थिंक कि आज के मैचेस भी हमें वैसे ही क्लोज देखने को मिले, वैसे ही हाई स्किल गैप देखने को मिले जैसे हमें कल देखने को मिले थे टीटीआर। यस, एक्सपेक्टेशन तो वही रहेगा, जितना ज़्यादा ऐसे ही परफॉर्मेंसेज निकल के आएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आज का दिन। एंड हम लोग तो चाहेंगे कि ऐसे ही चलते रहे, लाइक ऐसे ही हर टाइम कहने के चलते रहे ये पूरा का पूरा सिनेरियो एंड हम लोग ऐसे ही मैचेस देखते रहे। तो यस, और कुछ देर की बाकी एंड उसके बाद काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं जो मैच नंबर 2 होगा वो किस किस के अंदर लाइक बीच में होने वाला है वो भी हम लोग देख लेंगे एंड जान लेंगे। सो इंटरेस्टिंग तो है आज की जो पूरा शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड उसके साथ हल्का विस्का भी मैच है तो वो भी थोड़ा सा लाइक मज़े में भी है थोड़ा जो है वो तो इधर जीतने की कोशिश ऑब्वियसली करेंगे। एग्जैक्टली, मेरा मैच मेरे क्लैन का जो प्लेयर है उसी के साथ है तो आई वुड बी ट्राइंग टू विन, डेफिनेटली कोशिश करेंगे, देखते हैं बिकॉज मेरे को थोड़ा सा आइडिया है वो क्या रन करते हैं। सो वहाँ पे देख लेंगे, मैच जैसे ही स्टार्ट होता है थोड़ा यू नो फोकस मोड में चले जाएंगे, वहाँ पे जीतने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, मैं थोड़े बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रैक्टिस चल रहा हूँ आजकल, पर स्टिल आई थिंक आई कैन बीट द गाय। सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा टीटीआर वो मैच। सो आई थिंक सो टीटीआर का थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हो रहा है, आज ग्लिच काफ़ी हो रहे हैं। बट लीविंग दैट असाइड, हमारा नेक्स्ट मैच शुरू होने वाला है, कुशल वर्सेस ऋषिकेश का मैच आई गेस, तो वो हमें कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। बाकी जिस हिसाब से आज के मैचेस हुए हैं, अभी जो रीसेंट मैच ही हमने देखा गोब्लिन ड्रिल का, वहाँ पे बेहतरीन उपयोग किया बाहुबली ने, और अभी तक जनरली लोग क्विक साइकिल डेक्स खेलना प्रेफर कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। जैसे हमने कल डीवीजी को भी देखा क्विक साइकिल खेलते हुए, स्मोक को भी देखा क्विक साइकिल, एंड उससे पहले थोड़े मैचेस में हमें हॉग एग्जीक्यूशनर भी देखने को मिला था जो कि अभी रीसेंट बफ के बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है मेटा में, तो वो हमें देखने को मिलेगा। बट देखते हैं कि थोड़ी सी ही देर में आई थिंक मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक बारी मैं मैच शेड्यूल भी चेक कर लेता हूँ। ऋषिकेश वर्सेस ऋषिकेश वर्सेस कुशल का मैच है, सो वो हमें देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्या डेक चूज़ करते हैं प्लेयर्स एंड क्या सोच के आते हैं, बिकॉज ऐसे टूर्नामेंट में ऐसी पोजीशन पे ऐसे मैच पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या डेक रन कर रहे हो, आप क्या सोच के आए हो, एंड जो प्लेयर होता है उसका भी जो माइंडसेट है वो ही डिपेंड करता है कि आप यहाँ से जीत के जाओगे या फिर लूजर्स ब्रैकेट में जाओगे। सो वो एक बढ़िया चीज़ रहती है कि जो माइंडसेट है आपका, जो गेम प्ले है, जो डेक है, जो स्काउटिंग स्किल्स है आपकी अपोनेंट पे, तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। बट जी हाँ, हम एक बारी जरा प्राइस पूल के बारे में भी बात कर ले। प्राइस पूल रहने वाला है क्वालिफाइड टू का इज 50,000 रुपीज, जो कि डिवाइड होगा टॉप थ्री प्लेयर्स में 25,000, 15,000 एंड 10,000, एंड जो रैंक वन लेके जाएगा, जो विनर होगा इस टूर्नामेंट का, वो पहुंच जाएगा डायरेक्टली लैन पे। तो लैन का प्राइस पूल हम जानते हैं बहुत ज्यादा हाई होता है, सो वो हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। बट जी हाँ, यहाँ पे मैच स्टार्ट होने में थोड़ी सी ही देर है। बाकी टीटीआर, व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक देखिए इधर लाइक जो ये ओवरऑल सिनेरियो है, जैसे कि आपने प्राइस पूल की बात की, जो प्लेयर जीतने वाले हैं उनको 25,000 रुपीज मिलेगा एंड उसके साथ लैंड का भी एक टिकट तो बहुत बहुत ज्यादा आने वाला है फॉर श्योर। एंड ऑब्वियसली जब उनको लैंड पे खेलते हुए देखेंगे तो वो भी और अलग फीलिंग आने वाला है। बट उनको छोड़ के भी अगर हम लोग देखें तो उनको उनके पास भी हवा देखने के लिए मिलेगा, सो वो भी बहुत ही सारे होंगे। एंड जस्ट स्पेशली हम लोग अगर बात करें तो इधर पहले से मैच जीत के जाना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली यहाँ पे जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग से ही मैच लेके जाना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज फर्स्ट मैच में ही ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है कि गेम कौन जीतेगा, और जो दूसरा प्लेयर होता है उस पर प्रेशर पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है वो, क्योंकि पहला गेम अगर आप जीतते हो तो अपोनेंट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड यही हमने देखा था रिसेंटली जब हम बेस्ट ऑफ थ्रीज देख रहे थे, जनरली जो फर्स्ट प्लेयर मैच जीत रहा था वही
बेस्ट ऑफ थ्री जीत रहा था. सो आई थिंक दैट वॉज द मेन थिंग देयर. बट हाँ, मैच स्टार्ट होने में कुछ ही सेकेंड्स बचे हैं. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज. मैं हूँ आपका कास्टर अल्केमिस्ट हियर विद TTR. अभी थोड़ा सा ग्लिच हो रखा है उनके साथ, बट हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इधर, हमारा यूजर नेम आ रहा होगा. एंड आप स्पोर्ट्स इनको भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. बट जिस हिसाब से अभी के जो मैच हुए हैं, तो उसमें हमें जो गेम प्ले देखने को मिला है वो काफ़ी अच्छे लेवल का है. जिस हिसाब से प्लेयर प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, डेक रिसर्च करके आ रहे हैं, तो वो एक बढ़िया चीज़ रहती है कि आप पहले से ही अपोनेंट को स्काउट कर लेते हैं कि अपोनेंट क्या डेक रन करने वाला है. जैसे रॉयल API वाली वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ पे आप अपोनेंट पे रिसर्च करके रखते हैं, तो वो एक बढ़िया फैक्टर रहता है. बट लिविंग दैट असाइड, यहाँ पे हम हॉप इन कर चुके हैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट मैच में, जैक वर्सेस जैन कुशल, ऋषिकेश वर्सेस कुशल. एंड देखते हैं यहाँ पे मैच कैसे होने वाला है थोड़ी ही देर में. TTR हम शायद मैच पे हॉप इन करने वाले थे, वहाँ पे स्पेक्टेट का ऑप्शन तो आ ही रहा था. तो मैच आई थिंक स्टार्ट हो गया, जस्ट गेम में हमें एंट्री लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. जी बिल्कुल सही है. एंड आई थिंक कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाला हमारा मैच. एंड लेट्स सी किस तरीके से ये सारा का सारा सिनेरियो चलता हुआ देखेगा इसके बाद. बाकी ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कल के दिन से, अगर कल के दिन का थोड़ा बात करते हैं, तो हम लोगों को लाइक कुछ ऐसे गेम्स, तीन तीन गेम्स तक गए थे, बट कुछ कुछ गेम्स ऐसे भी थे जो दो गेम में खत्म हो गए बट बहुत क्लोज थे. जीते एक ही प्लेयर बट इतना क्लोज गया था वो मैचेस की समझ में आ नहीं था कि वो मतलब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे. तो वैसे सिनेरियोज जो है वो थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखा था. एंड इसके बाद देखेंगे कि आज के दिन में क्या होता है. वैसे आपका क्या प्लानिंग है, आपने क्या स्ट्रेटजी बना क्या है, बट उसके पहले देख लेंगे गाइस. जंप इन करेंगे डायरेक्टली हम लोग मैच नंबर 2 के ऊपर, गेम नंबर 1. एंड ये मैच होने जा रहा है जैन कुशल के साथ. सो मजा ऑब्वियसली बहुत आएगा. एंड ऋषिकेश लेट सी ये क्या करते हैं, क्योंकि ऋषिकेश को आपको शायद याद होगा कि उन्होंने पहले दिन बाइक गेम चल रहा है. एग्जैक्टली वहाँ पे शायद 22 से जीते थे. बट हाँ, यहाँ पे अगर डेक देखा जाए तो जैन कुशल कुछ बलून टाइप डेक या फिर कुछ क्विक साइकिल डेक हमें रन करते दिख रहे हैं. वॉल ब्रेकर्स भी हो सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट रियली श्योर. बट यहाँ पे ऋषिकेश जो डेक खेल रहे हैं काफ़ी मिड लैडर टाइप लग रहा है, क्योंकि हम ये वाला डेक आर्चर्स आजकल मेटा में तो बिल्कुल भी नहीं है एड हमें देखने को भी कम मिलते हैं. देखिए हॉक डाल दिया है उन्होंने, जैन कुशल ने हॉक डाल दिया ऑन द पुश, पुश को आते हुए उसके बीच में ही हॉक डाल दिया, तो वो पुश तो आराम से डिस्ट्रॉय कर देगा हॉक को. सो यहाँ पे अगर मैचअप देखा जाए तो अभी तक प्रेटी इवन चल रहा है, कोई ज़्यादा डैमेज लीड पे है नहीं. बट यहाँ पे अर्थक्वेक से काफ़ी अच्छा डैमेज लेंगे, 200 से ऊपर का डैमेज मिल जाता है. एंड यहाँ पे विजर्ड देखने को मिला है, विजर्ड भी बहुत ज़्यादा ऑफ मेटा है, जिसको आराम से रोक लेंगे जैन यहाँ पे वैलकरी से एंड हॉक से. तो मैच देखा जाए तो अभी तो एडवांटेज में कुशल की लग रहा है, बट गेम कभी भी पलट सकता है. क्लैश रॉयल का ये सीन है कि कभी भी गेम पलट सकता है TTR. जी बिल्कुल, देखिए अगर कभी भी ये गेम तो बदल सकता है. एंड उसके साथ जैन कुशल ऑपोजिट साइड में हम लोगों को जैक सेवन भी अपना जो परफॉर्मेंस है वो इधर देते हुए दिखेंगे. और जैन इधर बहुत जोरदार करने की प्रोवाइड किया जा रहा है उसके साथ साथ इधर बल्गेरियंस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जाएंगे. वो अपना बेसिन दिखाने की कोशिश मत कीजिए, जी हम लोग ऑपोजिशन में देखने के लिए मिल जाएगा. 15 सेकंड्स गो एंड 2x एलिक्सर भी कहने के निकल गया रहा है. 2x एलिक्सर के साथ इनका पूरा का पूरा सिनेरियो ये बैठा है. ये चाहिए एक और ग्रोथ करना हो रहा है. वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेम जो है वो अभी दिखाते जा रहे हैं. बेबी ड्रैगन के साथ भी अटैक करेंगे बट इनके अटैक से भी ज्यादा कहने की इनको एलिजर मैनेजमेंट पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एलिजर मैनेजमेंट उसका कुछ खास दिखाने की जरूरत है. एंड हो सकता है कि इसी वजह से उनको उतना ज़्यादा वैल्यू जी. हाँ एग्जैक्टली, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं. पर आप देखिए विजर्ड पे आप 5 एलिक्सिर लगा रहे हैं, बट विजर्ड आपको कुछ ऐसा कुछ एडवांटेज दे नहीं रहा है, बिकॉज मेटा में भी कुछ खास चल नहीं रहा है. एंड साथ में आर्चर्स भी कुछ खास वैल्यू दे नहीं रहे, तो ये मैच तो बहुत आराम से लेके चले जाएंगे कुशल, बिकॉज बॉम्ब टावर कर लिया सेटअप. यहाँ पे कोई वे नहीं है कि ब्रेक थ्रू कर सकें इस डिफेंस को. एंड यहाँ पे ईजिली आई थिंक कुशल यहाँ पे पहला गेम ले जाते हैं हमें देखेंगे, तो बहुत आराम से खेले, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लई. एंड जिस हिसाब से डेक चॉइस किया है ऋषिकेश ने,
तो मेरे को लगता है उनके लिए दिक्कत साबित हो सकती है, बिकॉज ऋषिकेश का जो डेक था उसमें आई थिंक थोड़ा मिड लैडर सॉर्ट ऑफ डेक था, एंड मिड लैडर सॉर्ट ऑफ डेक्स अगर आप कंपेटिटिव टूर्नामेंट्स में खेलते हैं तो आपके लिए दिक्कतें जरूर होने वाली है। एंड यहाँ पे विजर्ड यूज करी, आर्चर्स यूज करे जो कि ज्यादा मेटा में नहीं चल रहे, तो अगर आप मेटा वाले कार्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपके लिए डिफिकल्टी लेवल हाई होता रहता है डीटीआर। जी बिल्कुल, डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी लाइक कहने के हाई होता रहता है। एंड उसी के साथ अगर हम लोग इधर देखें तो बहुत अच्छा शुरुआत था, मिल चुका था उनके ओपोनेंट को, जैसे ऋषिकेश को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट कुशल जैन एक दिन इनके साथ आगे है एंड शुरू भी हो चुका है, माइनर आ चुका था, माइनर आके थोड़ा बहुत डैमेज प्रोवाइड करता हुआ, लाइक बहुत ज्यादा नहीं बट फिर भी जितना डैमेज किया है वो बहुत लाइक एंड हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग डैमेजेस जो है वो इधर प्रोवाइड किया गया है। अभी के लिए वल्कारी का इस्तेमाल देखने के लिए मिला था, मस्किटेट भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, बट कहने के ही थोड़ा बहुत इनके लिए जो है वो टफ सिनेरियोस क्रिएट कर चुका था। सो नाइट विच वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, तो हम देखते हैं, बट रॉयल बर्बेरियंस का इस्तेमाल देखने के लिए मिल चुका है, उसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिला तारन गॉब्लिंस भी, जिसके थ्रू डैमेज देने की कोशिश तो था बट बैट के इस्तेमाल करके बहुत अच्छे तरीके से उसका जो डिफेंस है वो निकाला गया है, एंड जितना जल्दी वो डिफेंस कर पाएंगे उतना ही ज्यादा बेटर, क्योंकि डिफेंस अगर अभी नहीं कर पाएंगे तो बाद में भी नहीं कर पाएंगे। आई डोंट थिंक इट इजी होगा, क्योंकि 700 लाइक समथिंग डैमेज जो ऑलरेडी 700 के आसपास ऑलरेडी हिट ले चुके हैं, एंड इतना हिट लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनके पास और कोई चांस बचने वाला है। बट ऑन द अदर हैंड जैन कुशल का अगर बात किया जाए, उनके ऊपर भी 1500 के आसपास एचपी तक छोड़ा है उनको, तो टफ तो होने वाला है, देखिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, तो ये किस तरीके निकलेंगे ये सारा कुछ जानना बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। Exactly. एंड यहाँ पे आप देखिए TTR की काफ़ी अच्छा डैमेज लीड जैन ने स्टार्टिंग में एक्वायर किया है, बट ऑन द अदर हैंड जैक के पास काफ़ी अच्छी एलिक्सिर एडवांटेज थी उस सिचुएशन में, यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा बट लॉक है नहीं साइकिल में, तो बैक से काम चला लेंगे जिसकी वजह से थोड़ा सा डैमेज तो ज़रूर लेना पड़ेगा, बट एलाइड बारबेरियन यहाँ पे इजीली डिफेंड हो गए, माइनर आता हुआ जरूर दिखेगा, एंड उनको पॉइजन, माइनर पॉइजन आया साथ में, एंड जो गॉबलिन गैंग डाली थी पॉइजन में तो पॉइजन को तो वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल गई, एंड यहाँ पे पुश बनाना पड़ेगा अगर जैक जीतना चाहते हैं, ऋषिकेश यहाँ पे जीतना चाहते हैं तो यही पुश है, यही डू और डाई पुश है उनके लिए, एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जा रहे हैं। एलाइड बारबेरियन आते हुए प्रिंस आता हुआ दिखेगा ज़रूर, एंड यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें दिखेंगी बट यहाँ पे बहुत बढ़िया डिफेंस मोटर सेटअप कर रखी थी, लॉक करी है बेहतरीन, एंड यहाँ पे 23 सेकंड में मेरे को नहीं लगता कि जैक यहाँ से गेम ले जा पाएंगे, बिकॉज डिफेंसिव मोटर उन्होंने काफ़ी अच्छी सेटअप कर रखी है, एंड राइट लेन में थोड़ा सा एग्रेसिव जाते हुए भी दिखे थे, मोटर आराम से क्लीन अप कर देगा सबको, एंड विजर्ड ने मस्किटियन ने किल कर दी विच, तो अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली कुशन के लिए, बहुत आराम से गेम ले गए इधर से, कोई दिक्कतें नहीं हुई, डिफेंस किया अच्छे से, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डैमेज भी ले पाए थे, 1500 तक डैमेज ले लिया था एक दो डिफेंसिव गलतियों की वजह से, बट यहाँ से जिस हिसाब से वो गेम लेके गए 2-0 से आराम से, और यहाँ पे जो डेक भी रन कर रहे थे वो मिड लैडर टाइप डेक रन कर रहे थे ऋषिकेश, तो वो उनके लिए थोड़ा सा आसान मैचअप और रेडी हो चुका था DTR। बिल्कुल सही, थोड़ा सा आसान जो मैचअप है वो तो रेडी हो चुका था, एंड वो इधर जीत भी गए, सो उतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। शुरुआत में उन्होंने 700 तक एचपी अगर देखा जाए 1200 के आसपास एचपी हो गया था, लाइक जिसमें हम लोगों को अटैक ऋषिकेश की तरफ से भी देखने के लिए मिला, बट वही चीज है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो तो है, लास्ट में जाके उन्होंने कवर अप भी किया एंड उसके साथ निकल के भी गए इस मैच को, सो एक बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम एंड आउटकम इनके तरफ से निकल के आया है, एंड लेट्स सी इसके बाद आशा करेंगे कि जितने भी स्टेजेस इनके पास रहेगा इसके बाद वो अपने जो डेक्स है उसको पहले थोड़ा बहुत रिसर्च करके लेके आएंगे, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं करेंगे फिर सिनेरियोस जो है वो थोड़ा बहुत टफ उनके लिए जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत था।
एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हमें देखने को ज़रूर मिली बाय ऋषिकेश, जिस हिसाब से उनका डेक सिलेक्शन भी था, डेक सिलेक्शन मैं कहूँगा थोड़ा सा वीक था, तो डेक सिलेक्शन में थोड़ा सा बेटर होना चाहिए और जो मेटा डेक्स है वो भी उन्हें प्रैक्टिस करने चाहिए. सो आई थिंक दैट शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट यहाँ पे नेक्स्ट मैच जो होने वाला है टी टी आर, वो होने वाला है आयुष आनंद वर्सेज भावेश के बीच में. तो ये मैच काफ़ी क्लोज जा सकता है बिकॉज दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर्स हैं एंड जिस हिसाब से ये पहले के दिन भी खेले हैं तो गेम प्ले काफी स्ट्रॉन्ग है दोनों का ही. तो इंटरेस्टिंग रहने वाला है मैच. द बीस्ट का मैच स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट चीफ भावेश. तो चीफ भावेश हमें देखने को मिल रहे हैं ग्रेवयार्ड के साथ एंड बीस्ट यहाँ पे वही डेक रन कर रहे हैं जिनको हमने सेम डेक रन करते हुए देखा हर मैचअप में. तो अगर आप सेम डेक रन कर रहे हो हर मैचअप में तो आपके लिए गेम जो होता है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है. तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भावेश यहाँ पे कुछ काउंटर बना के लाए हैं उसका या फिर नहीं लाए हैं. डीडीआर बिल्कुल सही, वो हम लोग के टाइम आता थे ही कभी खेलते हैं बीच का. बाकी अभी के लिए आयुष और भावेश के बीच में ये मैच चल रहा है एंड ठीक हो गई क्या बात है. टैंक मेगा नाइट से झटका एंड मेगा नाइट को अनाउंस किया जा रहा था राउंड करने के लिए इलेक्ट्रो विजार्ड एंड लेफ्ट साइड का टावर उनके तरह से छीन लिया गया. विलकारी के साथ में इलेक्ट्रो विजार्ड का फाइट ऑब्वियसली चल रहा है बट वो ज्यादा मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि आपके पास टावर्स कितने हैं जो कि एक कम हो चुका है ऑलरेडी चीफ भावेश के तरह से. तो बीस्ट का अगर बात किया जाए तो इनके पास है मौका कि वो इधर सुपर एग्रेसिव जाए बट सुपर एग्रेसिव आइडन टीम की इतना जल्दी वो जाना चाहेंगे बट सेंटर पावर को भी कहने की बहुत ज्यादा डैमेज दिया जा रहा था. ग्रेवियर्ड के इस्तेमाल इधर देखने के लिए मिल जाएगा. ग्रेवियर्ड के साथ आई थिंक मुझे लगा मेगा नाइट का पोजिशन जो है वो थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड की तरफ चला गया था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, नहीं तो पहले ही वो डाल सकते थे मुश्किल में. मेगा नाइट जा रहा है उसी के साथ उनके पीछे गार्ड्स जा रहे हैं बट आयुष विजार्ड का इस्तेमाल लेफ्ट साइड से किया गया था जिसके थ्रू उनका एक साइड का जो अटैक है वो शायद पूरा हो जाए. तो दोनों के दोनों ही अपना बेस्ट देने की कोशिश तो कर रहे हैं. ये है गाइस मैच नंबर 3 का गेम नंबर 1 एंड ये गेम के अंदर 3 क्राउन करते हुए द बीस्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम. एग्जैक्टली टी टी आर. बट अगर हम देखें जिस हिसाब से डेक सिलेक्शन है, बीस्ट हमें सेम डेक ही खेलते हुए दिखे हैं. ये जो मेगा नाइट हॉग फायर क्रैकर वाला डेक है तो ये सिमिलर डेक ही खेले अपने सारे मैचेस में जो इनके प्रीवियस मैचेस हुए हैं. तो अगर भावेश चाहते इधर तो काउंटर बना के ला सकते थे. ग्रेवयार्ड काउंटर तो मैं सच मानता हूँ उस इस डेक का मैचअप 60-40 या 70-40 रहता है ग्रेवयार्ड के फेवर में. बट स्टार्टिंग में देखिए आप कितने एग्रेसिव चले गए, ग्रेवयार्ड डाल दिया, पॉइजन डाल दिया एंड एज सच उसका कुछ खास डैमेज रिजल्ट निकला नहीं था. एंड जो उस समय काउंटर पुश बनाया मेगा नाइट के साथ, बैंडिट के साथ, हॉक के साथ, तो उनके पास इतना एलिक्सिर नहीं था कि वो डिफेंड कर सके. तो ग्रेवयार्ड में आप सिंगल एलिक्सिर में ग्रेवयार्ड तो जाइए मत. ग्रेवयार्ड अगर जा भी रहे हैं तो ग्रेवयार्ड पॉइजन मत जाइए बिकॉज अगर आप इतना एलिक्सिर कमिट कर देंगे एंड अपोनेंट समहाउ उसे डिफेंड कर लेता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं. एंड यही हमें देखने को मिला जिसपे बहुत अच्छे से पनिश किया इस सिचुएशन को एंड वहाँ पे एक टावर लेके आराम से लीड पे आ गया. और अगर ग्रेवयार्ड के अगेंस्ट आपका एक टावर अप भी रहता है, एक टावर डाउन हो भी जाता है किसी सिचुएशन में, तब भी आप गेम जीत सकते हैं ग्रेवयार्ड का बिकॉज किंग टावर हेल्प करता है देन ग्रेवयार्ड को डील आउट करने में. तो गेम बहुत ज़्यादा फेवर में आ चुका था बीस्ट के आफ्टर विनिंग वन टावर. तो अब देखना होगा कि बीस्ट तो मेरे को लग रहा है सेम ही डेक के साथ जाएंगे बिकॉज वो सेम डेक ही रन करते हैं. बट अब डिपेंड करेगा कि जो अपोनेंट है भावेश है यहाँ पे क्या डेक रन करे बिकॉज यहाँ पे तो हमने काफी ओवर कमिटमेंट उन्हें करते हुए देख लिया. एंड ओवर कमिट आप कभी भी मत कीजिए, अगर आप ओवर कमिट करते हैं तो आप आ जाएंगे. डेफिनेटली सिंगल एलिक्सिर में तो बिल्कुल भी ओवर कमिट मत कीजिए. एंड सेकेंड मैच टी टी आर होता हुआ स्टार्ट, मोटर देखने को मिली है एंड मोटर के लिए सेम ही डेक जैसे मैंने कहा कि सेम ही देखने को मिलेगा तो वो ही हमें देखने को मिल रहा है टी टी आर. बिल्कुल वैसा ही कुछ डेक के साथ उनका शुरुआत होगा, उसी के साथ लॉक का भी इस्तेमाल किया जाएगा. आइस स्पिरिट भी है उनके पास तो सारे के सारे कहने की कार्ड जो है वो रिवील करेंगे धीरे धीरे. बट आयुष आनंद वो लास्ट मैच में बेहतरीन उनकी तरफ से आया था गेम बट विद मोर्टर वो एक टावर को धीरे धीरे करके डैमेज देते रहेंगे. बट मेगा नाइट जब आ जाता है तो उस टाइम में
वो अच्छा ना अपने कोई भी डिफेंस को मुश्किल नहीं नामुमकिन सा हो जाता है एंड वो चीज कहने के हम लोग इसके पहले भी देखे एक ही था बट सही टाइम पे क्या वो सही टाइम था क्या लगता है अल्केमिस्ट मुझे लगा कि वो जो हिट है मेगा नाइट का उसने थोड़ा सा जस्ट लगने से पहले उनको Exactly, वहाँ पे TTR काफी क्लोज सिचुएशन थी वो तो आई थिंक सो बट स्टिल यहाँ पे डैमेज तो मिल गया डिसेंट मेरे को लग रहा था वहाँ पे टावर भी डाउन हो सकता है बिकॉज आप देखिए कितना ओवर कमिट किया था वहाँ पे मॉर्टर प्ले करी थी एंड आर्चर्स प्ले करे थे यहाँ पे मेरे को लग रहा है डिफेंसिव मॉर्टर्स खेलनी पड़ेंगी बिकॉज जनरली जो सीज प्लेयर्स मैं देखता हूँ जो मॉर्टर एक्सपो खेलते हैं वो डिफेंसिव एक्सपो या फिर डिफेंसिव मॉर्टर बहुत कम लगाते हैं एंड मॉर्टर हमेशा डिफेंसिव लगानी चाहिए जब आप ज़्यादा एडवांटेज में नहीं हो यहाँ पे डिफेंसिव मॉर्टर का यूज़ ज़रूर किया आर्चर्स को कुछ खास वैल्यू नहीं मिली है एंड यहाँ पे नाइट का अच्छा यूज़ किया था बट देखिए डैश स्टिल मिला बैंडिट को भी मिला है डैश एंड वहाँ पे डैश मिला है अगर हम देखें तो डार्क प्रेस को भी सो डिफेंस लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया है सिचुएशन में जैप आते हुए देखिएगा बट ईविस का बहुत ही बेहतरीन यूज़ यहाँ पे टॉर्नेडो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों किया दैट टॉर्नेडो वॉज कम्प्लीटली वेस्ट ऑफ एलिक्सिर एंड कुछ खास वैल्यू नहीं मिली उस टॉर्नेडो की तो वेस्ट किया पूरा एंड अगर आप ऐसे तीन एलिक्सिर दे दोगे अपोनेंट को तो आपको पनिश करेगा अपोनेंट जिस हिसाब से यहाँ पे फायर क्रैकर्स प्ले करें हॉक जो कनेक्शन हुआ है तो सही पनिश किया है यहाँ पे अपोनेंट ने बहुत बेहतरीन गेम प्ले बीस्ट यहाँ पे शोकेस करते हुए डैमेज वाइज अभी भी लीड में चल रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें अभी भी साबित हो सकती है भावेश के लिए TTR बिल्कुल सही ये चीज भावेश के लिए बहुत ही बड़ी हो जरूर सकता है एंड ऑलरेडी वो पीछे भी है एक राउंड से तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ सिनेरियो रहेगा एंड देखिए मैथमेटिक्स का गेम नंबर टू इधर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है धीरे धीरे मोटर को स्लाइडर एंड इधर से हम लोग को फायर क्रैकर भी देखने के लिए मिल जाएंगे फिर रॉकेट का जो इस्तेमाल है फायर क्रैकर का जो इस्तेमाल है वो बहुत जोरदार चलता वाला है फिर ताकि ये टावर धीरे धीरे करके अपने जो हिट पॉइंट है वो भी खोता जा रहा है ओनली 1038 आई थिंक इधर हिट पॉइंट के साथ सर्वाइव कर रहे हैं उनका ये टावर अभी भी 2x एलिक्सर तक हम लोग नहीं पहुंचे एक बार 2x एलिक्सर ओके सो वी आर इन 2x एलिक्सर बट अभी ओवर टाइम इधर चलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है ओवर टाइम में जाके एक टावर निकालना जरूरी है या फिर आप डैमेज कम लो या तो एक टावर ही निकाल लो या तो डैमेज कम लो क्योंकि वो टाइम ब्रेकर में आके आपके जो डैमेजेस है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है एग्जैक्टली यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं बट देखिए कितना रॉकेट कर दिया दोबारा साइकिल एंड रॉकेट पूरा डिस्ट्रॉय कर गया बट बैंडिट स्नीक इन कर गया है नीचे से एंड देखिए बैंडिट ने कितना लो कर दिया टावर अब तो ये गेम बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पे किया है बहुत ही बेहतरीन टॉर्नेडो जरूर किया था बहुत बढ़िया बट लेकिन जो पुश है वहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखेगा जरूर बिकॉज बैंडिट को देखिए आप जो डैश एबिलिटी है बैंडिट की वो इस गेम में कितना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे आता हुआ दिखेगा नाइट डार्क प्रिंस आता हुआ दिखेगा टॉर्नेडो किया जरूर है बट हॉक को हल्का सा गलत टॉर्नेडो करेंगे तो आप वो हिट तो जरूर लेगा जिस हिसाब से ये मैच खेला आई थिंक बहुत ही बेहतरीन गेम था बहुत आराम से लेके गए कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें मैच में एंड सेम डेक खेले बीस्ट अगर वो हार्ड काउंटर बना के लाना चाहते थे तो ला सकते थे बट वो भावेश यहाँ पे नहीं ला पाए हार्ड काउंटर बना के हार्ड काउंटर नहीं कर पाए उस डेक को बिकॉज ये तो पता था कि बीस सेम डेक ही खेलने वाला है जो मेगा नाइट हॉग वाला डेक है तो उसका काउंटर बना के ला सकते थे तो थोड़ा सा आई थिंक सो बेनिफिट में यहाँ से गेम ले जा सकते थे बट इन द एंड काफी अच्छा गेम प्ले खेला टॉर्नेडो जो आखिरी में किया था वो बहुत बढ़िया किया था बट उसका कुछ एज सच रिजल्ट निकला नहीं बिकॉज आप डैमेज इतना ले चुके हो गेम के स्टार्टिंग में ही एंड आप रॉकेट वाला जो सीज डेक है ये जो चल नहीं रहा इतना मेटा में वो आप डेक्स लेके आ रहे हो अगेंस्ट प्लेयर्स जो मेटा के डेक्स खेल रहे हैं तो आपके लिए दिक्कतें तो जरूर होने वाली है TTR एग्जैक्टली सो यहाँ पे स्टिल हम नेक्स्ट गेम की तरफ जाते हुए दिखेंगे नेक्स्ट गेम हमारा है आई थिंक अगर देखें तो नवजोत का मैच होने वाला है नवजोत बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है इंडिया के टॉप कंपेटिटिव प्लेयर्स में आते हैं तो नवजोत का मैच हमें देखने को मिलेगा थोड़ी ही देर में तो विल वेट फॉर दैट नवजोत वर्सेज आई थिंक सो
हमें देखने को मिलेगा नवजोत वर्सेस अभीत का मैच एक्समैन, और यहाँ पे दोनों ही अपर ब्रैकेट के प्लेयर्स हैं, दोनों ही काफ़ी बेहतरीन प्लेयर्स हैं, तो देखना पड़ेगा इधर से गेम ले जाते कैसे हैं वो, बिकॉज़ यहाँ पे इलेक्ट्रो स्पिरिट आते हुए दिखेगी ज़रूर हमें, और बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रो स्पिरिट से कर दिया है उन्होंने किंग टावर को एक्टिवेट। काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन है, देख सकते हैं दो टाइल राइट में डालना है किंग टावर के कोई भी ट्रूप, एंड वहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। सो देखते हैं इधर एग्जीक्यूशनर आते हुए हंटर आते हुए दिखेंगे एंड स्केलेटन किंग। सो यहाँ पे नवजोत मेरे को लग रहा है जॉइंट स्केलेटन देख के कि कुछ रॉयल जॉइंट टाइप्स डेक रन कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड नवजोत अगर देखें पैका आता हुआ दिखेगा फ्रॉम द बैक साइड, एंड पैका देखते हैं कुछ कर पाता है या नहीं, दिक्कत हो सकती है पैका के लिए। एंड रॉयल जॉइंट ऑन द राइट साइड हमें लेफ्ट साइड आता हुआ दिखेगा इन्फर्नो ड्रैगन जिसे हम देखेंगे, बट इन्फर्नो ड्रैगन को रोकने के लिए ईविस बहुत ही बेहतरीन, बट उनके पास फ्रीज है तो फ्रीज बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक यूनिक कार्ड है जो सरप्राइज एलिमेंट दे जाते हैं कभी कभार, तो वो हमें देखने को मिलेगा। एंड इलेक्ट्रो विजर्ड वर्सेज इन्फर्नो ड्रैगन, इलेक्ट्रो विजर्ड जीतेगी ज़रूर, एंड जो पैका को पुल किया है उन्होंने बीच में आई थिंक इज़ अ वेरी डिसेंट मूव, वेरी गुड मूव फ्रॉम देयर। बाकी अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि गेम यहाँ से प्रोग्रेस कैसे करते हैं, बिकॉज आप देखिए जो कार्ड शोकेस किए हैं नवजोत ने रॉयल जायंट रन कर रहे हैं, एंड एक्समैन यहाँ पे मेरे को लग रहा है ग्रेवयार्ड या बलून कुछ रन कर रहे हो सकते हैं डीटीआर। जी बिल्कुल सही, एंड किस तरीके से वो अपने डेक को रन करते हैं वही चीज अभी हम लोग को देखना होगा। बाकी दोनों की तरफ से एक-एक करके क्वेश्चन मार्क्स जो है वो हम लोग को शुरू बनता दिख रहा है, एंड देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक जो टैनज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट राइट हैंड साइड ये थोड़ा सा खतरे में जरूर रहेगा राइट हैंड साइड से, क्योंकि हम लोग अगर देखें एस टी एन के राइडर नवजोत के लिए, बट नवजोत को हम लोग पहचानते हैं, नवजोत के बाद क्या स्किल्स है वो हम लोग जानते हैं, बट एस टी एन एक मैन का भी अगर बात किया जाए वो भी किसी से उतना पीछे नहीं है, वो भी अपना बेस्ट गेम दिखा के जाते हैं। तो अब इसके बाद किस तरीके से चलेगा कैसे नहीं वो सब सारी चीजें हम लोग को देखने की जरूरत है। इन्फर्नो ड्रैगन का भी इस्तेमाल इधर हम लोग को देखने के लिए मिला, बीचों बीच में अटैक इधर बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक नवजोत का जो ये टावर है वो जाने वाला है, यस इधर से ये टावर गया एंड ओनली बैक टू द गेम गाइस, मुझे नहीं लगता कि कोई और कमबैक हो सकता है। राइट लेन में बहुत अग्रेसिव फ्रीज ग्रेवयार्ड एग्जैक्टली वहां पे गेम लेके चले गए हैं एफ सी एन एक्समैन अगेंस्ट नवजोत, तो नवजोत यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं लोअर ब्रैकेट में, अगर नेक्स्ट मैच भी हार जाते हैं तो दिक्कतें नवजोत के लिए जरूर यहाँ पे साबित होगी। जिस हिसाब से टीटीआर एंड में उन्होंने ग्रेवयार्ड का पुश बनाया फ्रीज किया, आई थिंक वो तो बहुत मैसिव जिसे कहते हैं मैसिव डैमेज जरूर देखने को मिले। एंड जो गेम प्ले भी शोकेस कर रहे हैं अभी काफी अच्छे लेवल का गेम प्ले, काफी हाई स्किल कैप गेम प्ले हमें देखने को मिल रहा है बाय दीस प्लेयर्स। नवजोत वहां पे थोड़ा सा लैक करे बिकॉज उनके पास कोई अच्छा डिफेंसिव कार्ड नहीं था। अगर आप देखें ग्रेवयार्ड का कोई अच्छा आंसर नहीं था उनके डेक में, जनरली लाइटनिंग देखा जाता है रॉयल जायंट के साथ, तो उनके पास ना पॉइजन था ना फायरबॉल था, तो कुछ एज सच हार्ड काउंटर करने के लिए था नहीं। वहाँ पे फ्रीज का जो एलिमेंट लाए एक्समैन अभी तो वहाँ पे, तो उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गेम बढ़िया चीज़ मेरे को देखने को लगी। बट यहाँ पे कर दिया है पंप से स्टार्ट जिसको पॉइजन करेंगे स्टार्टिंग में एक्समैन, सो पंप लॉग एंड यहाँ पे स्केलेटन्स देखने को मिले हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस समय पे। एंड एक्सबो देख लेंगे तो ये तो होने वाला है एक्सबो, बिकॉज अगर आप कैनन कार्ड पीछे से खेल देंगे तो फिर तो आपको एक्सबो से पनिश करने के लिए आ जाएगा। एंड ये है एक्सबो की वेरिएशन जिसमें पंप खेला जाता है, आर्चर क्वीन होती है, तो ये इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है बिकॉज आर्चर क्वीन बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे सकती है इस मैच में। एंड कैनन कार्ड को किया है दो एलिक्सिर से डिफेंड, आप देखिए क्या बेहतरीन अपोजिट लेन प्रेशर किया एंड कैनन कार्ड को कर लिया दो एलिक्सिर से डिफेंड, और थ्री एलिक्सिर का पॉजिटिव ट्रेड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लेफ्ट लेन में आता हुआ एक्सबो अगेन, एक्सबो काफ़ी क्विक साइकिल हो सकता है आप देखिए टीटीआर, बिकॉज दो दो इनके पास स्पिरिट्स हैं जो एक एलिक्सिर की आती है, बहुत बढ़िया कैनन कार्ड से स्नाइप करने की कोशिश, एंड यहाँ पे एबिलिटी यूज करेंगे टीटीआर। बिल्कुल सही, इधर एबिलिटी का यूज हम लोग को जरूर देखने के लिए मिला, बट उसके बाद ही हम लोगों को देखने के लिए इलेक्ट्रो विजर्ड के साथ
काम तो कर देंगे, बट इसके बाद क्या होगा? मैच इधर शुरू हुए 30 seconds के ज्यादा लगे, एक मिनट के ऊपर हो चुका है एंड अभी भी कोई भी टावर के ऊपर ज्यादा कुछ खास डैमेज नहीं लगा। स्पेशली अगर बात किया जाए नवजोत की, नवजोत अभी पीछे है कहीं ना कहीं एफसीएन फैन से, तो नवजोत के लिए ये दो अभिषेक अगर बात करते हैं उनको अगर रोकने में सफलता मिल जाए नवजोत को, तो ऑब्वियसली नवजोत इधर कोशिश करेंगे कि वो अपना गेम बिल्ड करें पहले सोचे समझे, क्योंकि आज के दिन में ये जो पहला मैच था इसके पहले वो मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा राइट हैंड साइड पे, कहीं ना कहीं जो पोजिशन है वो बनता जा रहा है एंड पोजिशन जो है वो इधर दिखता जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक कहीं ना कहीं किया जा रहा है डाउन एंड पीछे से देखो मिनियन का भी जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। वल्कारी आते आते ही इधर हो जाएगा डाउन एंड लॉक से इस पूरे एरिया का साफ सफाई फिलहाल नवजोत। जी हाँ, यहाँ पे प्रेशर करने की काफी कोशिश करी, बट दोनों पंप अगर आप सेम लेन पे खेल देते हो तो आप सबसे बड़ी मतलब एक बहुत बेकार मूव कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, बिकॉज दोनों पंप को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक डाउन किया एंड यहाँ पे देखिए अग्रेसिव जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मोटर वहाँ पे सेटअप हो रखी है डिफेंसिव, तो ये मैच अभी भी मेरे को लग रहा है एक्समैन के फेवर में जा सकते हैं किसी भी सेकंड, बिकॉज जैसे ही ट्रिपल एलिक्स स्टार्ट होगा ये बहुत एग्रेसिव जाएंगे ग्रेवयार्ड्स के साथ। एंड अगर हम नवजोत की बात करें तो उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वो नहीं है काउंटर करने के लिए। देखिए ब्रिज पे रोका वैलकरी को, बट मिनी पैका मेगा मिनियन आता हुआ डिफेंसिव एंड यहाँ पे ग्रेवयार्ड देखिए आप कितनी बढ़िया हेल्प करेगा, पंप को भी टेक डाउन करेगा एंड साथ ही में डैमेज भी देगा टावर पे, तो वहाँ पे बहुत ही बढ़िया इंटरेक्शन अभी देखने को मिली। क्वीन को डाउन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे प्लेसमेंट करी है, क्वीन की एबिलिटी नहीं आ पाएगी एंड यहाँ पे दोनों जगह पे पॉइजन दोनों जगह पे स्प्लिट करके खेली है, तो ये अच्छा मूव है आई थिंक। एंड यहाँ पे देखिए कनेक्शन हो गया मोटर का, अगर एक भी कनेक्शन लगता है ऐसे तो दिक्कतें जरूर होने वाली है। मेगा मिनियन आता हुआ जरूर एंड यहाँ पे देखिए डिफेंस करने की बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा ओवर कमिट हो चुका है एक्सपेन के तरफ से, तो एक्सपो लगाना जरूर चाहेंगे एंड एक्सपो हमें देखने को मिला बहुत बेहतरीन पॉइजन डिफेंसिव, मतलब गेम तो आप समझ लीजिए DTR गेम तो होने वाला है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एंड इविस आई भी और गई भी बिल्कुल सही है एंड वो जितना जल्दी आए उतना ही जल्दी उनको हरी भेज दिया गया एंड इस एरिया पे कौन जीतेगा अभी भी मुझे लग रहा है कि नवजोत के पास उतना कुछ खास पोजीशन है नहीं एंड उनके लिए ये मुश्किल बन सकता है, क्योंकि एसपीएन देखिए कितना शानदार तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है फ्रॉम साइड ऑफ नवजोत वो बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं, एसके मैन वो इधर एक टावर के पीछे लगे, एक टावर अगर उनको मिल गया तो वो इधर से पूरा ये बिस्टॉफी का सीरीज जीत के जा सकते हैं, बट अगर इधर नवजोत ने कम बैक किया तो वो भी एक अलग सा देखने के लिए मिलेगा, मजा ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा आता हुआ इधर दिख रहा है, तो राइट लेन का आपको इधर देखने के लिए मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत फाइट इधर चल रहे थे एंड दोनों ही कार्ड का जो इस्तेमाल है वो बहुत खूब किए, बट ये मैच का जो डिसाइडर होने वाला है वो अभी होने वाला है कुछ ही देर के अंदर एंड यस इधर से निकाल के लेके जाएंगे इस मैच को अभी एंड मीना एफसीएन मैन वो एक और मैच जीत के कहीं ना कहीं ये पूरे बेस्ट ऑफ थ्री को अपने खाते में लेके आगे। जी हाँ TTR मैन हु बीट नवजोत, तो ये तो एक रहने वाले उन्हीं के साथ और यहाँ पे लूजर्स ब्रैकेट में कर देंगे नवजोत को यहाँ पे शिफ्ट, तो देखिए आप अंडररेटेड टैलेंट हमें देखने को मिल रहा है अभी जिस हिसाब से खेले यहाँ पे गेम प्ले इतना पेशेंटली खेले ग्रेवयार्ड वाला डेक एंड ये ग्रेवयार्ड वाला डेक हमें जितिश के द्वारा एक दो मैचेस में पिछली बार देखने को मिला था टूर्नामेंट्स में, तो ग्रेवयार्ड बहुत पेशेंटली खेले एंड पहला मैच में भी ग्रेवयार्ड हमें जाते हुए दिखे, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं अपने पास एंड गेम प्ले भी उस हिसाब से खेल रहे हैं जिस हिसाब से कोई इनको दिक्कत नहीं हो रही मैचअप में, सो वो बहुत बेहतरीन देखने को मिला एंड यहाँ से अब शिफ्ट हो चुके हैं अगर हम देखें तो लोअर ब्रैकेट में, तो थोड़ी दिक्कतें अब नवजोत के लिए होंगी, अब लोअर ब्रैकेट से ऊपर आने में तो आप समझ लीजिए कितना डिफिकल्टी होने वाला है, सो वो तो रह गई, बट अब जो नेक्स्ट मैच होने वाला है वो होने वाला है अभिषेक का अगेंस्ट DVG आई थिंक,
डीवीजी के अगेंस्ट मैच हमें देखने को मिलेगा। एंड डीवीजी जिस हिसाब से चल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा थे, कल स्मोक को किया लोअर ब्रैकेट में शिफ्ट, एंड डीवीजी डोमिनेट कर रहे हैं इधर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। अभिहित ने काफी अच्छे मैचेस खेले हैं, डीवीजी ने भी काफी अच्छे मैचेस खेले हैं, जितेश ने काफी अच्छे मैचेस खेले हैं। तो अभी सब जो प्लेयर्स हैं वो काफी डिसेंट मैचेस देखने को मिले हैं। अब नवजोत और सर स्मोक अलॉट अगर लूजर्स ब्रैकेट में पहुंच गए हैं तो लूजर्स ब्रैकेट में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। तो अगर आप लूजर्स ब्रैकेट में जाते हैं तो आपको डबल, जिसे कहते हैं डबल दिक्कत फेस हो गई नीचे, सो वही सीन है। बट यहाँ पे अब मैच स्टार्ट होने वाला होगा किसी भी सेकंड, अभिषेक वर्सेस डीवीजे, ये होने वाला है बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैच, बिकॉज डीवीजे भी जीत रहे हैं मैचेस, अभिषेक भी मैचेस जीत रहे हैं, तो दोनों ही जो धुरंधर खिलाड़ी है उनके बीच में ये मैच होने वाला है टीटीआर। जी हाँ, सो मैच अभी थोड़ी ही देर में स्टार्ट होगा एंड देखते हैं टीटीआर कैसे डेक्स चूज करते हैं दोनों ही प्लेयर्स, बिकॉज दोनों ही प्लेयर्स काफी अच्छे जाने माने खिलाड़ी। अगर हम देखें अभिषेक भी काफी अच्छे मैचेस खेले हैं एंड डीवीजे भी थोड़ा प्रैक्टिस काफी अच्छे से कर चुके हैं रिसेंट मैचेस में, एंड कल ही हमने देखा स्मोक को जिस हिसाब से उन्होंने बाहर किया था 2-1 के स्कोर से। तो हाँ, दोनों को ही काफी अच्छी प्रैक्टिस है और डीवीजी चाहेंगे जो अपनी विन स्ट्रीक है वो कंटिन्यू रखें इधर से एंड नेक्स्ट राउंड में प्रोग्रेस करें, बिकॉज नेक्स्ट राउंड तक पहुंचते हैं तो फिर उनके लिए आसानी होती रहेगी धीरे धीरे, जिस हिसाब से पहुंचेंगे तो उनके लिए काफी आसानी होने वाली है। एंड देख लेते हैं थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होता है तो डीवीजी कैसे परफॉर्म करते हैं एंड अभिषेक यहाँ पे क्या लाएंगे काउंटर करने के लिए, बिकॉज डीवीजी जैसे हम जानते हैं क्विक साइकिल डेक्स खेलते हैं, तो क्विक साइकिल डेक्स का क्या काउंटर बना के ला सकते हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है टीटीआर। बिल्कुल, देखिए इंटरेस्टिंग तो ऑब्वियसली होगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैचेस देखने के लिए हम लोग ट्यून इन करते हैं स्पोर्ट्स जी के चैनल पे। सो गाइस, जो लोग भी ज्वाइन किए हो मेक बटन शेयर बटन को एंड इसके साथ सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑब्वियसली वो शेयर सिर्फ आपके दोस्तों को एक कर दिया दो कर दिया वैसे नहीं, उनको भी बोलिए कि उनके भी दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि ये जो एक्साइटिंग मैचेस है वो मैचेस आप और भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाओ। एंड अभी तो आप लोगों के सामने चल रहे क्रैश रॉयल, इसके बाद बहुत सारे और भी गेम्स रहने वाले हैं जो कि सिर्फ इसके बाद नहीं इसके पहले भी हो चुके हैं, एंड इसके पहले क्लैश रॉयल का भी इवन एक क्वालिफायर हो चुका है। सो सब मिला के बहुत बहुत ज्यादा मजेदार रहा है हमारा ये पूरा जर्नी स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज का, क्योंकि ये पूरा ईयर लॉन्ग एक टूर्नामेंट है जिस टूर्नामेंट के अंदर उसके साथ साथ कहने के मतलब बोल सकते ऑसम एक्सपीरियंस एंड ऑल सब कुछ मिल जाता है। एग्जैक्टली, यहाँ पे एक्सकैलिबर वर्सेस डीवीजे मैच हो चुका है स्टार्ट, दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी है, एक्सकैलिबर को भी लीग्स में खेल लेगा काफी एक्सपीरियंस है, बट डीवीजे के अगेंस्ट क्या लाएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। कैनन पे कर दिया हमला, बट नहीं, डीवीजे डैमेज बिल्कुल नहीं लेंगे, स्केलेटन्स प्ले कर देंगे बट डैमेज बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे टावर पे अर्ली ऑन। एंड यहाँ पे स्केलेटन आर्मी स्प्लिट किया फ्रॉम द बैक साइड, बिकॉज साइकिल करने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो डेक देख के अभी कुछ खास आइडिया हो नहीं रहा है, मे बी क्विक साइकिल डेक है बिकॉज वॉल ब्रेकर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, बेट टाइप कुछ डेक हमें देखने को मिल रहा है, तो वॉल ब्रेकर्स दोबारा आते हैं, वॉल ब्रेकर्स इजीली आए भी गए भी, एंड फायरबॉल की वैल्यू मिल रही है तो फायरबॉल की वैल्यू लेना कभी नहीं छोड़ते डीवीजी, और वही हमें देखने को मिल रहा है सिचुएशन में। बाकी अब गॉबलिन ड्रिल से प्रेशर कर रहे हैं आराम से, एंड देखते हैं गॉबलिन ड्रिल का काफ़ी अच्छा आंसर है उनके पास लॉग और स्केलेटन्स ताकि बेयरली एनी डैमेज लेना पड़े, तो डैमेज लीड में चल रहे हैं डीवीजे अर्ली ऑन, बट एक्सकैलिबर भी जानते हैं कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं डीवीजे, तो मैच ज़्यादा ही क्लोज होने वाले हैं। तो यहाँ पे लॉग आती हुई दिखेगी, जाइंट स्केलेटन आता हुआ दिखेगा पीछे से, एंड पीछे से जाइंट स्केलेटन आएगा तो यहाँ पे देख कि आती है जिससे जायंट स्केलेटन को रोक देंगे, एंड पीछे से आता हुआ काउंटर करने के लिए स्केलेटन किंग। तो डेक देखें तो दोनों ही काफी क्विक साइकिल डेक्स रन कर रहे हैं दोनों ही प्लेयर्स, एंड इन्फर्नो टावर प्ले कर दिया है एकदम ब्रिज पे, तो इंटरेस्टिंग मूव ताकि जायंट स्केलेटन आगे सर्वाइव ना कर सके, एंड इन्फर्नो टावर को थोड़ी अच्छी वैल्यू तो मिली है बिकॉज मस्किटियर को भी ऑलमोस्ट डाउन कर दिया, एंड साथ ही में जाइंट स्केलेटन को भी डाउन कर दिया था, तो जाइंट स्केलेटन आएगा जरूर स्केलेटन्स को डील आउट करने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहे थे। राइट लेन में हमें सेम देखने को मिलेगी गॉबलिन ड्रिल, एंड यहाँ पे लॉक का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि एक भी कनेक्शन ना लगे, हल्का सा भी कनेक्शन ना लगे वॉल ब्रेकर का, तो काफ़ी अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे मस्किटियर आती हुई फ्रॉम द बैक साइड,
सो ये मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा किसी भी सेकेंड, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मैच कहाँ से जा रहा है। जायंट स्केलेटन आता हुआ दिखेगा, लॉग आती हुई दिखेगी, लॉग बहुत ही बेहतरीन डैमेज है एंड यहाँ पे बहुत बढ़िया डैमेज मिल सकता है अगर जायंट स्केलेटन कनेक्ट होता है। जायंट स्केलेटन बहुत ज़्यादा क्लोज है टावर के, लॉग भी किया है बट आई थिंक सो ये जायंट स्केलेटन कनेक्ट हो सकता है या फिर एक टाइल का डिफरेंस रहेगा, एक टाइल का डिफरेंस रहा। पाल पाल बचे यहाँ पे एक्सकैलिबर, वरना तो ये गेम अभी तो ओवर हो चुका था। स्टिल काफ़ी अर्ली अच्छी डैमेज लीड में, तो प्रेशर करना ज़रूर चाहेंगे, प्रेशर को नहीं रोक रहे इस समय पे। लॉग कर सकते थे, लॉग नहीं किया, आराम से डिफेंस कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिकॉज डैमेज लीड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ले लिया है। तो इधर से गेम निकाल सकते हैं किसी भी सेकेंड, डैमेज काफ़ी है, डिफेंस कर सकते हैं। गुड गेम कॉल आउट कर दिया एक्सकैलिबर ने अभी ही, क्या पता एक माइंड जो मूव होता है जिसे थोड़ा सा अपोनेंट को एक तरीके से ऑफ गार्ड कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इन्फर्नो टावर की प्लेसमेंट हमें देखने को मिली। गॉब्लिन ड्रिल फिर आती हुई दिखेगी, फायर बॉल भी आती हुई दिखेगी इस बार बिकॉज अब होने वाला है टीटीआर ट्रिपल एलिक्सिर शुरू कुछ ही सेकंड्स में। Yes, और कुछ ही सेकंड्स की बाकी है, देखिए बाद में कितने एलिक्सिर भी देखने को मिलेगा। मैक्सिमम 5 आएंगे एंड इसी के साथ फुल ऑफ वर्क, तो मजा कहीं ना कहीं बहुत सारा आता हुआ एंड दोनों ही अपना बेस्ट देने की कोशिशों की तरफ से चल रहा था। लेफ्ट साइड पे आप अगर देखोगे एक्सकैलिबर का, तो एक्सकैलिबर इधर 903 के साथ पहले के जो अभी सर्वाइव कर रहे, एक तरफ इंफर्नो टावर, दूसरी तरफ कैनन और क्या इंफर्नो टावर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर टाइमिंग के इधर पूरा काम किए। माइनर का इस्तेमाल नहीं है, ड्रिल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ड्रिल बहुत सारा बेहतरीन तरीके से तो अभी आगे बढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए चारों तरफ देखना बहुत जरूरी रहेगा। चार के लिए एक के बाद एक का अपने जो पूरे ट्रुप से वो यूज किया जा रहा है, डिफेंस में भी इस्तेमाल करेंगे, लॉग का इस्तेमाल बचा दिया स्टार्टअप में। तो ये अगर लॉग नहीं आता तो आई थिंक ये राइट साइड का जो टावर है वो शायद कैलिबर निकाल के लेके जा सके, फिर भी कोशिश करता जा रहा है। कैनन को इधर डाला गया बहुत सही जगह पे, बट स्केलेटन के इंटरप्ट साइड पे प्रिजनर भी राइट साइड पे एंड इधर एक फायर बॉल के साथ पूरा दिया जाएगा। ओ बहुत क्लोज लास्ट में फायर बॉल है, टाइम में जो वाला है एग्जैक्टली यहां पे बहुत ही बेहतरीन गेम, बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले डीवीजी के द्वारा देखने को मिला। लेफ्ट लेन में टावर लेके जा चुके हैं, तो गेम प्ले जिसे कहते हैं ना महारथियों का गेम प्ले है वो ही देखने को मिला। ओवर टाइम तक गया गेम एंड बहुत ज़्यादा क्लोज टीटीआर वो मैच वहाँ पे हमें जाते हुए ज़रूर दिखा था। गेम प्ले बहुत ही बेहतरीन था, दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी अच्छा खेल रहे थे एंड स्टार्टिंग में ही अगर देखें आप टीटीआर स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छी लीड तो किसी के पास नहीं थी, पर डैमेज लिए जा रहे थे दोनों ही प्लेयर्स। कभी यहाँ पे गॉब्लिन ड्रिल प्ले कर रहे थे, वॉल ब्रेकर्स प्ले कर रहे थे, पर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया डीवीजी ने, कनेक्ट नहीं होने दिए वॉल ब्रेकर्स एक भी बार, बिकॉज अगर वो कनेक्ट हो जाते वो डैमेज बहुत ज़्यादा देते, होते छोटे से हैं पर डैमेज अगर लग जाए तो बहुत ज़्यादा मैसिव दे देते हैं। तो वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वहाँ पे विक्ट्री हमें देखने को मिली टीटीआर, बहुत शानदार विक्ट्री देखने के लिए मिला। बट ये क्लोज भी था मैच, तो किस तरीके से अभी नेक्स्ट डेक को लेके आएंगे, चेंजेस तो आई थिंक हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट डेक चेंजेस अगर वो आएगा तो इनके लिए अच्छा खासा चांसेस बनता हुआ दिख सकता है। एज ऑफ नाउ मुझे जितना लगा कि ये गेम, मुझे लग रहा है कि तीसरे गेम तक जाने वाला है फॉर श्योर, लाइक तीसरे मैच तक ये गेम जाएगा एंड अगर वो गया तो इंटरेस्टिंग तो पहले से ही था और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड स्पेशली डीवीजे का अगर बात किया जाए, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड एक प्लेयर है एंड उनका एक्सपीरियंस कहने की झलक क्या आता है। बट एक्सकैलिबर उन्होंने जिस तरीके से अपना पहला स्टेज लाइक हम लोग अगर बात करें उनका शुरुआती गेम खेला था, फिर वो विनर ब्रैकेट्स में लाइक पूरा जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो भी बहुत खास है, बहुत अच्छा है एंड इस जगह पे भी आके इतना क्लोज कर चुके थे डीवीजे के साथ। तो मुझे तो लग रहा है कि ये मैच तीसरे तक जाएगा, तो आपको क्या लगता है लाइक ये तीसरे तक जा सकते हैं या फिर डेक जो है वो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पता है इधर डीवीजे का स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो वो क्या डेक के साथ आने वाले हैं, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है?
डीवीजे मेरे को लगता है अभी भी कोई क्विक साइकिल ही डेक रन करेंगे मेरे हिसाब से, अब हॉग लेके आएंगे बिकॉज हॉग लाते हैं वो सेकंड मैच में जनरली, एंड चाहेंगे कि क्लोज कर दें, एंड हॉग ही मेरे को लग रहा है देखने को मिलेगा बिकॉज जिस हिसाब से पहले के कार्ड्स इन्होंने खेले हैं वो हॉग वाला ही डेक दर्शाते हैं, एंड डीवीजे मेरे को लगता है कि यहाँ से क्लोज करना चाहेंगे सेकेंड गेम में ही, हॉग देखने को मिला राइट लेन में प्रेशर करते हुए दिखेंगे, एक्सकैलिबर लाए हैं ये मॉर्टर वाला डेक जिसमें फायर बॉल होती है, एंड ये डेक डिसेंटली खेला जाता है, बट देखिए फायर स्पिरिट को कितनी वैल्यू मिली अगेंस्ट मिनियंस, एक एलिक्सिर के फायर स्पिरिट्स ने कर दिया मिनियंस मिनियंस को पूरा ही डिस्ट्रॉय, सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा मैच देखने के लिए। बाकी टीटीआर आपको क्या लगता है कि ये मैच किस फेवर में जा सकता है? ये मैच देखिए ये भी उसको प्रिंट करना बहुत टफ है क्योंकि लास्ट बार हम लोगों ने देखा था एक्सकैलिबर ने भी अपना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया एंड वो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से चल भी रहा था। वेपर साइड के पूरे जो सिनेरियो है वो इन तरह से कैरी किया जा रहा था एंड बहुत बेहतरीन तरीके से गेम है वो भी निकाल के लेकर आए थे। तो अभी उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा वो सारा कुछ देखना जरूरी है। रॉयल गार्ड्स के साथ अभी धीरे धीरे आगे अटैक करने की कोशिश, लॉक का भी इस्तेमाल कर दिया जाएगा, डैमेज इधर किया जा रहा है प्रोवाइड एंड इतने सारे डैमेजेस के साथ मुझे लगता नहीं है इजी होगा ये पूरा सिनेरियो। 606 एक्सपी के साथ अभी के लिए सर्वाइव करता हुआ इट्स कैलिबर का राइट बिल्डिंग लाइक राइट टावर बहुत जल्दी जाने वाला है फोर्थ और क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा गेम चल रहा है सिर्फ 444 लाइक 444 के आसपास का हिट पॉइंट बचा हुआ रहेगा राइट हैंड टावर के राइट हैंड साइड के टावर के ऊपर एंड ये हिट पॉइंट ये कितना ज्यादा इनके लिए फायदेमंद हो सकता है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। बट हॉक राइडर क्लोजिंग एंड इसी क्लोजिंग के साथ हॉक राइडर निकाल के लेके जाएंगे उनका पहला टावर एंड जो हिट पे लग रहा है एक एक हिट का 200-250 करके यानी कि डैमेज है वो निकल के जा रहे हैं। इन पे इतना बात स्केलेटन जाइंट उनके पिंक कैरेक्टर पिंक सबसे बदला था एंड शायद उधर स्केलेटन को पता चल चुका था कि नहीं इस बार और नहीं हो पाएगा, तो इसी वजह से उन्होंने छोड़ ही दिया लास्ट में आके, कोई भी डिफेंस भी नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि इधर से बच पाना इम्पॉसिबल से है। डीवीजे आज के दिन का ये मैच भी जीत के बैक टू बैक दो मैच जीत के इधर से निकाल के लेके आ चुके हैं इस पूरे गेम को एंड बहुत ज्यादा शानदार आउटकम जो है वो उनके तरफ से निकाला गया था। सो आज के दिन के 5 मैचेस हो चुके ऑलरेडी खत्म एंड 5 मैचेस एंड होने के बाद हम लोगों को बहुत ज्यादा बेहतरीन कुछ प्लेयर्स इधर निकल के आते हुए दिखे एंड प्लेयर्स अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके के अगर आउटकम्स निकल के आता हुआ दिखेगा पूछा लग रहा है कि आज के दिन के एंड तक जो है वो लाइक क्या एक्सपेक्टेशंस हम लोगों का और भी हाई हो जाएगा, लाइक जितना था उसका 10 गुना 20 गुना हो सकता है जिस तरीके से आज के दिन के ये गेम्स देखने के लिए मिल रहा है। एग्जैक्टली टीटीआर अब नेक्स्ट मैच में रही है, डीवीजी तो जीत चुके हैं, देखना पड़ेगा मैं जीत पाता हूँ या नहीं, सो आई एम जॉइनिंग द क्लैन राइट नाउ तो आपको कैरी करना पड़ेगा पूरा, सो आई बी आउट राइट नाउ एंड मैच देख लेता हूँ मैं अपना सेटअप कर लेता हूँ। सो एंड कहने की अगर देखा जाए तो इधर तो हमारे अल्केमिस्ट जी वो अपना सेटअप एंड ऑल करने के लिए चले गए हैं तो उनका गेम अभी हम लोग देखेंगे, शुरुआत होगा और कुछ ही देर के अंदर आसद के साथ वो मैच होने वाला है। सो या लेट्स सी गाइस, आप लोग सपोर्ट कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर, आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए इधर कमेंट एंड कौन से प्लेयर को आप सपोर्ट कर रहे हो वो आप लोग जरूर बता सकते हैं एंड आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो वो भी आप लोग हम लोगों को चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। एंड एक और चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए क्योंकि जब जब हम लोग आएंगे हमारे स्ट्रीम के साथ या फिर कोई भी कंटेंट अपलोड किया जाएगा या फिर लाइक वीडियोज डाला जाएगा वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। विद द मोस्ट इंटरनेशनल मैच इधर हो चुका है शुरू ये मैच एंड अल्केमिस्ट के साथ इधर साइलेंट फिलर के बीच में ये पूरा गेम खेलता दिखता है और जो नाइट का इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह से दूसरी तरफ हम लोग को मिड नाइट देखने के लिए मिल रहा था तो डार्कनेस वर्सेस मिड नाइट के बीच में करारा प्रहार करारा युद्ध एंड वो युद्ध में हिट इधर लेते हैं दिखेंगे एक हिट बहुत बहुत ज्यादा इधर तैयार रखे हैं एंड देखिए लाइटनिंग स्पेल के साथ डैमेज इधर किया गया प्रोवाइड एंड ऐसे अगर डैमेज प्रोवाइड करते हैं तो मुश्किल में धीरे धीरे बरकरार रहेगा। आई एम राइडर आ चुके हैं बहुत ज़्यादा क्लोज एंड राइडर के साथ डैमेज जब वो प्रोवाइड किया जा रहा था
वो अपना पूरा का पूरा प्रहार करेंगे, डिफेंसिव साइड पे भी अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन दोनों ही ज्यादा कुछ खास दिख रहे हैं। एक तरह से 13-17, दूसरे तरफ 13-1, तो दोनों का जो डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। माइनर का इस्तेमाल किया गया था एंड अल्केमिस्ट गेमिंग के पास ज्यादा कुछ खास मौका नहीं बन रहा, क्योंकि सिक्स डबल टू सिर्फ और सिर्फ एचपी के साथ उनका लेफ्ट हैंड साइड का जो टावर है वो भी बचा हुआ है। बर्बेरियन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा एंड बर्बेरियन जाके भी वो हिट नहीं आ पाया है। सो कोशिशें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलता हुआ, बहुत बेहतरीन ये गेम चलता हुआ एंड उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिला है अर्चर फिन का इस्तेमाल एंड ओ माय गॉड इधर से एक फायरबॉल का इस्तेमाल कर दिया जा चुका है। मेगा नाइट अभी आ जाएगा एंड उसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिला था मैजिक आर्चर, बड़े झटके में पूरा तोड़ दिया मैजिक आर्चर को, एक ही झटके में एक ही हिट में इधर पूरा का पूरा काम तमाम कर दिया। डिफेंसिव गेम अभी इधर खेलना होगा साइलेंट किलर को, बट साइलेंट किलर को पता है जितना काम उनको करना था वो कर चुके हैं, सिर्फ 42 सेकंड है उनके हाथों पे एंड यही टाइम के अंदर उनको डिफेंस भी करने ने टैग में ही एक साइड का टावर ले चुके हैं। अल्केमिस्ट गेमिंग के लिए भी जरूरी हो चुका है कि वो मिनिमम से मिनिमम एक टावर को तो निकाले ही निकाले एंड डिफेंस पे दोनों के दोनों कैनन्स है वो डिप्लॉय कर दिया जा चुका है, दोनों मिलकर डैमेज बहुत जोरदार देता हुआ। उसी के साथ रैम राइडर का क्लोज इन 700 समथिंग के आसपास ये पूरा एरिया दिखता है। आई थिंक इधर से गॉब्लिन ड्रिल का इस्तेमाल किया जा सकता है, गॉब्लिन ड्रिल अगर वो सही इस्तेमाल करेंगे मौका मिल जाएगा। बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा के गया एंड अल्केमिस्ट गेमिंग को इधर 1-0 से फिलहाल के लिए पीछे छोड़ चुके हैं। सो साइलेंट किलर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक मैच अगर उनको जीत के आगे बढ़ जाना है तो, एंड दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें अल्केमिस्ट का तो अल्केमिस्ट को चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस जगह से लाइक काइंड ऑफ दो विंस जो कि बैक टू बैक होना चाहिए, लाइक एक के बाद एक नहीं लाइक बैक टू बैक दो विंस इनके लिए होना बहुत ज़रूरी है और एल्स वो बहुत ही ज़्यादा पीछे चले जाएंगे एंड बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कतें इनके लिए क्रिएट होगा। सो देखेंगे गाइस नेक्स्ट मैच चालू होने के बाद, बट डेक को इधर चेंज ज़रूर किया जाएगा। मुझे लगा कि इधर मैचिंग में लाइक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, इधर डेक्स में उतना हेवी कुछ था नहीं अल्केमिस्ट के पास तो इसी वजह से थोड़ा वो पीछे चले गए, बाकी मौका भी बनता हुआ दिखेगा। एंड इधर अल्केमिस्ट वर्सेस साइलेंट किलर का जो मैच नंबर 2 है, गेम नंबर 2 वो शुरू हो चुका है, ये है मैच नंबर 6 आज के दिन का एंड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये सारा का सारा चीजें आगे बढ़ता हुआ दिख जाएगा। देखिए वेलकायर की तरफ से इधर हम लोग को रॉयल घोस्ट को डैमेज देते हुए देखे एंड किस तरीके से वो पूरे सिचुएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे वो चीज हम लोग को जो है वो इधर देखने के लिए मिलने वाला है। एक के बाद एक डैमेज किया जा रहा है प्रोवाइड एंड ये डैमेजेस के बाद डैमेज जो है वो जिस तरीके से लिया जा रहा है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आउटकम के साथ कहने के आता हुआ दिखा है। तो या शुरुआत देखिए बार बार अच्छा मिल तो रहा है बट वो शुरुआत को लास्ट तक लेके नहीं गए पाए किसी बार भी, बट अल्केमिस्ट की तरफ से इवन शायद थोड़ा सा अलग गेम प्ले देखने को मिलता है एंड बैरल अगर हम लोग बात करें कहने की बैरल के साथ पूरा कुचल दिया गया उनके गॉब्लिंस को, बट बर्बेरियन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। गोल्डन नाइट कोशिश इनके तरफ से चल रहा था कि गोल्डन नाइट के थ्रू वो डायरेक्टली हिट ले ले, क्योंकि गोल्डन नाइट का जो वो स्पीड हिट है वो ही हिट आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करके लेके जाता है, जो चीज़ हो नहीं पाया क्योंकि हिट के पहले उनको रोक दिया गया था। इलेक्ट्रो विजर्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वेलकायर को कर देंगे डाउन, बट इन्फर्नो टावर को कैसे, इन्फर्नो टावर को तोड़ना इजी बिल्कुल भी नहीं होने वाला एंड इसके साथ साथ हम लोग को हाई स्पिरिट का इस्तेमाल देखने के लिए मिला था एंड आई स्पिरिट इधर डैमेज जरूर देखे गए बैंडिट को। बैंडिट इधर से तीन तीन गार्ड्स के साथ लड़ाई कर रहे थे बट वो जो लड़ाई है वो लड़ाई का लोगों को कुछ भी आउटकम आता हुआ नहीं दिखाया फिलहाल के लिए। बर्बेरियन धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, मैजिक आर्चर का भी इस्तेमाल देखने के लिए नहीं मिला है एंड मैजिक आर्चर भी अपना जताब है वो बच्चों भी इधर निभाते हुए जा रहे हैं। तो ओवरऑल तरीके से अगर बात करता है अच्छा खासा गेम चलता हुआ बट एडवांटेज में फिलहाल के लिए इंटर हम लोग अल्केमिस्ट गेमिंग ही देखने के लिए मिल रहा है एंड अल्केमिस्ट गेमिंग क्या वो
अभी जो एडवांटेज बना पाए हैं उसको इन कर पाएंगे कि नहीं, वो चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। फिलहाल के लिए मैजिक आर्चर उनकी तरफ से भी आ गया, बैंडिट का इस्तेमाल उसी टाइम में हम लोग को देखने के लिए मिला, एक फायर बॉल जिसके थ्रू इधर डैमेज बिल्कुल भी वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, एंड वो अपने आप में बहुत ज्यादा चीज है। रॉयल गोस्ट को किरदार दिया जाएगा, रॉयल गोस्ट के साथ उनका काम होता हुआ पूरा, और कैनन ऑफ द ग्रैंड आते हुए दिखेंगे, उसके साथ रॉयल घोस्ट थोड़ा सा टाइमिंग भी मिल गया क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने लेके आया था मैजिक आर्चर उसके ऊपर पूरा का पूरा जो इंफर्नो टावर का डैमेज चला गया। एंड ये झटके की बात बोल रहा था, ये अगर झटका डायरेक्टली टावर में आता तो ये और भी ज्यादा बेहतर हो सकता था, बट देखे इधर से विजर्ड के साथ एक ही विजर्ड के शॉट में पूरा का पूरा काम कर चुके हैं, बट डिस्टेंस कुछ खास ज्यादा है नहीं, दोनों का हेड टू हेड पूरा क्लोज चलता हुआ दिख रहा है गेम। इन्फर्नो टावर से इधर कर दिया जाएगा डिफेंस, बीच में इधर हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा वल्कारी, बट ड्रैगन साइड के लेंस से हम लोग को एंट्री लेता हुआ दिखेगा इधर रहने के गोल्डन नाइट। गोल्डन नाइट के पास कोई भी मौका बचा ही नहीं है, क्या वो इधर से बच के निकल पाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चन उधर के आता हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन इधर से निकल के आता हुआ, सारे क्वेश्चन का आंसर सेम ही है कि इधर से कौन आगे बढ़ पाएंगे। एंड कौन ही देखिए इधर आर्चर लाइक मैजिक आर्चर का इस्तेमाल बैक टू बैक इधर निकल के आ रहा था, एंड मैजिक आर्चर अपना काम भी बहुत खूब बहुत सारा शानदार तरीके से निकाल के लेके आ रहे थे। सो इसी तरीके से चल रहा है हम लोगों का पूरा सिनेरियो एंड पूरा का पूरा गेम। एज ऑफ नाउ इनकी तरफ से कोशिश ही चलता रहेगा। बर्बेरियन को अगर बात किया जाए तो बर्बेरियन इधर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे थे, एंड बर्बेरियन के साथ ये पूरा प्रॉपर गेम प्रॉपर पोजिशन एंड सिक्योरिटी है वो सारा कुछ बना के रख रहे हैं, बट एक्सट्री एलिक्सर का टाइम आ चुका है। एक्सट्री एलिक्सर के साथ आप देख सकते हो कि फिर से एक बार साइलेंट किलर आगे बढ़ चुके हैं, एंड साइलेंट किलर को अपना बेस्ट गेम दिखाना होगा। यूजुअली अब लोगों को स्पार्की के साथ देखने के लिए मिलते हैं लाइक अल्केमिस्ट गेम, पर आज वो स्पार्की के साथ नहीं आए, आज वो कहने के जो है जाइंट गॉब्लिन के साथ भी नहीं आए, तो ये चीज़ ही शायद उनके लिए थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज क्रिएट किया हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। 29 सेकेंड जितना डैमेज वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं, फिर कम टाइम के अंदर अगर वो अल्केमिस्ट एक भी टावर नहीं लेते एंड सेम तरीके से सेम डैमेज को खत्म होता है गेम, उसका मतलब अल्केमिस्ट हार जाएंगे, एंड अगर बुस्ट ऑफ 3 से साइलेंट किलर आगे बढ़ते हुए दिख जाएंगे, एंड अल्केमिस्ट के लिए उनके लिए जैकेट में जाता हुआ देखने के लिए मिल सकता है। फिर इसके अलावा डैमेज वगैरह क्या सारे प्रोवाइड, एंड ऐसे जो डैमेज है इसको आगे भी कहीं फोर्स किया जाएगा, ये टावर जीतने के कोई भी चांसेस नहीं है, साइलेंट किलर जीत चुके हैं, एंड ट्राई रुकेंगे ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम बाकी है, थोड़ा सा टाइम हम लोग दे देते हैं, साइलेंट किलर इधर जीत चुके हैं, एंड अल्केमिस्ट गेमिंग को 2-0 से पीछे धकेल के उनको अभी भेज देंगे लोअर ब्रैकेट में, एंड अपर ब्रैकेट में हम लोगों को जाता हुआ देखने के लिए मिला है इधर साइलेंट किलर। सो साइलेंट किलर अपने तरफ से अपना बेस्ट गेम देखेंगे, एंड यही बेस्ट गेम को वो आगे भी इसी तरीके से कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके उतना ही ज़्यादा बेहतर आउटकम भी उनकी तरफ से निकल के आएगा। सो या एक्साइटमेंट की कोई भी कमी नहीं था इस मैच के अंदर, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि धीरे धीरे करके लाइक साइलेंट किलर जिस तरीके से सोच समझ के बैठ के थोड़ा लाइक ध्यान लगा के पूरा गेम को अंजाम दिया, बहुत अच्छा था, बहुत खूब था। 6th मैच इधर खत्म और हम लोगों का 6 मैचेस बाकी हैं, 7th मैच बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा गाइस, बट उसी के पहले अगर आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड उसी के साथ इस पूरे गेम का एनालिसिस हम लोग सुनेंगे अल्केमिस्ट से क्योंकि उन्होंने खेला है, सो उनको और भी कहने के अच्छे तरीके से पता चला होगा। सो क्या हुआ आपने अपना जो यूजुअल डेक है वो भी यूज नहीं किया लाइक स्पार्की के साथ, तो थोड़ा सा अलग का आपने किया, तो क्या चल रहा था लाइक गेम के अंदर? स्पार्की मैंने इसलिए प्ले नहीं किया बिकॉज मेरे को पता था स्पार्की एक्सपेक्ट कर सकता है वो, बिकॉज मैं जनरली क्लैन में खेलता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट प्ले स्पार्की। बट पहला मैच में आई थिंक सो मेगा नाइट थोड़ा सा ओवर कमिटमेंट हो गया था स्टार्टिंग में, एंड आई थिंक उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हुई मेरे को, बट नेक्स्ट मैच में डैमेज तो नहीं था, स्टार्ट में डैमेज ज़्यादा नहीं था, बट जो गॉबलिन बैरल की प्लेसमेंट करी थी उन्होंने आगे पीछे गॉबलिन बैरल, तो वहाँ पे बढ़िया प्लेसमेंट्स थी गॉबलिन बैरल की, एंड वहाँ पे मेरे पास बार बैरल था उसका, अगर लॉग होती आंसर तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता, बट बारबेरियन बैरल इतना इफेक्टिव नहीं होता बिकॉज एक दो प्लेसमेंट्स होती है गॉबलिन बैरल की जहाँ पे गॉबलिन स्टिल कनेक्ट्स। अर्ली ऑन डैमेज लीड में तो मैं चला गया था, बट वहाँ पे जो डिफेंस था इन्फर्नो टावर था एंड जो प्रिंसेस थी तो वो थोड़ी सी दिक्कत दे रही थी, गार्ड्स भी काफ़ी अच्छा डिफेंस कर रहे थे, तो
मैचअप वहां से फिर हाथ से जाता हुआ दिखा एंड देन फिर तो क्या ही कह सकते हैं, स्वीप हो गया मैं. या बट आपके पास अभी भी मौका है कि इधर से आप लूजर ब्रैकेट में जीते 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 फिर लैंड पे पहुंच जाओ डायरेक्ट, तो वैसे भी पॉसिबिलिटीज है. बट उसी के साथ साथ देखिए लैंड पे तो आप जाने वाले हो, सो आप जीते जाओ या फिर ऐसे जाओ, जाने तो आप वाले ही हो, तो उधर मिलेंगे तो ज़रूर. बट उसी के साथ हम लोग का जो मैच नंबर 7 है वो कुछ ही देर के अंदर शुरुआत होने वाला है एंड मज़ा आएगा, फॉर श्योर मज़ा आएगा, क्योंकि इसके बाद के जो मैचेस है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे. वैसे ही कुछ बेहतरीन प्लेयर्स के बीच कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देखने के लिए मिलेगा. बट उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड ब्रेक के बाद मिलते हैं नेक्स्ट मैच के साथ. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Woo!
So yes, finally we are back again and esports premier series 2022 clash royale pe aap logo ka swagat hai. Aaj hum logo ne already 6 matches dekh liya hai and aur 6 matches baki hai. Main hoon Dreadrex, mere sath hai Alchemist Gaming. So Alchemist, like baki ke 6 matches ko lekar aapka kya expectation rahega aaj ke din pe, kyunki fir se same cheez hone wala hai, kuch upper brackets ke kuch loser brackets ke. So yeah, koi koi chhod ke chale bhi jayenge hum logo ko is tournament se. एग्जैक्टली एंड ये बात होती है कि अभी तो मैं पहले अपने मैच को ही रीवॉच कर रहा था कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक्स करी वहाँ पे, एंड देखा जाए तो डेक वाइज तो मेरे को लग रहा है कि डेक सिलेक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी करती मैंने, बिकॉज अगर देखा जाए तो वैल्करी काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाल रही थी उस मैचअप में एंड गाज भी काफ़ी अच्छे वैल्यू निकाल रही थी. तो वहाँ पे अगर मैं स्पाकी भी खेलता तो स्पाकी भी कुछ इतना खास कर नहीं पाती बिकॉज रॉकेट लाया था. ही न्यू कि मैं क्या डेक्स रन करता हूँ बिकॉज मैंने पहले भी अपने डेक्स शोकेस कर दिए थे पिछले मैचेस में. एंड यही होता है अगर आप ज़्यादा 6-7 डेक्स नहीं रन करते तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें वहाँ पे हो जाती हैं. एंड इसी की वजह से मेरे को लगता है कि मैच वहाँ पे मेरे हाथ से थोड़ा सा जाता हुआ दिखा. बट लिविंग दैट असाइड, जैसे आपने बोला कि 6 मैचेस बचे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है, तो हाँ मेरे को लगता है कि मैचेस होने चाहिए और भी ज़्यादा खतरनाक, और भी ज़्यादा जिसे कहते हैं डोमिनेटिंग मैचेस होने चाहिए. और जो प्लेयर्स आते हैं वो देखना पड़ेगा कि क्या डेक्स लाएंगे इस सिचुएशन में. जी बिल्कुल, वो क्या डेक्स लेके आएंगे वो अभी देखेंगे ऑब्वियसली. एंड उसी के साथ साथ डेक का जो लाइक चेंज हम लोगों को पता चलता है कि ये चेंज आपके लिए कितना ज़्यादा घातक भी हो सकता है. कभी कभार आपके लिए हो जाता ना कि लाइक एकदम पूरा देवता बन जाता है कि आपने जो एकदम सोचा वो ही हुआ, बट ओपोनेंट कुछ ऐसे लगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है. कभी कभार ऐसे भी होता है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि आपने जो चूज़ किया ऑपोनेंट जो लेके आए उसके जगह पे थोड़ा सा फुल सीन हो जाता है. तो वो प्रॉब्लम्स लगे हुए रहते हैं थोड़ा बहुत, तो वो सब चीज़ें भी देख के चलना पड़ता है. रिसर्च तो एक टाइम के लिए करोगे, बट अगर क्या पता कि एक प्लेयर कितने सारे अकाउंट से खेल रहा हो, वो तो सबको नहीं पता है. तो शायद थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो चीज़ ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा. सो बाकी देखते हैं इसके बाद के मैचेस पे क्या चल रहा है. सो इतना ज़्यादा दिन जा रहे हैं, इतना की ज़्यादा बेहतरीन मैचेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे. एग्जैक्टली, यहाँ पे मोहब्बत वर्सेस एक्सेल ब्लेज हमें देखने को मिल रहा है मैचअप, एंड विच आई है जिसमें से स्टार्ट हुई है, विच काफ़ी डिसेंट स्टार्ट हुई है. वहाँ पे हमें हंटर देखने को मिल रहा है. सो काफ़ी अग्रेसिव चले गए मोहम्मद पहले ही पुश में, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि डिफेंड कैसे करते हैं. जैपीज वगैरह हंटर देख के मेरे को लग रहा है कि ये रॉयल जायंट हो सकता है, बट फ्रीज भी देखने को मिला है. एंड फ्रीज को एज सच कुछ खास वैल्यू मिली नहीं है, थोड़ी वैल्यू तो मिली है बट इतनी खास नहीं मिली है. यहाँ पे देखिए जायंट स्केलेटन आता हुआ दिखेगा, जिसको रोकने के लिए इतना अच्छा एलिक्सिर तो नहीं है मेरे को लगता है. सो थोड़ी सी हाँ दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी. जायंट स्केलेटन कनेक्ट हो जाता है तो टावर तो आप भूल जाइए, बट हाँ जायंट स्केलेटन होता हुआ कनेक्ट, एंड जो बॉम्ब फटेगा जायंट स्केलेटन का वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा. नॉर्मल जायंट स्केलेटन से ज़्यादा उनका बॉम्ब बहुत डैमेजिंग होता है. और देखिए टावर आ चुका है 858 HP पे जायंट स्केलेटन के बॉम्ब को फटते ही. सो ये थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे होती हुई, बट यहाँ पे एक्सेल ब्लेज लीक करते गए एलिक्सिर, एंड मेरे को लगता है ये
चुके हैं डिसकनेक्ट या फिर लैग हो चुके हैं, वरना यहाँ पे एलिक्सिर बहुत है, डिफेंड कर सकते थे। एंड मोहम्मद को इस बात का फायदा उठाना चाहिए अगर वो 3 क्राउन करने वाली सिचुएशन में जा सकते हैं, पर यहाँ पे जो गेम था, जो लीक हुआ है, जो डिसकनेक्ट हुआ है, आई थिंक सो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बट यहाँ पे एक्सेल ब्लेजाई वापसी शायद आ चुके हैं, वापसी आते हुए दिखेंगे, बिकॉज रीस्टार्ट करने में टाइम जरूर लगता है। 3 क्राउन कर सकते थे मोहम्मद उस टाइम में अगर वो चाहते तो, पर थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी टीटीआर। दोनों ही तरह से अच्छा खासा गेम चलता हुआ मोहम्मद एंड एक्सेल ब्लेज वो बना के गए थे बॉम्ब टूटने के बाद डायरेक्टली पहुंचा चुके हैं। इधर से एक ह्यूज डैमेज देखने के लिए मिलेगा दोनों ही तरफ से, एक एक करके प्लेयर्स लाइक एक करके जो टावर्स है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जा चुका है। एंड इसी डिस्ट्रक्शन के बाद अभी टाइम आ चुका है आउट का, शायद ये जो टाइम है ये टाइम के लिए सब लोग वेट कर रहे थे। एंड इसके साथ देखिए उसके बाद एक डैमेज जो है वो पैनिक प्रोवाइड करके जाएंगे फ्री स्पेल के साथ। हम लोग को इधर देख रहे बॉम्ब का इस्तेमाल, बट बॉम्ब को तोड़ दिया गया लास्ट मोमेंट में। बॉम्ब का हिट इधर ये नहीं, ग्रेवियर्ड का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। जायंट स्केलेटन भी इधर पहुंचते जा रहे हैं एंड जायंट स्केलेटन अगर वो क्लोज पहुंच गए, पहुंच चुके हैं, टावर लेके गए हैं और बहुत ही ज्यादा ऑसम गेम। एंड कहीं ना कहीं एलेक्स ब्लेज लास्ट में जाके वो बाजी मारने में हो चुका है सफल। सो मोहम्मद वर्सेस एलेक्स ब्लेज के बीच में ये जो मैच है वो जाता हुआ एलेक्स ब्लेज के पास, बट अभी भी दो बाकी है, दो तभी बाकी है अगर इधर से मोहम्मद निकाल पाते हैं नेक्स्ट मैच को। तो यस एक्सपेक्टेशन हाई है, खड़े उतर पाते कि नहीं वो तो अभी टाइम आता ही पता चलेगा। एग्जैक्टली वहां पे एक्सेल ब्लेज तो बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गए थे, बट स्टिल जैसे वो आए जिस हिसाब से एक टावर लूज कर चुके थे एंड वहां से कमबैक करना तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत आराम से खेले वहाँ पे, बलून कनेक्ट होने भी नहीं दिया, हंटर डाला लास्ट सेकंड एंड देन उसके बाद तो काउंटर पुश काफ़ी सॉलिड बनाया एंड वहाँ पे गेम लेके चले गए। तो जिसे कहते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी अच्छा शोकेस किया उन्होंने वहाँ पे एंड गेम प्ले भी बहुत बेहतरीन शोकेस किया। तो एक्सेल ब्लेज यहाँ से बहुत बढ़िया गेम जीते हैं एंड आई थिंक ये नेक्स्ट मैच भी जीत सकते हैं, बिकॉज जो मोहम्मद डेक रन कर रहे थे वो कुछ मिड लैडर सॉर्ट ऑफ डेक था एंड मिड लैडर सॉर्ट ऑफ डेक आप रन करेंगे इतनी बड़ी टूर्नामेंट में तो आपको प्रॉब्लम जरूर फेस होंगी टीटीआर। जी बिल्कुल, देखिए इधर प्रॉब्लम्स जो है वो जरूर फेस होता हुआ दिख भी रहा था एंड प्रॉब्लम्स की कमी नहीं था, ये चीज़ है कि इधर वो जितने भी लाइक अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से वो आगे लेके जा रहे थे वो सारी चीज़ों में बाद में घूम फिर के उनके ऊपर ही प्रेशर क्रिएट हुआ। बीच में वो लाइक एक बार हम लोग बोल सकते ऑफलाइन चले गए थे, उसके बावजूद भी आके इधर डोटा और लेके जाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात है। अभी अगर देखा जाए हर एक प्लेयर की तरफ से कोशिश यही चल रहा कि वो अपना जो टीम है वो एकदम अच्छी तरीके से दिखा पाए, एकदम बेस्ट आउटकम निकाल के लेके आ पाए। एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल रहा है, मोहम्मद इधर देखने के लिए मिल रहा है, बट एक के बाद एक्सकेलेटन से इधर जाते जा रहे हैं एंड उसी के साथ साथ हम लोग को स्केलेटन किंग भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो या लेट्स सी इधर विच किस तरीके से क्या डैमेज दे पाते हैं एक्सेल ब्लेज। जी हाँ, यहाँ पे मोहम्मद नीचे वाली साइड पे इस बार दिखेंगे हमें एंड एक्सेल ब्लेज ऑन द टॉप साइड दिखते हुए दिखाई देंगे। एंड देखिए आप इस बार भी एक्सेल ब्लेज कोई स्ट्रॉन्ग डेक रन कर रहे हैं, रॉयल हॉक्स डेक रन कर रहे हैं रॉयल रिक्रूट्स के साथ, देखते हैं डिफेंस कैसे कर पाते हैं। ओ मेगा नाइट, व्हाट अ मेगा नाइट, वहाँ पे देखिए क्या मैसिव डैमेज दिया मेगा नाइट यहाँ पे चूज करके, बढ़िया बढ़िया डिसीजन लिया, बिकॉज देखिए आप कितना बढ़िया डिफेंस कर रहा है वो रॉयल हॉक्स के अगेंस्ट भी एंड रॉयल रिक्रूट्स के अगेंस्ट भी। तो मोहम्मद यहाँ से गेम ओवर नहीं हुआ है, अगर कम बैक करना चाहें तो इस मैच में ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पे आता हुआ दिखेगा हमें बाबेरियन बैरल जो कि प्रिंसेस को आराम से टेक डाउन कर देगा टीटीआर। जी बिल्कुल सही है एंड ये चीज़ की बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में इन लोगों को ला सकते हैं एंड
शुरुआत क्या तो अच्छा था एंड डबल साइड बैक करने के लिए ज़्यादा कर रहे थे बट अभी डिफेंडर ज़्यादा विकसित नहीं है मैं दस रन लेकर के लिए नहीं कर रहा था एंड जो अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस है वो निकाल के लेके आ रहे थे दूसरी तरफ नेक्स्ट लेवल से एक और है वो 1804 तक लेके जा चुका है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं जिसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनको ठीक करने और इधर से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इसका पूरे से पूरे इस्तेमाल करना पूरे से पूरे गेम है वो आगे लेके जा पाना एंड अब तक देखते हैं किस तरीके से होता है ये पूरा बट देखिए इधर एक बार इधर बहुत ही तरीके से मिल रहा है थोड़ा बहुत टाइम भी वेस्ट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा बेहतरीन डिफेंस किया जा रहा है कि जिसके जितने भी स्प्लेटर्स है उसको एक बारी में मारने के लिए टाइम लग रहा है धीरे धीरे टाइम होता हुआ खत्म 900 तरफ 1529 इस बार बहुत आगे दिखते हैं मोहम्मद जी हाँ टी टी आर यहाँ पे फायर बॉल आती हुई दिखेगी जरूर ताकि विच को टेक डाउन करवा सके बट फ्लाइंग मशीन कर पाएगी या नहीं कर दिया विच को लास्ट सेकंड डाउन तो यहाँ पे अब डैमेज लीड में आ चुके हैं मोहम्मद काफ़ी अच्छी तो चाहेंगे उस पर कैपिटलाइज करना यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट करी है गॉबलिन की अच्छी ताकि बलून टावर पे हिट ना हो एंड यही अच्छी प्लेसमेंट काफ़ी देखने को मिली हमें सो सिमिलर डेक के साथ ही गए हैं मोहम्मद जो पहले मैच में खेले थे बट यहाँ पे देखिए राइट लेन में डिफेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है फ्रीज आया आखिरी सेकंड बट फ्लाइंग मशीन हो गई है कनेक्ट लेफ्ट लेन में मेगा राइट ये गेम होने वाला है क्लोज एंड देखिए दो बहुत ज़्यादा क्लोज टावर फ्लाइंग मशीन मेगा राइट और फ्लाइंग मशीन इन द एंड टेक्स द गेम एलेक्स ब्लेस लेके चले जाएंगे सेकंड गेम अगेंस्ट मोहम्मद व्हाट अ कनेक्शन बहुत क्लोज गेम था सेकंड्स का डिफरेंस हो सकता था अगर बट यहाँ पे बेहतरीन 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 गेम प्ले देखने को मिला मोहम्मद सिमिलर डेक ही रन कर रहे थे एक्सेल ब्लेज ने थोड़ा सा वेरिएशन लाया एंड मोहम्मद के लिए जो मेगा नाइट था वो काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा था इस मैच में टी टी आर बहुत ही शानदार वैल्यू इधर कहने की प्रोवाइड किया एंड उसके साथ हम लोग बोल सकते हैं फिर से एक बार सिमिलर वे पे हम लोग आ चुके हैं सिमिलर पोजीशन पे आ चुके हैं एंड इसके बाद डिसाइडर वन वो अभी भी कहने की बाकी रहने वाला सो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने डेक्स देखा ये दोनों मैचेस के अंदर क्या लगता है इसके बाद क्या डेक्स में चेंजेस आएंगे या फिर सेम डेक को लेके वो खेलना चाहेंगे सेम डेक के साथ तो नहीं मतलब ये तो गेम ऑलरेडी क्लोज हो गया 2-0 से तो इसमें तो कोई बात नहीं है बट नेक्स्ट मैच में हाँ तो नेक्स्ट मैच में देखना पड़ेगा नेक्स्ट मैच आई थिंक सो गिर्डन का है एंड नेमलेस का है एंड दोनों ही जाने माने खिलाड़ी है गिर्डन मेरे क्लैन से ही हैं तो उनका मैच देखना इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि काफ़ी डेक्स खेलते हैं वर्सेटाइल प्लेयर है बट इतना जो मास्टरी है एक डेक की वो उनको इतनी अच्छे से सर्टेन मैचअप्स में क्या करना है या फिर सर्टेन इंट्रैक्शंस कैसे प्ले करनी है वो उनको अच्छे से इतना मास्टर्ड नहीं है बट डेक्स बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं तो अपोनेंट को प्रिडिक्ट करना कि क्या लाने वाले हैं गिर्डन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है बट ऑन द अदर हैंड नेमलेस भी काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं खेले हैं काफ़ी मैचेस तो अभी भी उनके पास चांस है अच्छा कमबैक करने का टी टी आर जी यस चांस तो है अच्छा कम बैक करने का बट वो चीज़ हम लोग सिर्फ गेम के अंदर जाके ही कहने के हम लोग बोल सकते हैं देख पाएंगे सो काइंड ऑफ एक्साइटमेंट की कोई कमी तो था नहीं शुरुआत से ही बट अभी ये मैचेस देख के और भी ज़्यादा बढ़ चुका है ये मैचेस जितना भी हम लोगों ने देखा है और भी ज़्यादा बढ़ चुका है सो यस हम लोग तो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि इसके बाद किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिचुएशन आगे चलता हुआ दिखेगा पूरा का पूरा जो गेम है वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा हम लोग पिछले 4 दिनों में बहुत ऐसे गेम्स भी देखे आए हैं जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ऐसे चल सकता है उस जगह से भी निकल के गए ऐसे सिनेरियोस तो इधर भी हम लोग काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड एक बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हम लोगों को आगे बढ़ता हुआ दिखे बट शुरू हो चुका है इधर हम लोगों का मैच नंबर 8 एंड गेम नंबर 1 मैच नंबर 8 एंड गेम नंबर 1 के अंदर अगर देखा जाए नेमलेस वर्सेस हिडन के बीच में ये पूरा मैच है नेमलेस को हम लोग इसके पहले भी बहुत बात हिडन किस तरीके से सिचुएशन को संभाल लेंगे वो अभी देखना इंटरेस्टिंग है इधर यूज किया गया है
साथ शुरुआत किया है एंड ये ड्रेस थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहा था, आई थिंक 1000 इंच के आसपास डैमेज ऑलरेडी ले चुके थे जी हाँ यहाँ पे, लेकिन ग्रेवयार्ड मेरे को लग रहा है थोड़ा सा एग्रेसिव गए हैं गिडन, बट देखते हैं क्या पता इसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आ जाए, बट एज सच डैमेज तो नहीं मिला इतना अच्छा, 400 डैमेज मिला है, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं निकला, साथ में मैजिक आर्चर ऑन द बोर्ड भी है उसको भी डील आउट करना पड़ेगा 3 एलिक्सिर लगा के, तो जो सोच रहे थे वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकल गया एंड साथ में गलत प्लेसमेंट करी आइस विजर्ड की, क्योंकि अगर थोड़ा सा वेट करते तो टावर भी हेल्प करता वहाँ पे, तो हल्की सी गलत प्लेसमेंट भी देखने को मिली हमें, सो देखना पड़ेगा कि गॉबलिन ड्रिल को कैसे रोकते हैं, बिकॉज गॉबलिन ड्रिल से नेमलेस बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं अगर हम देख सकते हैं, सो यहाँ पे देखते हैं इस्तेमाल किया जा रहा है मैजिक आर्चर एक साथ कोलैटरल डैमेज देने की कोशिश चल रहा था, बट ग्रिडिन उन्होंने थोड़ा सादा डैमेज इधर कंज्यूम कर लिया, तो इतने डैमेज कंज्यूम करने के बाद लास्ट में जाके लग रहा थोड़ा बहुत करके अपने जो एलिजर्स है उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, वार्ड स्प्रिट के साथ शुरू करेंगे ताकि साइकिल हो जाए, साइकिल होने के बाद उनका अभी का जो पूरा मैचअप नहीं खेल सके गोल्डन नाइट एंड गोल्डन नाइट आई थिंक इधर आके आके अपना काम करके जाएंगे, लॉक का भी इस्तेमाल इधर किया गया था जी हाँ, यहाँ पे लॉक को देखिए कितनी वैल्यू मिल रही है, ज्यादा डैमेज नहीं मिल पा रहा है गिडन को, थोड़ा सा अब डेस्परेट हो रहे हैं डैमेज के लिए एंड डैमेज यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है अच्छा, अब देखिए यहाँ पे स्केलेटन टोमस्टोन साइकिल के फ्रॉम द बैक साइड ताकि ड्रिल थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत ना दे, बट फिर भी यहाँ पे अच्छी लीड पे चल रहे हैं नेमलेस, बट ग्रेवयार्ड का ये सीन है अगर आप एक अच्छा ग्रेवयार्ड कनेक्ट कर देते हैं टावर पे तो गेम वहाँ से कभी भी बदल सकता है, तो ग्रेवयार्ड कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी अगर चाहते हैं इधर तो, बट यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट करी है फिर से ड्रिल की एंड टोर्नेडो बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं ये ताकि गोल्डन नाइट कनेक्ट हो जाए टावर पे, बहुत ही बेहतरीन टोर्नेडो एबिलिटी काफी अच्छी यूज करी एंड बहुत ही बेहतरीन टोर्नेडो किया है नेमलेस ने, तो गिडन को कर दिया 1-0, अब चाहेंगे गिडन ये मैच जीतना, बिकॉज अगर ये मैच हारते हैं गिडन तो हो जाएंगे लूजर्स ब्रैकेट में शिफ्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है एंड मैं भी हो चुका हूँ अभी लूजर्स ब्रैकेट में शिफ्ट, तो लूजर्स ब्रैकेट में ऑलरेडी वैसे ही बहुत ज्यादा कंपटीशन है, टीटीआर स्मोक है एंड बड़े बड़े खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं नवजोत है, तो लूजर्स ब्रैकेट में भी कम कंपटीशन नहीं है अभी, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है एंड उसके साथ आप भी किसी के लिए कंपटीशन कम नहीं हो, तो कहने के जो है उधर फुल सिनेरियो बन जाएगा ओवरऑल तरीके से, आशा करेंगे कि सबके लिए सबका ही अच्छा चले एंड सब लोग अपना 100% दें। आज के दिन के 7 मैचेस खत्म और बाकी के सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं 5 मैचेस बाकी है एंड वो जो 5 मैच आई थिंक 8th मैच का जो फर्स्ट मैच है वो भी खत्म हो चुका है, तो ये जो मैच है ये मैच तरीके से भी आगे चलता हुआ दिखेगा एंड इस तरीके से आगे करता हुआ दिखेगा, तो देखने के लिए अभी हम लोग लेके जाएंगे, सो मैच नंबर 8 क्या गेम नंबर 2, देखिए 3 मैचेस जो है हम लोग बोल सकते हैं 2 गेम जीत है वो जीत सकते, बट ये प्लान होते हैं नेमलेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, शुरुआत देखिए एक बार 2000 एचपी तक लेके आ चुके हैं, वैसे ग्रेडियन इसके पहले भी ये चीज किए थे लेकिन नेमलेस जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था वो बहुत शानदार था जी हां, यहां पे देखिए गॉब्लिन केज की प्लेसमेंट करी है टीटीआर बहुत ही बेहतरीन ताकि गॉब्लिन केज यहां पे टेक डाउन करते हॉक को, बेहतरीन प्लेसमेंट हमें देखने को मिली है एंड गिडन ये डेक बहुत अच्छे से खेलते हैं, इनका फेवरेट डेक है, बहुत बार खेले हुए हैं इस डेक के साथ, तो मैचअप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से कैसे लेके जाएंगे इनके नेमलेस के अगेंस्ट। बिल्कुल सही वो चीज है, वो जरूर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, बट धीरे धीरे करके अटैक देने की कोशिश डिफेंस पर दिखेंगे, बट उनके ही तरफ से हम लोग को जाइंट स्केलेटन भी आता है देखने के लिए मिल रहा है एंड विद जाइंट स्केलेटन ओ माय गॉड हॉग एक ह्यूज अटैक बनाने की कोशिश करे ताकि एक टाइमिंग में अगर नॉक का थोड़ा स्लो डाउन किया जाएगा, मुझे लग रहा है इस बार वेडन बट जी हां टीटीआर जी हां डैमेज लेने की कोशिश कर रहे हैं
डैमेज लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं हॉग वगैरह के साथ, पर इतना डैमेज मिल नहीं रहा। देखिए अर्थक्वेक को अच्छी वैल्यू मिलती हुई दिखेगी ज़रूर, पर एज सच डिफेंस कर लिया। सो अभी डिफेंस वाइज तो गार्डन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इधर। अगर ले जाना चाहे तो गेम ले जा सकते हैं, बिकॉज ये डेक के साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, इनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है इस डेक के साथ। तो गेम अगर लेके भी चले जाते हैं सेकंड गेम, तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ इस डेक के अगेंस्ट। तो अभी भी पर नेमलेस काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, हारने वाली पोजिशन नहीं है। बट देखिए लेफ्ट ले ना कर रहे हैं यहाँ पे, अगर फायरबॉल भी कर दे तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, बट नहीं फायरबॉल ना करके यहाँ पे एरोस करें हैं। सो वो भी ठीक है, काम चल रहा है जब तक। बट लेफ्ट लेन में देखिए कितना मैसिव डैमेज ले चुके हैं, 853 HP पे आ चुका है टावर। तो यहाँ पे फायरबॉल तो करनी पड़ेगी वरना दिक्कतें हो सकती है। फायरबॉल करी बढ़िया, थोड़ी लेट करते तो शायद हॉक भी लपेटे में आ जाता, बट कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोशिश करेंगे जाइंट स्केलेटन को पीछे ही रखे टावर से, बहुत ही बढ़िया करें हैं दोबारा से रॉयल हॉक साइकिल, ताकि जाइंट स्केलेटन को कनेक्ट ना होने दे टावर पे। बेहतरीन तरीके से डिफेंस बाय नेमलेस एज वेल, पर एक हिट तो लगेगा, एक हिट तो लगेगा, एंड ऐसी एक एक हिट लगते रहे तो गेम ओवर हो जाएगा नेमलेस का कुछ ही सेकेंड्स में। टी टी आर गेम है वो ओवर तो हो सकता है, अब देखिए जितना ज़्यादा टाइम आगे बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा बेटर सिचुएशन भी हम लोग निकल आते हुए दिखेंगे। राइटिंग साइड को अटैक बनाने की कोशिश को किया जा रहा है, इसके साथ हम लोग को आर्टिस्ट स्पिन भी देखने के लिए मिलेंगे। ओह इधर फायर बॉम्ब के साथ इधर पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो थोड़ा मुश्किल में चला गया है। 350 HP के साथ उन लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ओवर टाइम है ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ओवर टाइम में जाके आपका मेनली यही एक ही टारगेट होना चाहिए कि आप इधर से बचाओ जितना ज़्यादा हो सके, आप डैमेज दो मत, नो मत। बट इधर एक के बाद एक गेम क्या पलटा है नेमलेस ने, गेम क्या पलटा है नेमलेस ने, बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बढ़िया। वहाँ पे गेम पूरा लग रहा था गार्डन के हाथ में जा रहा है, पूरा गेम गार्डन के हाथ में था, बट वहाँ पे एलिक्जे नहीं था। जैसे ही उन्होंने रॉयल रिक्रूट्स प्ले करे तो हॉक डिफेंस करने का एलिक्जे नहीं था, सही साइकिलिंग रेंज में आ गया था उनके। आई थिंक सो रॉयल हॉक्स काफ़ी अग्रेसिव हो गए गार्डन की तरफ से उस सिचुएशन में, एंड अगर डिफेंस करते तो फायरबॉल साइकिल कर सकते थे, एरो साइकिल कर सकते थे, एंड डिफेंस पे फोकस रखना चाहिए था। पर हल्का सा जो डेस्परेशन था वो वहाँ पे दिखाई देता हुआ दिया, जिसकी वजह से आप गार्डन को कर दिया क्लोज। 2-0 से गार्डन हार चुके हैं, नेमलेस ने काफ़ी अच्छा क्लोज किया वहाँ पे, एंड आई थॉट कि वहाँ पे गार्डन कम बैक कर सकते, बिकॉज डैमेज वाइज देखिए आप TTR को ज़्यादा डिफरेंस, मैसिव डिफरेंस था, बट हॉग ने जो कनेक्शन लिया वहाँ पे तो गेम ओवर हो गया। क्या था ये लास्ट मोमेंट पे जिस तरीके से इधर चेंज हुआ, मैं तो देख रहा था कि अटैक चल रहा है, अटैक चल रहा है, 100 हुआ 150 हुआ, दूसरी तरफ गेम खत्म हो गया, क्राउन में मिल गया फूल। लाइक मैंने इधर ध्यान भी नहीं दिया था कि कब इधर नीचे अटैक चल रहा है, एंड शायद सेम चीज ग्रेडन के साथ भी हुआ कि वो शायद देखे भी नहीं थे कि कब इधर हॉग राइडर आके उनको मार रहे हैं बूम बाम करके, एंड उसी जगह पे उनका काम इधर तमाम हो गया। वो अटैक के लिए गए थे बट डिफेंस इधर संभाल नहीं पाए, एंड वो होता है ना कि आप अपने पूरे किंगडम को छोड़ के बाहर निकल जाते हो, कोई और राजा आके आपका उधर राज करना शुरू कर देते हो, ऐसा कुछ सिनेरियो इधर बन गया था। तो यह बहुत शानदार गया, नेमलेस फुल अपना दिमाग जो है वो तो पहले ही लगा रहे थे, इस बार 100% यूज कर चुके अपने ब्रेन का। एग्जैक्टली नेमलेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं अभी जिस हिसाब से मैचेस खेल रहे हैं, एंड यहाँ पे गार्डन थोड़े से नाखुश होंगे, बिकॉज आप देखिए अब वो भी लूजर्स ब्रैकेट में शिफ्ट हो जाएंगे मेरे साथ। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब नेक्स्ट मैचेस कैसे रहने वाले, बिकॉज नेक्स्ट मैच जो होने वाला है TTR वो होने वाला है अभिषेक के बीच में एंड केतन के बीच में। तो वो मैच के लिए देखते हैं कैसे डेक्स लाते हैं और प्लेयर्स क्या क्या रन करते हैं, बिकॉज अभी ये होने वाला है हमारा मैच नंबर 9 फॉर द डे, एंड प्लेयर्स हो रहे होंगे रेडी, एंड देखते हैं क्या डेक लेके आते हैं TTR। जी बिल्कुल, क्या डेक लेके आएंगे वो तो हम लोग इधर देखेंगे। एक्साइटमेंट देखिए वो तो था, एक्साइटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, बट अभी तो थ्रिलिंग हो चुका है गेम, इधर कब किसको कौन मार के चले जा रहे हैं समझ में आ नहीं रहा। लाइक सस्पेंस क्रिएट हो जाएगा कि इधर अगर आपके पास है भी नहीं, लाइक आप अगर चालू भी कर रहे हो, आपके पास लाइक डिफेंस नहीं है उस मोमेंट पे, बट आपने डैमेज बहुत दिया, फिर उस टाइम में भी प्रॉब्लम ये है कि कोई आपको आके मार ना दे, एंड वैसा कुछ इधर देखने के लिए मिला। सो बहुत बहुत ज़्यादा लाइक काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गेम निकल के आया, एंड
आई डोंट नो इधर क्या बोलने, क्योंकि निमलेश ने जिस तरीके से खेला आई थिंक कि लास्ट में गिडन के द्वारा मिस्टेक हो गई. नेमलेस तो वैसे ही डिसएडवांटेज में चल रहे थे, बट वहाँ पे जब उन्होंने रॉयल रिक्रूट्स प्ले करे जायंट स्केलेटन के आगे, तो आई थिंक सो डिफेंड करने का इतना एलिक्सिर नहीं बचा था जिससे वो हॉक को रोक पाए. एंड यही मौका देखा, मौका सही देखा नेमलेस ने एंड प्रेशर कर दिया हॉग और अर्थक्वेक के साथ. एंड साथ ही में गिडन उससे पहले रॉयल हॉक्स गए थे, तो रॉयल हॉक्स को इतना एसच उसका फ्रूटफुल रिजल्ट निकला नहीं था, एंड उसकी वजह से उनके वो थोड़ी सी दिक्कत हुई. अगर वो डिफेंस पे फोकस करते पूरा समय तो आई थिंक सो वहाँ पे वो गेम ले जा सकते थे. बट चलिए नेक्स्ट गेम की तरफ, अभिषेक वर्सेस केतन. देखना पड़ेगा क्या लाए हैं डेक अभी शेक. यहाँ पे हमें वो ही मेरे को लग रहा है डेक देखने को मिलेगा, हॉग वाला जो डेक हमें देखने को मिलता है, बट नहीं हॉग वाला नहीं, रैम राइडर देखने को मिला इधर. सो इंटरेस्टिंग डेक ब्रिस्पैम एंड रैम राइडर ही देखने को मिला अपोनेंट की तरफ से, तो ये तो होने वाला है एक तरीके का मिरर सॉर्ट ऑफ चीजें देखने को मिली है. बट नाइट विच सॉरी मदर विच देखने को मिली है केतन के द्वारा. सो देखते कनेक्शन मिल पाता है या नहीं, कनेक्शन नहीं मिला. एंड साथ में स्नोबॉल भी गेट टू बी सेफ, बिकॉज रैम राइडर अगर चार्ज होके कनेक्शन लेता है तो 500 से ऊपर डैमेज तो देता ही है, तो वो कौन लेना चाहेगा अपने टावर पे. तो यहाँ पे रॉयल गोस से कर दिया है आर्चर क्वीन को बढ़िया तरीके से डिफेंड, तो अभी काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है टीटीआर यहाँ पे गेम. बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, चलता हुआ दिख रहा है. उसके साथ देखिए हमारे डार्क प्रिंस और के गए थे, बट गोल्डन नाइट के लिए उनको संभव नहीं है. नहीं बैरल बर्ड का इस्तेमाल इधर किया जाएगा, जिस जगह पर डिफेंडर भी इधर मौजूद थे. मैं देखे इधर का क्या वो वो सब लगा अच्छा का था जिसको उन्होंने प्रिवेंट किया है अपना, एंड इसी तरीके से वो प्रिवेंट करके आगे भी बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी ऐसी गेम खेलना उतना ईजी नहीं रहता जिस तरीके से लाइक चल रही है पूरा सा प्लेयर सुना रही है. इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खास आउट पर भी यहाँ से जा रहा था. एंड देख सकते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं, एंड बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन जो मॉडिफिकेशन है वो निकाल सके हैं. धीरे धीरे बनता जा रहा है, तो या मुझे चल तो रहा है कि पूरा गेम बहुत एक्टिवली जो अपना फोन है बट एक के बाद एक यार उसके साथ ये पूरा का पूरा सिनेरियो है वो अपने कंट्रोल में लेकर उसकी कोशिश में चल रहा है. ठीक है वो भी इधर डैमेज दिया सबसे सारा, बट वो चीज हुआ नहीं है. रैम राइडर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, रैम राइडर को भी इधर से कर दिया गया है इसके डाउन. बहुत कूल गेम प्ले, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, एंड यही परफॉर्मेंस के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं. उनकी अगर बात करें डिफेंस का उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इधर अभी अभी वो भी रिलीज कर रहे हैं अपना डिफेंस को पूरा मेंटेन कर एंड वो कर ही रहे हैं अपने लगे वो गेम भी कर रहे हैं. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये गेम चल रहा है, बट एक बार देखिए किस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता हुआ दिख रहा था. एंड इधर मदरविच वो भी अपना जो पूरा पूरा बार बार पूरी ताकत जा रहे थे दोनों बहुत लो चल रहे. मुझे लग रहा है की ओवर टाइम के बाद ही ये कहने के रिजल्ट को मिल रहा है. ये टूटेगा लाइक कौन कितना डैमेज है उस जगह पे जाएगा तब हो सकता है कि पता चले, उससे पहले तो मुझे लगता नहीं है कि ये पता चलने वाला. जी हाँ यहाँ पे जो रैम राइडर की आवाज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो वॉइस है ही जो वॉइस करता होगा भी इंटरेस्टिंग है. बट हाँ मैचअप पे देखते हैं, तो रैम राइडर कनेक्ट हुआ इधर, तो अब थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है बिकॉज एक रैम राइडर का कनेक्शन ने मैसिव डैमेज वहाँ पे दे दिया. क्वीन भी है एंड मैं देख रहा हूँ केतन काफ़ी बार फायर बॉल कर रहे हैं, सिर्फ क्वीन आ रही है फायर बॉल में, तो वो एक काफ़ी ख़राब मूव है मेरे हिसाब से. यहाँ पे देख फायर बॉल ये वाली सही थी, बट काफ़ी बार अभी पिछली इंट्रैक्शन में वो सिर्फ क्वीन को फायर बॉल कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है. एंड डिफेंस कर लिया क्वीन को बेहतरीन तरीके से, बार बैरल आता हुआ दिखा एंड यहाँ पे बैंडेड को भी रोक लेंगे. तो अभी देखे तो केतन लीड में चल रहे हैं, लीड को
कंटिन्यू करना चाहेंगे। यहाँ पे ईविज आती है, दोनों ही प्लेयर सिमिलर डेक रन करते हैं। रैम राइडर दोनों में इवन कंडीशन, पेका रैम राइडर एंड राइट लेन में कनेक्शन देखिए, गोल्डन नाइट का 1400 HP 1300 HP 1100 HP तक ले आए हैं। तो आपको दोनों ही टावर पे ध्यान देना पड़ेगा अगर आप खेल रहे हैं तो केतन यहाँ पे मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी लीड पे निकल चुके हैं एंड ये गेम केतन के हाथ में आने वाले बिकॉज दोनों ही टावर्स पे काफ़ी अच्छा एडवांटेज है उनके पास, अच्छा डैमेज है दोनों ही साइड एंड यहाँ पे बहुत ही आराम से लेके चले गए हैं असैसिन केतन, बहुत इजीली ले गए हैं एंड बीएम कर रहे हैं आखिरी में, बीएम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जरूर। सो ये मैच केतन आराम से लेके जाएंगे टीटीआर। बिल्कुल सही है असैसिन, कहने की वो दिखा के गए कि कितना बेहतर तरीके से गेम को लड़ा जा सकता है। वैसे तो दोनों ही दिखाए थे, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने एक ने दिखाया क्योंकि ओवर टाइम तक चल गया, दैट मींस दोनों की तरफ से अपना बेस्ट दिया गया था। बट उसके बीच में जो टाइम टू टाइम वो होता ना कि लॉन्ग टर्म डैमेज देने वाले जो कार्ड्स रहते हैं वो कार्ड्स आपको इस सब मैचेस में जिता सकते हैं जो कि आपको एकदम थोड़ा थोड़ा करके डैमेज देता है बट हिट पॉइंट भी बहुत ज्यादा रहता हो, तो वही चीज जगह पे इधर हम लोग को आगे बढ़ते हुए दिखे। बट इसके बाद चांसेस कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हम लोगों को अनलीज जो है वो इधर जीतते हुए दिखे, सो वो इधर से कोशिश कर सकते हैं कि वो इधर कम बैक करें क्योंकि अगर वो कम बैक करेंगे तो ये जो नाइन्थ मैच है वो आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच बन जाएगा क्योंकि दोनों बहुत क्लोज खेल रहे हैं। एग्जैक्टली टीटीआर एंड ये मैच में अब कम बैक करना पड़ेगा अपोनेंट को बिकॉज जिस हिसाब से केतन यहाँ पे गेम लेके गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, दोनों का ही सिमिलर टाइप ऑफ डेक था एंड ओवर टाइम तक गेम चला। आप देखिए गेम कितना क्लोज चला, 5 मिनट पूरे गेम चला है एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपका गेम आखिरी तक जा रहा है आप अच्छे स्किल्स दिखा रहे हैं तो वो एक फैक्टर ज़रूर रहता है। बट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट मैच हमें स्टार्ट होता हुआ दिखेगा कुछ ही सेकंड्स में, यहाँ पे डेक चॉइसेस सोच रहे होंगे प्लेयर्स क्या डेक रन करें बिकॉज डेक सिलेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है जब आप वन मैच डाउन हो जाते हो, तो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा टीटीआर। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा फॉर श्योर क्योंकि जब एक डाउन हो जाते हो उस टाइम में कम बैक करने का एक चाह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड ऑब्वियसली लाइक उस जगह पे हम लोगों को एक अच्छे खासे मज़ेदार कुछ जो गेम्स है वो इधर देखने के लिए मिल सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ लाइक टाइम की बात है, जितना ज़्यादा हम लोगों को आगे बढ़ता हुआ दिखेगा टाइम उतना ही ज़्यादा बेहतरीन आउटकम्स भी हम लोगों को निकल के आते हुए देखने के लिए मिलेंगे। सो या अभी जस्ट हम लोग वेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली एंड यहाँ पे अगर देखें दोनों ही सिमिलर टाइप ऑफ डेक्स लाए थे टीटीआर, पहले मैच में हमने देखा कि पेका विद रैम राइडर देखने को मिला दोनों ही साइड से, तो विन कंडीशन ऑलमोस्ट दोनों की सेम थी, थोड़ा बहुत जो वेरिएशंस थी वो डिफरेंट लाए थे बट हाँ जो डेक था वो एकदम सिमिलर डेक था। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि गेम यहाँ से कम बैक कैसे करते हैं बिकॉज कम बैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो देखना होगा एंड मैच भी स्टार्ट हो गया उसी के चलते हम देख रहे हैं अभिषेक वर्सेस केतन अगेन एंड सेम डेक के साथ असैसिन मेरे को लगता है जाना प्रेफर करेंगे बिकॉज जनरली हमने यही देखा है जो जीतता है वो सेम डेक लाता है एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से फायर बॉल करी है एंड एक्सबो देखने को मिलेगा अभी के द्वारा, तो एक्सबो हो गया कनेक्ट एंड अगर एक्सबो आप कनेक्शन ले लेते हैं तो आपको डैमेज जरूर मिलने वाला है एंड डैमेज जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा हमें, काफी डैमेज मिल चुका है गेम के स्टार्ट होते ही। यहाँ पे 1600 डैमेज ले आए हैं टीटीआर, तो थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पे साबित हो रही है अभी के लिए असैसिन के लिए स्टार्टिंग में ही बिकॉज टावर काफी लो कर दिया है। देखिए रॉयल गोस्ट साइकिल के फ्रॉम द बैक साइड, तो रॉयल गोस्ट को देख सकते हैं कितना डैमेज मिल सकता है बिकॉज वैल्करी आती हुई दिखाई देगी पीछे से एंड वैलकरी काफ़ी अच्छा डिफेंसिव कार्ड है, हम देख सकते हैं यहाँ पे वैलकरी आएगी डिफेंस कर लेगी रॉयल गोस्ट को, गोल्डन नाइट को भी थोड़ी डैमेज देखने को मिलेगी, लास्ट कार्ड पंप हो सकता है अभी का या रॉकेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इज प्लेइंग, बट बहुत सारी वेरिएशन होती है एक्सबो की, तो यहाँ पे क्या कनेक्शन ढूंढा है और फायर बॉल भी करी है साथ में, तो रैम राइडर विल बी इनफ टू टेक इट बट टेस्ला आराम से डिफेंड करते हुए दिखाई देगा टी टी आर हमें। वो बहुत बेहतरीन है
उसी जगह पे अगर देखे धीरे धीरे देखिए कोशिश कर रहे साइकिल को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी लाइक कम एलिक्सर कंज्यूमिंग जो कार्ड है उसको भी यूज किया जा रहा है। एंड एसोसिएशन की तरफ से एक चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है वो है इमोबी बहुत यूनिक है। आपकी रैम राइडर धीरे धीरे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से हम लोगों को मिलेगा। इसके बाद एक डैमेज जा रहे हैं मुश्किलें भी इनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ यहाँ पे TTR हम देख सकते हैं कि डिफेंसिव एक्सपो देखने को मिला जो कि एक काफ़ी अच्छा मूव रहता है बिकॉज वो जानते हैं यहाँ पे लीक करेंगे तो दिक्कतें अपने लिए ही बढ़ा रहे हैं। असैसिन यहाँ पे फायरबॉल को बेहतरीन वैल्यू मिलती हुई दिखेगी और फायरबॉल करना चाहिए सिचुएशन में, फायरबॉल नहीं आते हुए दिखेगा। बहुत बेहतरीन स्केलेटन्स की प्लेसमेंट करी है। एंड देखिए आप एक्सपो यहाँ पे अगर अटैक एक्सपो लगाएंगे तो देखिए बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। एंड यहाँ पे पैका ज़रूर आएगा, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट करी है पैका की बिकॉज स्केलेटन्स नहीं आउट ऑफ साइकिल है स्केलेटन्स तो पैका को रोक नहीं पाएंगे। एंड रैम राइडर स्टिल यहाँ पे आता हुआ बेहतरीन तरीके से। अभी भी देखिए आप कुछ गोल्डन नाइट को किसी को भी कुछ खास वैल्यू नहीं मिल रही है बिकॉज आप यहाँ से अगर गेम ले जाना भी चाहें तो आप सिर्फ 2 मिनट डिफेंसिव एक्सपो सेटअप कर सकते हैं और डिफेंसिव एक्सपो अगर आप सेटअप करते हैं तो आप ब्लॉक साइकिल से एंड ऐसे करके आराम से गेम ले जा सकते हैं बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे रॉयल गोस्ट को भी कनेक्शन नहीं लेने देंगे, एक भी कनेक्शन नहीं लेने देंगे रॉयल गोस्ट को। तो अब यहाँ से मेरे को लग रहा है कि अभी यहाँ पे दूसरा गेम ले जाएंगे आराम से। एंड दोनों इनके गेम देखिए आप एंड तक चल रहे हैं, एकदम एंड तक जा रहे हैं। एंड यहाँ पे डिफेंस फिर कर लिया बेहतरीन डिफेंस, लास्ट के 1 मिनट बच रहा है, क्या ब्रेक थ्रू कर पाएंगे केतन या फिर अभिषेक। यहाँ पे एक्सपो ही एक्सपो लगाते रहेंगे डिफेंसिव बिकॉज बीएमिंग देखने को मिल रही है तरफ से अभिषेक के एंड ही नोस कि यहाँ पे डिफेंसिव एक्सपो ही गेम बदल सकते हैं पूरा। एंड वही चीज फिलहाल के लिए बार बार उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जाता था, वहाँ पे डाउन करने की कोशिश चल रहा था उसी जगह पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड सारा का सारा सिचुएशन वो यूज करने के लिए तो जाते रहे बट ओवर टाइम का भी लास्ट 1 मिनट बाकी है। अभी अगर इसी तरीके से चलते रहे तो मुझे लग रहा है कि चांस क्या वो जीत भी जाएंगे क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड, लेकिन सिर्फ तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 40 सेकेंड इस गेम के अंदर एक ह्यूज टाइम प्ले करता है। बट फिर भी ये 40 सेकेंड अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो इसमें और कोई भी सिनेरियो से बचा नहीं पाएंगे रहने के एसोसिएशन ग्रुप को। एंड वो चार इधर से नाम होने वाले हैं। ओ माय गॉड क्या शानदार डिफरेंस इधर क्या अभी नहीं, अभी हम इस मैच को फॉर की और अभी जीतेंगे क्योंकि कोई और सेकंड चांस है ही नहीं उनके पास। बट एक टावर को डाउन कर रहे हैं, एसोसिएशन के टारगेट है सिर्फ एक टावर को डाउन करो और उनका काम खत्म। बट उनके एक्सबो के साथ डाउन किया जा रहा है नहीं कि इधर हो गया 1-1 एंड दोनों के दोनों बहुत शानदार खेले। मैच नंबर 9 पे आके कहने की वो जो ट्विस्ट है वो इधर देखने के लिए मिला, डिफेंस जिस तरीके से किया अटैक भी उसी तरीके से किया। एग्जैक्टली TTR बहुत ही बेहतरीन गेम देखने को मिला ये वाला। केतन पहला गेम जीते थे तो अभिषेक को कम बैक करना पड़ता है इस गेम में, बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर था। पर जिस हिसाब से वो एक्सपो का डेक चूज़ किया, एक्सपो अभी ज़्यादा मेटा में नहीं देखा जाता पर एक्सपो का गेम प्ले हमें बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। एंड जो जिस हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस करी, जिस हिसाब से वो खेले, डिफेंसिव एक्सपो लगाया लास्ट में बिकॉज उन्हें पता था अब यहाँ से तो गेम नहीं ले जा पाएंगे बिकॉज डिफेंसिव एक्सपो अगर लगाते रहें डैमेज लीड में तो ओवर टाइम तक आप ले जा सकते हैं गेम बड़े आराम से। बट वो ही हमें देखने को मिला एंड गेम प्ले बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला बाय बोथ ऑफ दिस प्लेयर। एंड यहाँ पे टॉर्नेडो से कर लिया किंग टावर एक्टिवेट तो बेहतरीन इंटरेक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो असैसिन यहाँ पे लेके आए हैं बेट और ऑन द अदर हैंड अभिषेक लेके आए हैं सिमिलर डेक नाइट लाए हैं। तो ये मोर्टार हो सकता है जो हमें पहले देखने को मिला सीज वाला मोर्टार साथ में रॉकेट जिसमें होता है, तो हाँ ये अभिषेक फिर मोर्टार खेल रहे हैं। एंड मोर्टार में एक दिक्कत है कि ये मेटा में इतना नहीं चल रहा तो देखना रहेगा कि कैसे खेलते हैं। एंड यहाँ पे बहुत ही ख़राब रास्कल की प्लेसमेंट मैं कहूँगा बिकॉज रास्कल देखे आए भी गए भी पता भी नहीं लगा। तो मोर्टार 1 सेकेंड में डील आउट कर दिए, 5 एलिक्सिर के होते हैं रास्कल्स तो आप इतना एलिक्सिर हैवी कमिट नहीं कर सकते। यहाँ पे लॉग का एलिक्सिर नहीं था या लॉग आउट ऑफ साइकिल थी तो गोब्लिन बैरल को थोड़े हिट्स लेने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है TTR। जी बिल्कुल अंदर थोड़ा बहुत हिट लेना अच्छा है क्योंकि कभी कभार क्या होता है एक एक हिट के चक्कर में आपने
बहुत ही ज्यादा लाइक एलिक्सर आपका टावर वो ऑटोमेटिक हो जाता है, बट इनका मॉर्टल एक के बाद एक डैमेज देते जा रहे हैं। तीन तीन सौ करके गिरा दिया है, इसके पहले था एक्सो, अभी है मॉर्टल। क्या ठीक खेल रहे, क्या बेहतरीन खेल रहे इधर अभी ओनली। पहले मैच में हार जरूर गए थे, बट उसके बाद जो कमबैक इनकी तरफ से निकल के आया था वो बहुत खास था। ये इधर इनकी तरफ से भी थोड़ा बहुत करके गेम चल रहा है, वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ही रुके हुए हैं। एंड फिर एक मॉर्टल, शायद राइट लेन का ये टावर को गिर, ये टावर को बचाना इस पॉसिबल है। एंड यस ये टावर हो गया खत्म, दूसरी तरफ से मुझे बैरल, ओ माय गॉड, उसी टाइम पे जस्ट हम लोग को देखने के लिए मिला, जस्ट आया था बैरल गॉब्लिंस लॉक से सबको सफाचट कर दिया। बस धीरे धीरे अभी नाइट आगे बढ़ता हुआ जाएगा, उसी के साथ रास्कल्स का यूज उधर देखने के लिए मिला है। रास्कल्स क्या वो इधर अपना काम करके जा पाएंगे, लेकिन रास्कल्स को तो हम कभी करता है नहीं असली जिंदगी में, वो इधर गेम से मैं करता नहीं भी वो सारे चीज़ें हम लोग को देखा हो। बट इनका लॉक बहुत खास, सिर्फ डिफेंसिव खेल सकते हैं, डिफेंसिव मॉडल लगाए तभी गेम ओवर हो जाएगा। केतन का ही नोस 25 सेकंड में कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज रॉकेट है आखिरकार, रॉकेट भी क्या ही कर लेगा। रॉकेट हमें देखने को ही मिला उसी सेकंड जैसे ही मैंने बोला, पर हाँ रॉकेट भी कुछ खास कर नहीं सकता। एंड वन टावर सिचुएशन में तो वैसे ही आप देखिए लेफ्ट वाला टावर कितना डैमेज है, उस पर भी रॉकेट कर देंगे आखिरकार, रॉकेट तो नहीं साइड से देखने को मिला। तो दो टावर लेके जाए वो लाजवाब, वो बेहतरीन, वो ही एक अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिला। एंड ये दर्शाता है कि प्लेयर कि पहले एक बारी डेक आपने खराब चूज कर लिया, आपका मैच फेवर में नहीं लगा, तो आप कितनी जल्दी यहां से गेम बदल सकते हैं। बिल्कुल सही, कितनी जल्दी गेम बदल कर सकते हैं वो तो कहने की दिखाई, बट उसी के साथ एक और चीज दिखा, बीएमिंग करो ठीक है, बट गुस्सा मत दिला दो अपोनेंट प्लेयर को। पूरा बूम बाम हो गया, क्योंकि पहले मैच में तो जीत गया, फिर उसके बाद एक बार एक्सो से उड़ा दिया, एक्सबो से उड़ा दिया, और एक बार हम लोगों को देखने के लिए मिला उनके मोटर से। एंड मोटर का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा बेहतर था, यूजुअली मैंने मोटर से डिफेंस करते हुए दिखा है, मोटर से इतना सारा डैमेज प्रोवाइड करते मैं इस बार लाइक उनको देख रहा हूँ, क्योंकि उनके मोटर को तोड़ने के लिए कुछ भी उनके पास आई नहीं, वो आई नहीं है। एंड उसके साथ अगर आ भी रहे तो फिर भी कुछ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मोटर को डिफेंस के लिए वो ऑलरेडी मौजूद थे। एलिक्सर का थोड़ा ज़्यादा शायद इन्वेस्टमेंट हो गया था, तो इसी वजह से और भी थोड़ा मुश्किल हुआ। सब मिला के उनके हाथ में कुछ नहीं था, तो इसी वजह से वो हार गए। इसके बाद तीन मैचेस और बाकी है, 10, 11 एंड 12। वो तीन मैचेस के अंदर हम लोगों को जो है शायद एक लूजर ब्रैकेट का देखने के लिए मिलेगा, एंड दो अपर ब्रैकेट का मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। एंड उस जगह पे जाके कहने की एक प्लेयर को हम लोग आज विदा बोल लेंगे इसके बाद के तीन मैचेस के अंदर। एंड जो दो प्लेयर्स है वो जस्ट होता है ना कि विदाई के पहले के मुहूर्त में वो पहुंच जाएंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख रेख के खेलना होगा। एंड आज तो शायद अल्केमिस्ट पूरा चार्ट बना के रख रहे हैं कि मेरे साथ कौन कौन जा रहा है, वो तसे बोल रहा है मेरे साथ ये भी नहीं। मुझे तो लग रहा है कि चार्ट बना रहे हैं कि मेरे साथ ये भी है, मेरे साथ वो भी है, सब लोग मिलके मजे करेंगे। देखना पड़ेगा मेरे को भी कौन कौन लूजर्स ब्रैकेट में, बिकॉज अभी भी यहाँ आप देखें टीटीआर तो लूजर्स ब्रैकेट में काफी सॉलिड प्लेयर्स हमें देखने को मिले हैं, बिकॉज स्मोक है, नवजोत है, तो प्लेयर्स की कमी नहीं है। अपर ब्रैकेट में भी जितेश डीवीजी जिस हिसाब से डोमिनेशन शो कर रहे हैं, नीचे वाले ब्रैकेट में भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, एक्सकैलिबर भी अभी हमें देखने को मिला है। सो दिक्कतें दोनों ही ब्रैकेट वाले प्लेयर्स को होने वाली है, बट यहाँ पे देखिए आप माइनर आता हुआ जरूर दिखेगा मिस्टर गेम चेंजर के द्वारा, एंड माइनर को कर दिया जाएगा टेक डाउन विद द मेगा मिनियन। सो यहाँ पे जो गेम है असनिल वर्सेस अमन के बीच में है, एंड गेम काफ़ी डिसेंटली स्टार्ट हुआ है दोनों ही साइड से। मिस्टर गेम चेंजर लग रहा है कुछ यहाँ पे रन करें, सॉर्ट ऑफ आई गेस ग्रेवयार्ड हो सकता है। ऑन द अदर हैंड स्टिंग यहाँ पे वही डेक रन करें जो हमें पहले देखने को मिला था, माइनर फायरबॉल वाला डेक काफ़ी अच्छा था थोड़े समय पहले मेटा में हमें देखने को मिला था, बट आजकल ज़्यादा मेटा में नहीं चल रहा है। स्केलेटन वाली वेरिएशन कभी कोई रन करता है, कोई गाच वाली वेरिएशन रन करता है, बट देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया है माइनर से, बेहतरीन स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। एंड वैलकरी को कुछ खास वैल्यू अभी के लिए दिखाई देती हुई नहीं मिल रही है, बट माइनर को काफ़ी अच्छा चिप डैमेज ऑन द लेफ्ट साइड टावर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है टीटीआर।
बिल्कुल सही है। एंड उसी के साथ डैमेजेस जो है वो धीरे धीरे प्रोवाइड करते जा रहे हैं एंड मून का भी इस्तेमाल हम लोग देखने को मिलेगा। इसी के साथ कोशिश किया जा रहा है कि वो थोड़ा डैमेज ले, बट आ गया इधर स्केलेटन किंग एंड स्केलेटन किंग का शुरुआत हो जाएगा। उसके साथ उनका एलेक्जर भी धीरे धीरे वापसी करता हुआ दिख रहा है, एक डिफेंस भी उनके तरफ से बनाया जा सकता है। अल्टीमेटली इधर काउंट करना बहुत जरूरी होता है। दो तरफ से दो साइड अटैक इधर बिल्ड करने की कोशिश वल्कैन इधर मौजूद थे, वल्कैन को इधर सेना का पूरा प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। लाटा और देखते हैं क्या होगा। दोनों ही इधर दोनों तरफ से डैमेज दे रहे हैं, दोनों ही इधर डिफेंस भी कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा अच्छा का है क्योंकि गेम चेंजर जो डैमेज ले चुके हैं ऑलरेडी। एंड देखिए माइनर पहुंच गए, माइनर एक के बाद एक हिट इधर देते हुए, बट उसी टाइम में लेकिन से वो उनको चला के बता लिया से के साथ उनके ही हम लोग जो है स्केलेटन टैब है अभी साथ करें स्केलेटन वर्सेस स्केलेटन हड्डी वर्सेस हड्डी एंड इसका हड्डी स्ट्रांग होगी क्योंकि तो फाइटिंग करने की जरूरत है। बट फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है जो थोड़ा सा टेंशन दिखता है DDR राइट लेन में, लेकिन कैनन कार्ड का जो कनेक्शन रहा वो काफी डैमेज दे चुका है। एंड लेफ्ट लेन में भी अब कैनन कार्ड हमें देखने को मिलेगी। ग्रेवयार्ड से आज सच इतना डैमेज नहीं मिला जितना राइट लेन में कैनन कार्ड के कनेक्शन से हमें देखने को मिला, तो राइट लेन में फिर यहाँ पे ग्रेवयार्ड किया बिकॉज वैल्करी नहीं है साइकिल में। एंड वैल्करी नहीं है तो आप कैसे डिपेंड करेंगे ग्रेवयार्ड को और इतने स्केलेटन्स को। डैमेज मैसिव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 755 HP तक ले आए हैं, तो अब कुछ करना पड़ेगा अमन को अगर इधर से मैच ले जाना चाह रहे हैं तो कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा वरना दिक्कतें साबित होती हुई दिखेंगी जरूर। ये काफ़ी अग्रेसिव पुश बनाने की कोशिश करिए, क्वीन की एबिलिटी में कहूँगा थोड़ा जल्दी यूज़ कर ली, बट यहाँ पे वैल्करी कनेक्ट हुई, डैमेज थोड़ा बहुत मिला एंड ऊप्स आता हुआ दिखेगा स्निल की तरफ से, बट डैमेज थोड़ा बहुत मिलेगा। एंड यहाँ पे चाहेंगे कि क्लोज करना स्निल अगर डिफेंसिव खेलते हैं, और बिकॉज ग्रेवयार्ड है ग्रेवयार्ड काफ़ी अग्रेसिव जा सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव हमें गेम देखने को मिला। बेहतरीन तरीके से पुल किया है पीछे एंड कैनन कार्ड आती हुई लास्ट सेकंड डिफेंड करने के लिए, सो ये अगर पुश बनता है तो थोड़ी सी दिक्कतें साबित होगी। मॉर्टर किया यहाँ पे, सिर्फ पॉइजन करना भी स्टार्ट करें तो मेरे को लगता है कि थोड़ा फायदे में आ जाएंगे। पॉइजन किया तो है, डैमेज मिलना शुरू हुआ है, बैंडिट आए, माइनर आया, लॉग आए, तब भी देखिए बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है, 73 HP एंड दैट वुड बी इनफ। अस्निल लेके चले गए हैं पहला गेम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ईजी गेम जिस हिसाब से वेट कर रहे थे ओवर टाइम तक का, एंड वहाँ पे TTR ओवर टाइम में पॉइजन करके ग्रेवयार्ड करके इजीली क्लोज कर दिया मैचअप। बिल्कुल सही, गेम चेंजर की अगर बात किया जाए लाइक गेम चेंजर शुरुआत में पीछे थे, फिर उसके बाद जिस तरीके से एक के बाद एक ग्रेवयार्ड का इस्तेमाल करना शुरू किए और उसके बाद वो जो हिट आपने कहा कि कैनन का हो गया था, तो वो सारा कुछ गेम को पूरा टिल्ट कर दिया था उनके तरफ एंड बहुत शानदार गया बाय द वे। तो इसी का ही जो सेकंड मैच है वो अभी शुरू होने जा रहा है कुछ ही देर के अंदर, एंड वो एक बार शुरू होने के बाद लेट्स सी कि आउटकम इधर से कैसे निकल के आता है एंड किस तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो या लेट्स सी कैसे चलेगा। एग्जैक्टली एंड यहाँ पे अब कम बैक करना पड़ेगा अगर यहाँ पे अमन गेम ले जाना चाह रहे हैं, बिकॉज पहला गेम तो अस्निल लेके चले जा चुके हैं, तो कम बैक बनाना पड़ेगा, गेम प्ले दिखाना पड़ेगा अपना, अच्छा डेक चूज करना पड़ेगा बढ़िया। एंड अस्निल चाहेंगे कंटिन्यू करना अपनी जो विक्ट्री है उसी पे फोकस रखना, एंड यहाँ पे गेम 2 TTR हमें स्टार्ट होता हुआ दिखेगा ज़रूर। एंड गेम चेंजर गेम चेंज कर दिए, लास्ट गेम पूरा गेम चेंज कर दिए। सो यहाँ पे रॉयल कोस दिखाई देगा हमें, जाइंट आता हुआ दिखेगा, जाइंट और बैच तो मतलब ग्रेवयार्ड ही रन कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएशन है पर हाँ ग्रेवयार्ड हमें देखने को मिल सकता है TTR। बिल्कुल सही, इधर ग्रेवयार्ड का इस्तेमाल उनकी तरफ से इतना अच्छा हुआ है तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। और क्या आया तो क्या लगता है इधर क्या मुद्दों को गवर्नमेंट जाइंट देखने के लिए, मुझे नहीं लगता ऑलरेडी वो जाइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं खत्म।
अटैक के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर डाल दिया, बट उनका डिफेंस खास नहीं रहा। ओवर एप्रोचेस स्पार्की एंड स्पार्की भाई भी इधर हिट नहीं ले पाएंगे। सो ओवरऑल तरीके से अगर देखा जाए तो गेम चेंजर का भी गेम चेंजर था और इतना। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हमें देखने को मिली डिफेंस में, वहाँ पे लीक कर रहे हैं तो लीक करके तो और बड़ी गलती कर रहे हैं। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे क्या करते हैं। जाइंट किए साइकिल फ्रॉम द बैक साइड एंड अपोजिट लेन जाते हुए देखेंगे हमें, तो आई थिंक सो बैंडिट को तो इग्नोर कर देना चाहिए बिकॉज ऐसा कोई ट्रमेंडस डैमेज नहीं करेगा। सो यहाँ पे वही मेगानाइट डेक रन कर रहे हैं स्टिंग, जो मैंने खेला था अभी अपने मैच में, एंड जिस हिसाब से अभी तो प्रेशर काफ़ी अच्छा क्रिएट किया। यहाँ पे मिनियन हॉर्ड देखने को मिली, बट मिनियन हॉर्ड आप देखिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी रैम राइडर के सामने। रैम राइडर को टेक डाउन तो किया ऑलमोस्ट, एंड यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी ने जाइंट को टेक डाउन किया। तो स्पार्की से एक मैसिव पुश बनाना पड़ेगा अगर ये गेम जीतना चाहते हैं, बिकॉज स्पार्की का ये कसूल है, स्पार्की कभी भी गेम बदल सकती है। सो यहाँ पे डिफेंस नहीं करना चाहिए था, मेरे को लग रहा है रॉयल गोस्ट को भी इग्नोर करना चाहिए था, जाइंट डालना चाहिए स्पार्की के आगे, जाइंट देखने को मिलेगा ज़रूर। एंड यहाँ पे देखिए रैम राइडर को रोकने के लिए आएगा मिनी पैका, एंड यहाँ पे बहुत ही अग्रेसिव पुश बन चुका है डिफेंस कर पाने के लिए। मेरे को लगता है कि पॉइजन आना पड़ेगा, टावर तो ये आप भूल जाइए, स्पार्की जब होती है तो टावर तो आप अपना भूल जाइए वहाँ पे, तो अभी भी गेम ओवर नहीं हुई है। स्पार्की में एक कहावत होती है कि कभी भी गेम ओवर नहीं होती अगर आप स्पार्की खेल रहे हैं तो। तो यहाँ पे एक और स्पार्की आई है, लेफ्ट लेन में पुश बनाने की कोशिश करेंगे, तो इस समय पे मेरे साथ मिरर्ड स्पार्की, बड़ा प्लेयर मिरर्ड स्पार्की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मिरर छुपा के रख रहे थे, छुपा के रखा है अभी पूरा गेम, तो गेम यहाँ पे अब कहीं पे भी टर्न ले सकती है टीटीआर, बिकॉज देखिए आप जिस हिसाब से ये कार्ड छुपा के रख रहे हैं ना एंड तक, तो गेम तो कभी भी पलट सकती है। बिल्कुल सही है, और कार्ड इनके पास मौजूद है जिसका इस्तेमाल अभी तक देखने को मिल रहा है। मैनेजर से बात करेंगे, मिनी पेकर का भी इस्तेमाल देखने को मिला, बैक आता हुआ इधर मिनी पेकर का ही अगर हो जाता है तो मुश्किल बनेगा। स्पार्की भी ओ माय गॉड द गेम चेंजर, ये गेम चेंज कर दिया बैक टू बैक दो मैचेस में। एग्जैक्टली, इसे तो मतलब कहते हैं ना टपा टप देना, तो वही हुआ, शॉर्ट स्पार्की ने टपा टप दिए टावर पे, एक टावर डाउन थे स्टार्टिंग में, पर फिर भी जिस हिसाब से पेशेंटली खेले तो लगता है आज ये मेगानाइट वाले डेक अच्छा चल नहीं रहा है। एंड आई थिंक मेगानाइट अभी मेटा में इतना ओपी भी नहीं है, तो थोड़ा सा वहां पे मैचअप जाता हुआ दिखा जरूर, पर जो डेक खेले जाइंट प्लस स्पार्की एंड एंड में जो हिट थी स्पार्की ने, फिर तो वो टावर तो डाउन होना ही था टीटीआर। जी बिल्कुल, एंड उसी के साथ जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बिल्ड किया, क्या मजा आ गया। लाइक मुझे लगा कि शुरुआत में गेम चेंजर एक बार चेंज किए हैं, बट इस बार शायद वो और नहीं कर। भाई साहब क्या कमबैक आया उधर से, क्या शानदार उधर परफॉर्मेंस उन्होंने निकल के लेके आए हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। तो गेम चेंजर को तो सब लोग याद रखेंगे कि ये गेम चेंजर में है कुछ बात जो कि बूम बाम कर सकते हैं पूरे लॉबी के अंदर, एंड वो अभी भी अपना जो विनर ब्रैकेट में सफर है वो चलता चलाते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड यहाँ पे टीटीआर अब नेक्स्ट मैच हो जाना चाहिए कुछ ही भी सेकंड में शुरू, वो होगा बाबूलाल राठौर के बीच में एंड सुमित के बीच में, तो वो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है बिकॉज दोनों ही काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, काफ़ी बढ़िया खेले हैं अभी तक के मैचेस, तो देखने इंटरेस्टिंग होगा। बाबूलाल जो मिस्टर राठौर करके जो उनका नाम है, जिसपे थोड़ा बहुत हमने किया था, बट स्टिल यहाँ पे मैच देखते हैं मैच किस हिसाब से खेलते हैं दोनों ही प्लेयर्स, बिकॉज मेन चीज है कि आप खेलते कैसे हैं, ठीक है, तो वो गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा। एंड आज का आई थिंक सो ये 11th मैच है टीटीआर, फिर उसके बाद सिर्फ एक मैच और बचेगा, एंड देन आई थिंक सो हमारे मैचेस आज के लिए ओवर हो जाएंगे। सो मैच होते वाला होगा शुरू कुछ ही देर में, तो अब उसकी वेट कर लेते हैं टीटीआर हम। Yes, मैं तो वेट कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लाइक आज सुबह से वेट कर रहा था कि कब होगा, और मैंने तो आज सपने में भी देखा कि मैं क्लैश रॉयल में, मतलब मैं खुद ही उधर जाइंट बन चुका हूँ। ये सब अभी है, वो थोड़े बहुत आ रहे हैं इधर, अच्छा था वैसे सपना, बट ठीक है इधर अभी के लिए अगर देखे तो अच्छा खासा गेम चलता हुआ दिख रहा है। एंड इसी तरीके से वो आगे भी
बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल पाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर आउटकम इधर से निकल के आएगा। सो या नेक्स्ट मैच के लिए तैयारी करना होगा अभी सब प्लेयर्स को, जो जो प्लेयर्स इधर अभी है हमारे इस टूर्नामेंट के अंदर, सबको इधर अपने नेक्स्ट मैचेस के लिए तैयारी करना होगा। जो लूजर ब्रैकेट में हार चुके हैं वो देखिए लाइक दुख तो होगा कि थोड़ा बहुत दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, वो होना भी चाहिए क्योंकि आप इतना अच्छा प्रैक्टिस किए हो फिर उसके बाद आके फिर आप हार गए, कि थोड़ा बहुत दुखी होना सही है ज़िंदगी में, बट उसको कंटिन्यू मत रखिए। आप उसके बाद कल से फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए क्योंकि स्पोर्ट्स ही आप लोगों के लिए ऐसे ही टूर्नामेंट्स लेके आते रहते हैं। ये है क्वालिफायर टू, इसके बाद भी एक टूर्नामेंट आएगा, वैसे हम लोग इतना जल्दी बताएंगे नहीं, आने वाला एक और टूर्नामेंट जिसके थ्रू भी बहुत कुछ आप लोगों को मिल सकता है, जिस लाइक नहीं इससे ज़्यादा नहीं, सरप्राइज एलिमेंट है, सरप्राइज एलिमेंट रखेंगे ज़रूर, बट हाँ देखते हैं उसके बाद क्या चीज़ें आ सकती है। बट हाँ मैच स्टार्ट होने में थोड़ी सी ही देर बची है टीटीआर, तो मैच में देखना पड़ेगा कि प्लेयर्स क्या डेक रन करते हैं, सो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है आज के मैचेस के लिए, बिकॉज आज डेक की जो चॉइसेस है वो थोड़ी बहुत बेहतरीन भी देखने को मिली है एंड थोड़ी बहुत मिड लैडर सॉर्ट ऑफ डेक्स भी देखने को मिले हैं, तो वो आज थोड़ा सा उस लेवल पे जाना पड़ेगा, प्लेयर्स को गेम प्ले दिखाना पड़ेगा एंड चाहेंगे तो विंस लेने ही, सब यहाँ से विंस लेने के लिए आए हैं तो विन लेके ही जाना प्रेफर करेंगे टीटीआर। बिल्कुल, बट उसके पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विन विन तो सब लेंगे लास्ट दो मैचेस में, हम लोग लेंगे ब्रेक एंड ब्रेक के बाद मिलेंगे वो बेहतरीन मैचेस को देखने के लिए, फिर से वापस आएंगे, तो कहीं पे भी मत जाइए एंड लाइक ठोकते जाइए। Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. We'll be right back.
सो गाइस एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप लोगों का स्वागत है स्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज पे। मैं हूं टीचर एक, जैसे आप लोग तो जान ही चुके होंगे इतने बार देख के, मेरे साथ इधर आ चुके हैं अल्केमिस्ट। सो यस, हम लोग के आज के दिन के 10 मैचेस है वो ऑलरेडी हो चुके हैं खत्म, एंड 10 मैचेस के बाद अभी सिर्फ वो दो मैचेस, वो तो नहीं लास्ट के दो मैचेस जिसमें सब लोग देखते रहते कि क्या होगा आज के दिन के अंत पे, वही हम लोग भी देखने वाले हैं। और हमारे इधर क्लैश रॉयल के गुरु अल्केमिस्ट जी, आप बताइए क्या हो सकता है। एग्जैक्टली अभी दो मैचेस बच रहे हैं टीटीआर, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज सुमित का मैच है आई थिंक सो एक, एंड राठौर जी का जो हम बात कर रहे थे अभी जाने से पहले कि राठौर जी का भी मैच होने वाला है, तो दोनों ही प्लेयर्स काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा गेम प्ले शोकेस कर रहे हैं पिछले मैचेस में, तो अभी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं, एंड दोनों ही बहुत ही बेहतरीन है। तो अब मैच स्टार्ट होने में कुछ ही देरी है, मैच स्टार्ट होता है देखते हैं क्या रन कर रहे हैं, कैसे खेलते हैं, एंड उसके बाद एक और मैच आई थिंक सो लास्ट मैच जो आज होने वाला है वो जितेश का होगा, एंड जितेश का मैच देखने के लिए तो भाई मजे तो आने ही वाले हैं पूरे। सो अभी चलेंगे मैच में थोड़ी देर में, कुछ ही सेकेंड्स में चलते हैं, एंड उसी को बोलते ही अनस वर्सेस मिस्टर राठौर देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मिस्टर राठौर जिनको हम लोग जानते हैं बाबूलाल राठौर नाम से ही, तो वो इधर अपना गेम दिखाएंगे जरूर, एंड उनके तरफ से देखिए उनके जो प्रॉब्लम दिखाए। नाइट इधर से डिप्लॉय कर दिया गया, क्रॉसबो का इस्तेमाल, तो क्रॉसबो भी अटैकिंग साइड में डाला गया, रॉकेट से क्रॉसबो का सत्यानाश कंट्रोल करते हुए मिस्टर राठौर, एंड बहुत ही अच्छी बात दिखा था लॉक का इस्तेमाल किया था राइट हैंड साइड, थोड़ा सा ही डैमेज देखने के लिए मिला था, बट ये लॉक क्या है अभी यूज करने के लिए था जो कि राइट हैंड साइड पर उन्होंने यूज कर दिया, बट उतना ज्यादा कुछ खास डैमेज दे नहीं पाए। शुरुआत अच्छा मिला है दोनों को ही, दोनों का ही बनता जा रहा है लॉक के थ्रू, इधर साइड के उनके आर्चर्स को कर चुके डाउन, एंड धीरे धीरे करके कार्ड्स निकलते जा रहे हैं, क्रॉस वो एक तरफ एंड दूसरी तरफ रॉकेट, ये दोनों की फैक्टर हो सकते हैं इस गेम के, एंड शायद उसकी वजह से इधर कहीं ना कहीं वो चीज चलता भी जा रहा है। नाइट डाउन पे जाएगा, फिर से रॉकेट आता हुआ, एंड इस रॉकेट पे नाइट भी जाएगा और क्रॉस वो भी जाएगा, फिर बहुत इसका वैल्यू मिलता हुआ, बट बैरल गॉब्लिन्स इधर पहुंच चुके हैं, उसी के साथ आइस स्पिरिट का इस्तेमाल कर दिया गया जिसके थ्रू पूरा सब जम गए, एंड उसके साथ उनको टावर से डैमेज आया और उसमें वो फिनिश हो गए। एग्जैक्टली वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इंट्रैक्शन थी, वहाँ पे ट्रिक गॉब्लिन बैरल किया था जिसको आइस स्पिरिट से परफेक्टली डिफेंड किया, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और क्या प्रिडिक्शन करिए, ये प्रिडिक्शन देखने के लिए तो हम बैठे हैं, टेस्ला से बहुत ही बेहतरीन किया है प्रिडिक्शन, प्रिंसेस गई है यहाँ से, यहाँ पे आते हुए दिखना चाहिए हमें रॉकेट करेंगे, बिकॉज रॉकेट ही इधर एडवांटेज देगा उन्हें, तो रॉकेट करने की कोशिश करेंगे, वेट कर रहे थे टेस्ला भी बाहर निकले तब जाके रॉकेट किया, बेहतरीन रॉकेट हमें देखने को मिला, एंड यहाँ पे अगर गेम जाते हैं एट द एंड तो रॉकेट साइकिल करके दोनों ही प्लेयर्स रॉकेट साइकिल कर सकते हैं मिस्टर राठौर, ऑन द अदर हैंड एम सी को यहाँ पे फायर बॉल साइकिल करनी पड़ेगी, बट देखिए चार चार आर्चर्स थे एंड साथ ही में रॉकेट को मिल रही है बेहतरीन वैल्यू, एक आर्चर तो हुआ कनेक्ट एंड थोड़े से डैमेज मिलेगा बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं, बट यहाँ पे देखिए आप गॉब्लिन बैरल को आप ऐसे जाने देंगे तो 300 400 500 तक डैमेज आपको ऐसे बड़ी आराम से दे देगा, एंड यहाँ पे रॉकेट आना चाहिए, रॉकेट को कर दिया लग रहा है आउट साइकिल, एंड अब आ चुका होगा साइकिल में रॉकेट, तो डिफेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है, फायर बॉल करी है बहुत ही बढ़िया, एंड देखते हैं एक्सबो कनेक्ट हो पाते हैं नहीं, और एक्सबो को लॉक इन मिल चुका है तो ये भी दिक्कत है, अगर आप एक्सबो या अगर गॉब्लिन बैरल को कनेक्ट होने देते हो तो आपको मैसिव डैमेज लेना पड़ेगा टावर पे, और यहाँ पे देखिए आइस स्पिरिट से कैसे बेहतरीन रोका बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंड यहाँ पे एक्सबो किया है फिर प्लेस, एक्सबो करा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एंड रॉकेट आता हुआ दिखेगा, बट ये जो डैमेज पड़ रहा है एक एक सेकंड का जो डिफरेंस मिल रहा है एक्सबो, जिससे जब भी रॉकेट साइकिल कर रहे हैं उसी पहले वो साइकिल में लेके आ रहे हैं अपना एक्सबो, तो ये गेम तो आप ऊपर समझ लीजिए बहुत बढ़िया साइकिल किया है, बेहतरीन साइकिल, एंड ये टावर को बैठेंगे बाबूलाल जी इस सिचुएशन में, सुमित लेके जाएंगे पहला गेम बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन गेम प्ले और बहुत ज्यादा ओपी गेम प्ले जिसे कहते हैं टीटीआर, वो हमें देखने को मिला इधर।
बहुत ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले निकल के आया, एंड इधर नो डाउट जिस तरीके से इन्होंने क्रॉसबो खेला बहुत शानदार था, बहुत बेहतरीन। एंड मेनली जो सिनेरियो इधर तैयार हुआ कि आप रॉकेट से सिर्फ क्रॉसबो को ही तोड़े जा रहे हो क्योंकि उस जगह पे उनको लगाए जा रहे हैं, सो एक बार भी वो अटैकिंग साइड पे रॉकेट को यूज ही नहीं कर पाए, उनको डिफेंस करने में उनके सब जो रॉकेट्स है वो चले गए। एंड क्रॉसबो का आई थिंक 5 एलिक्सर लगते हैं, एंड जो रॉकेट है उसका शायद 6 मोस्ट प्रोबेबली, या फिर दोनों का ही 6 शायद सेम रहता है। एलिक्सर होता है एंड हाँ रॉकेट का भी 6 ही होता है, दोनों का सेम होता है। सो उस जगह पे रहते हुए अगर आप 6 अटैक के लिए यूज कर रहे हो और 6 आपने डिफेंस के लिए यूज किया और वो फिर से 6 आ गया फिर से अटैक के लिए यूज कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा ये चले जाते हो, वही चीज इसको थोड़ा सा देख के खेलने की जरूरत रहने वाला है। बाकी देखिए कितने दूर दराज से डैमेज देते जा रहे हैं, उनको अगर नहीं रोकेंगे मुश्किल हो जाएगा, बट उनके क्रॉसबो है एंड उस क्रॉसबो को रोकने की कोशिश अभी भी चल रहा है। इधर कंज्यूम करने के लिए कौन सी जगह है ना, अटैक करने का पर्टिकुलर ये रॉकेट आई थिंक थोड़ा गड़बड़ी हो गई। जी हाँ यहाँ पे गड़बड़ी तो हो चुकी है, एंड यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैचअप इन्होंने स्टार्टिंग में ही थोड़ी बहुत मिस्टेक्स वहाँ पे करी थी, लॉग उन्होंने बहुत गलत प्लेस करी थी, अभी भी लॉग गलत प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो एकदम बिल्कुल ही जिस जो स्किल उन्होंने पहले मैच में दिखाया था स्किल बिल्कुल ही चेंज हो गया है इस सिचुएशन में। एंड यहाँ पे मेरे को लगता है कि इतने बड़े मैच में अगर आप लॉग ही गलत कर रहे हैं गॉब्लिन बैरल पे तो फिर तो आपको पनिश कर दिया जा सकता है सिचुएशन में। एंड देखिए आप एक्सपो प्ले कर रहे हैं एंड उसके पास इन्फर्नो टावर है, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे थ्रो वाला सीन हो चुका है, बिकॉज यहाँ से आप गेम ले जा पाना वन टावर सिचुएशन में आप एक्सपो के अगेंस्ट कभी भी जीत जाओगे बढ़िया आराम से। तो रॉक भी कर सकते हैं, लॉग साइकिल कर सकते हैं, गॉब्लिन बैरल डाल सकते हैं, तो राठौड़ जी यहाँ से एक टावर तो आराम से लेते लेके जाते हुए हमें दिखेंगे टी टी आर। क्या होगा, एक टावर तो लेके चले जाएंगे एंड ये टावर बहुत बहुत दिक्कतों में आ सकते हैं, दूसरे तरफ से अगर देखा था कॉल कर दिया जाएगा एंड ये लॉग जोरदार तरीके से यूज कर दिया गया है। दूसरी तरफ से देख सकते हो आर्चर का जो इस्तेमाल है किया गया है उनको फिर उधर सर्वाइव करने वाले हैं, फिर 50 सेकंड के आसपास ही इनका जो बाकी है रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्रॉसबो को इधर किया गया टेक डाउन। जितना अटैकिंग जितना बेहतरीन सोच के साथ एनएस शुरू किए थे पिछला मैच इस बार उतना ही ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं, तो आई डोंट नो और यार ओ एक्सबो का लॉक इन मिल चुका है, एक्सबो का लॉक इन तो मतलब डैमेज पड़ेगा, 6 एलिक्सिर नहीं हुआ है रॉकेट का, रॉकेट का एलिक्सिर अब हुआ तो रॉकेट आया, पर 25 सेकंड बचे हैं, 1600 एचपी पड़ी है रॉकेट की तरफ, वो एक और साइकिल कर चुके होंगे एक्सबो इस पोजीशन पे, बट गलत प्लेस कर दिया है एक्सबो एक टाइल पीछे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि गेम प्ले बिल्कुल ही चेंज हो गया, जिस हिसाब से पहला मैच खेला था इस हिसाब से ये वाला गेम बिल्कुल ही चेंज हो गया, तो या तो ये थ्रो करना चाह रहे थे मैच पहले से ही या क्या सिचुएशन थी, बिकॉज आप ऐसे मोमेंट पे आके मैच नहीं वेस्ट कर सकते अपना, तो वो हमें देखने को मिला। सो अब देखना पड़ेगा, 1-1 का स्कोर हो चुका है, पहुंच जाएंगे हम इधर के बेस्ट ऑफ 3 के आखिरी गेम तक, तो वो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लास्ट गेम कैसे जाने वाला है टीटीआर। बिल्कुल सही, ये लास्ट गेम इस तरीके से जाने वाले हैं वो हम लोग अभी जरूर देखेंगे। एंड ये मैच तो बहुत खास गया था एंड दोनों के दोनों अभी दिखा चुके हैं कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं अपना बेस्ट अगर दिए तो दोनों ही मैचेस को जीत सकते हैं, बट दोनों में से कोई अगर इधर से बिल्कुल भी सही नहीं खेले तो वो हार भी सकते हैं। एंड लॉग्स एटलीस्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है कि वो अच्छे से करे, मुझे लगा कि बहुत गलतियाँ की थी इंटरनेशनल, और फिर उसके बाद एक साइड को पूरा छोड़ देना जिधर से वो डैमेज लेते जा रहे लेते जा रहे, दूसरी तरफ क्रॉसबो को रखे, शायद वो भूल ही गए थे कि ओपोनेंट के पास रॉकेट भी है, कि वो पिछले मैच में वो तो ठीक है चलेगा, इस मैच के अंदर क्या न्यूज के लिए बहुत अच्छी की जरूरत है, अटैक करना शुरू कर चुके बैट्स का भी उधर इस्तेमाल करना हुआ एंड जगह पर आप देख सकते हो जो डैमेजेज है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, एग्जैक्टली टी टी आर। एंड देखिए आप यहाँ पे हंटर का उपयोग कर रहे हैं फ्रॉम द बैक साइड, एंड हंटर एक काफ़ी अच्छा काउंटर है अगर आप देखिए
गॉबलिन बैरल को काफी अच्छा काउंटर करते हैं हमें दिखता जरूर है। तो एमसी आनस यहाँ पे बलून का डेक मेरे को लग रहा है खेल रहे हैं, बिकॉज बलून का डेक काफी ज्यादा हमें देखना पड़ता है। बलून काफी सॉलिड डेक माना जाता है। एंड माइनर देख लीजिए, आप माइनर देख लेंगे तो बलून आपको देखने को मिलेगा इस डेक कॉम्पोजिशन के साथ, रॉकेट आता हुआ दिखेगा जरूर। एंड क्या प्लेसमेंट करी है माइनर की, व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट, ये तो एक बेहतरीन प्लेसमेंट जिसे कहेंगे देखने को मिली। हिट नहीं मिला पर प्लेसमेंट वो तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे करी थी, सो दैट वॉज रियली गुड प्लेसमेंट। हिट भी मिल सकते थे वहाँ पे, बट आइस स्पिरिट का अच्छा उपयोग किया मिस्टर राठौर ने, तो उनके पास काउंटर काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप देखें इस सिचुएशन में वो रॉकेट कर सकते हैं, वो इन्फर्नो टावर सेटअप कर सकते हैं, बिकॉज वो सेम डेक खेल रहे हैं अभी तक, तीनों मैचेस में वो सेम डेक खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है सुमित को, एंड अगर वो लास्ट गेम भी अच्छा खेलते तो भी वो मैच वहीं से ले जा सकते थे बिना किसी दिक्कत के। पर अगर आप ऐसी गलतियां करोगे इतने बड़े बैचेस में तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए आप माइनर किया है प्रिंसेस को टेक डाउन करने के लिए, साथ में ताकि जॉइंट स्केलेटन को कुछ वर्थ वाइल वैल्यू मिल सके। स्नोबॉल नहीं किया, स्नोबॉल नहीं कर रहे तो दिक्कतें आपके लिए होने वाली है। स्नोबॉल कर रहे नाइट को, सो थोड़े से इंटरेस्ट या फिर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि गॉब्लिन गैंग आएगी वहाँ पे, आई थिंक सो, बट यहाँ पे देखिए बलून जाना पड़ेगा। अगर आप बलून नहीं जा पा रहे हैं इस समय पे तो आप कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एंड यहाँ पे गॉब्लिन बैरल को भी डिफेंड करना पड़ रहा है उनको लास्ट सेकेंड्स में, तो मेरे को लगता है यहाँ से बाबूलाल जी गेम ले जा सकते हैं बड़ी आराम से, बिकॉज जिस हिसाब से गेम चल रहा है मेरे को लग रहा है बाबूलाल के पास एडवांटेज है थोड़ा DTR। हिट पॉइंट के साथ वो फिलहाल के लिए सर्वाइव करता हुआ दिखेगा। एंड उसी जगह पे जो कार्ड है वो इधर इस्तेमाल में आते हुए दिखते हैं, एंड वो चीज़ हम लोग को बैक टू बैक आगे बढ़ता हुआ भी दिखता है। कैसे संभालेंगे, किस तरीके से आगे चलता और चल गए, ये सारा कुछ देखते हैं। इधर ठीक से तो मार रहे, बट ये रॉकेट का फिटा वो रॉकेट करके गए यार उसी के साथ सुमित शर्मा। चाचा बाय बाय फिलहाल के लिए, फिर से मिलेंगे इधर लूजर ब्रैकेट में। बट बाबूलाल उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत शानदार गेम प्ले, एंड एक पेशेंस लेवल की टेस्ट उनका हो गया कि पेशेंस रखोगे तो सब हो सकता है। होता है बोलते ये सब्र का फुल मीठा होता है, इनके लिए बहुत मीठा हो गया। अगर उनका शुगर नहीं है तो नहीं तो वो तीखा भी चल सकता है। एग्जैक्टली वहाँ पे TTR अगर हम देखें तो मैच काफ़ी पहले जो मैच जीते थे MC आनस वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से जीते थे, एंड उन्होंने कंप्लीट वहाँ पे डोमिनेशन दिखाया था। बट जब नेक्स्ट मैच जिस हिसाब से उन्होंने एक्सपो डिफेंसिव लगाए थे और पूरा गेम जिस हिसाब से इंट्रैक्शन प्ले आउट हुई थी वो काफ़ी बढ़िया था, बट सेम मैचअप जब दूसरी बार लगा, बिकॉज सेम ही मैचअप था लॉग वेट के अगेंस्ट ही, तो वहाँ पे वो थोड़ी गड़बड़ी करते हुए दिखे। एंड जो लास्ट मैच था उन्होंने डेक ही चेंज कर लिया, एंड राठौड़ जी यहाँ पे सेम ही डेक रन करे तीनों मैचअप में, तो वो थोड़ी सी एक तरीके से मिस्टेक्स हमें देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से जीत जाना चाहिए था उन्हें इस सिचुएशन में, बट जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा मिस आउट करे या फिर थोड़ा सा थ्रो किया, आई डोंट नो क्या रहा वहाँ पे, पर वहाँ पे बाबूलाल जी जीत के आराम से मजे कर रहे होंगे अभी। ऑब्वियसली जिधर से वो मतलब कंट्रोल में कुछ भी नहीं था उनके, फिर उसके बाद उनको बोल रहे ले लो भाई तुम ये कंट्रोल ले लो, वैसा कुछ सिनेरियो इस गेम का हुआ है, एंड वो चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिला है। सो या इसके बाद एक और फाइनल मैच आज के दिन का रहने वाला है, एंड वो मैच में क्या ऐसा ही कुछ दिखेगा जिधर से कंट्रोल आदान प्रदान करते रहेंगे प्लेयर्स या फिर दोनों ही इधर बूम बाम मारते रहेंगे, वो सारा कुछ देखने के लिए हम लोग बने रहेंगे गाइस। तो आप लोग भी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर अभी लास्ट मैच देखिए, अभी शेयर करेंगे तो सिर्फ एक ही मैच देखने के लिए मिलेगा, बट अभी शेयर इसलिए कीजिए ताकि जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे आप देख पाओ। शेयर करो एग्जैक्टली, लेकिन एंड उसके साथ अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि यस स्पोर्ट्स में इतने कुछ हो रहे हैं और इतने सारे प्राइस पूल भी मिलने वाले हैं, तो शायद आपको वो भी खेलने के लिए मनाना चाहिए और बाद में। एग्जैक्टली, एंड एक मैच है, बट एक मैच बढ़िया होने वाला है, बिकॉज जितिश का मैच आप देखिए,
जिस हिसाब से खेलते हैं, एंड यहाँ पे मैजिक आर्चर की सिमेट्री बहुत ही बेहतरीन कैनन को भी लेगी एंड साथ ही में डैमेज देती हुए देखेंगे हमें टावर पे। एंड यहाँ पे आर्चर क्वीन को टॉर्नेडो काफ़ी अच्छा किया यशदीप ने, पीछे खींच दिया। तो अगर यशदीप यहाँ से गेम ले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है गेम में। सो देखते हैं, इधर गेम काफ़ी डिसेंट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम बोथ ऑफ दिस प्लेयर। जितेश चाहेंगे यहाँ पे विनर्स ब्रैकेट में ही कंटिन्यू करना, बट यशदीप को भी यहाँ पे टक्कर देनी पड़ेगी, अच्छी टक्कर देंगे या गेम भी क्लोज कर सके जितेश के अगेंस्ट, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। सो जितेश यहाँ पे काफ़ी डिफेंसिवली खेल रहे हैं, रॉयल हॉक्स देखने को मिलेंगे जितेश के द्वारा, जिसको रॉकेट करेंगे, तो बहुत ही बेहतरीन रॉकेट हमें देखने को मिला है यशदीप के द्वारा। तो रॉकेट लाए हैं, पहली बार हमें रॉकेट कम ही दिखते हैं इस डेक में गोब्लिन ड्रिल वाले, पर ये लेके आए हैं रॉकेट आज। सो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा मैचअप कैसे प्रोग्रेस होता है। दोनों ही प्लेयर्स अभी जिसे कहते हैं ना इवन टाइप खेल रहे हैं, कोई ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जा रहा, कोई ज़्यादा डिफेंसिव नहीं खेल रहा, दोनों ही पेशेंटली खेल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि अभी पेशेंटली खेलेंगे तो आगे डैमेज ले सकते हैं। अर्थक्वेक का थोड़ा सा अग्रेसिव यूज एंड साथ ही में एक आर्चर क्वीन का हिट हमें लगता हुआ जरूर दिखेगा टीटीआर। तो सही कार्ड स्प्रिट के अंदर इस्तेमाल देखने के लिए मिला एंड जगह पे इधर रॉयल हॉग एक पीछे आएगा एक आगे एंड उधर से थोड़ा थोड़ा करके डैमेज ऑब्वियसली लेके चलेंगे, बस टीम टू रॉयल हॉग अभी के लिए आगे बढ़ता हुआ एंड ये हिट होने से पहले ही है पीछ लिया गया था टॉर्नेडो से, ये अच्छा था, नहीं तो ये हिट थोड़ा बहुत ज्यादा ही डैमेज प्रोवाइड कर सकता था एंड वो इनके लिए मुश्किल हो सकता है। बट देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहेंगे, मैजिक आर्चर आते हुए देखने के लिए मिले एंड उसी सेम जगह पे हम लोग को देखने के लिए मिला है एक अर्थक्वेक का। सो मैजिक आर्चर के साथ उनके बीच पे एक लॉक का भी इस्तेमाल कर दिया जा चुका है, फुल ऑन अटैक हो जाते हुए देखने के लिए मिल रहे राइट टावर के ऊपर, बहुत सारा डैमेज करने की कोशिश था जो कि फिलहाल में खास कामयाब हुआ नहीं। तो दोनों के दोनों अपने अपने तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी 5 सेकंड, वो उनकी रॉयल टेनगुरु के साथ उतरते ही एक अच्छा खासा डैमेज प्रोवाइड कर चुके थे जिसके थ्रू उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स इधर नहीं हुए और उन्होंने ये पूरा का पूरा सिचुएशन का डील कर लिया। जैसे साइड से धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत है, इसी जगह पर हम लोग को मैजिक आर्चर के भी इस्तेमाल करने के लिए मिला है, होगा इस तरीके से आएगा ये आउटकम, ये सारा का सारा सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन हो जाते हैं। लाल के लिए अगर देखें तो रॉयल हॉक्स का क्या इंटरेक्शन है, बड़ा इंटरेक्शन देयर टीटीआर, बेहतरीन इंटरेक्शन देखने को मिली, रॉकेट किया है और गोब्लिन ड्रिल पे उन्हें पता है कि वो रॉयल हॉक प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंटरेक्शन थी बहुत बेहतरीन थी एंड इसकी वजह से वो आगे चले गए डैमेज में, बट आर्चर क्वीन को उन्होंने कनेक्ट होने दे दिया तो दिक्कतें साबित हो गई, बट वहाँ पे इंटरेक्शन टीटीआर वॉज वेरी गुड, बहुत ज्यादा जोर का डैमेज है क्योंकि 2000 से डायरेक्टली 1200 के आसपास का आ गया था उस पूरे एरिया पे, बट अभी डिफेंस भी किया तो जा रहा है, डिफेंस टीम की तरफ हो रहा है, लॉक का भी इस्तेमाल किया जाएगा तीन जगह पे, जब कुछ एक अटैकिंग हम लोगों को हर की के इस्तेमाल देखने को लग रहा है कि मुझे खेले जाने वाले हैं, ओवर टाइम है, ओवर टाइम में सिस्टम को चाहिए उसकी टावर जिस टावर को वो कोशिश कर रहे हैं डाउन करने की, क्या वो पहुँच पाएंगे उस तक, वो जरूरी है रॉकेट का इस्तेमाल क्या गया है, प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे वहाँ पे नहीं हो पाया प्रेडिक्शन रॉयल हॉक्स का, बट वहाँ पे जितेश गेम ऑलरेडी ले ही चुके थे बिकॉज अर्थ को एक ही साइकिल करने थे दो वहाँ पे एंड वहाँ से गेम लेकर ही चले जाते जितेश बड़ी आराम से। तो जितेश इस मैच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं हमें टीटीआर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक उन्होंने मैचेस काफ़ी अच्छे खेले हैं एंड अभी भी स्ट्रॉन्ग गेम प्ले शोकेस कर रहे हैं इधर। जी बिल्कुल, एंड मुझे लगा था शायद उनका रॉकेट जो है वो टावर में डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कि अगर मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब गलती से भी उन्होंने अगर डिफेंस कर दिया अपना तो एक और रॉकेट से वो गेम ख़त्म कर सकते थे क्योंकि 1200 एचपी था आई थिंक, एक रॉकेट का डैमेज 600 के आसपास हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें अगर होता था लाइक उससे कम होता है राइट 400 432 टू बी एग्जैक्ट, बट हाँ 400 डैमेज होता है तो 3 रॉकेट लगते हैं तो वो तो नहीं हो पाता, 6 एलिक्सिर 3 बार कमिट नहीं हो पाता। यस, तो थोड़ा मुश्किल था, बट 3x एलिक्सिर भी आ चुका था, मुझे लगा जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो शायद लेफ्ट हैंड साइड के टावर को कनेक्ट करेगा,
बट उन्होंने खाली छोड़ा। अगर थोड़ा सा और वेट भी करते, अगर रॉयल हॉग्स आ भी रहे थे उस जगह पे, अगर थोड़ा सा वेट भी करते तो भी हो सकता था। वैसे ये ओवर टाइम के भी अंतिम स्टेज पे था तो कुछ और ऑप्शन भी थे नहीं उनके पास, कि उनको जितना जल्दी करना था उतना ही जल्दी जो है उनको करना पड़ा। बट यस, फाइनली हम लोगों का जो लास्ट तो नहीं कह सकते, हो सकता है कि ये लास्ट की अगर जीती से जो हमारे हाथ के उनका लास्ट टाइम हो। इलाइट बारबेरियंस हमें देखने को मिल रहे हैं टीटीआर, तो इलाइट बारबेरियंस अगर हम हील स्पिरिट के साथ देखें तो जनरली ये तो स्पार्की हो सकता है या फिर एक ब्रिस्पैम डेक हो सकता है, तो ये स्टीव जनरली आई थिंक ब्रिस्पैम देखने को नहीं बट स्पार्की ही खेल रहे हैं इस सिचुएशन में, तो स्पार्की देखने को मिला। एंड स्पार्की के आगे गॉबलिन जाइंट का यूज़ मेरे हिसाब से करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। एंड गॉबलिन जाइंट, अगर स्पार्की गॉबलिन जाइंट आप खेल रहे हैं, आज कम देखने को मिला गॉबलिन जाइंट स्पार्की, मेरे को खेलना चाहिए था बट यहाँ पे देखिए क्या स्पार्की गॉबलिन जाइंट तो डैमेज दे रहा है बट स्पार्की अगर कनेक्ट हुई तो जिसे कहते हैं ना फटका लगता है स्पार्की का तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। जैप करने की कोशिश करी, स्केलेटन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी जैप के साथ तो वो एक बेहतरीन इंटरेक्शन हो सकती थी, बट जितिश भी वहाँ पे स्मार्ट थे, वहाँ पे उन्होंने पहले फायर स्पिरिट प्ले करी देन स्केलेटन्स प्ले करे तो वहाँ पे स्मार्ट मूव, तो ये जो छोटी मोटी इंट्रैक्शंस है ना टीटीआर वो ही गेम बदल सकती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रिल आती हुई दिखेगी ज़रूर, ड्रिल कनेक्ट करती हुई दिखेगी एंड स्पार्की प्ले कर दी उन्होंने राइट साइड में। मदर विच चाह रहे थे कि हिट करें गॉब्लिंस को बट हिट नहीं करी, तो एक बेकार इंटरेक्शन मैं कहूँगा जिसकी वजह से उनको पूरा टावर वहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा टावर गवाना पड़ गया। तो ऐसे अगर आप इंटरेक्शंस करेंगे जब आपको एग्जैक्ट टाइम प्लेसमेंट पे नहीं डालेंगे तो आपके लिए दिक्कत होंगी। एंड देखिए स्पार्की को डिफेंड करने के लिए कुछ उनको ऐसा ज़्यादा जिसे कहते हैं एफर्ट डालना नहीं पड़ा, तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। जितिश तो ऑलरेडी गेम ले जा चुके हैं ऑलमोस्ट इधर, पर देखते हैं कि जसदीप यहाँ पे क्या कर पाते हैं टीटीआर। बिल्कुल सही अंदाज के साथ साथ लेकिन बहुत बहुत सारा शानदार चली रहे हैं। लेकिन बट जितिश ने बहुत डैमेज ऑलरेडी डील कर चुके हैं, बहुत डैमेज वो ऑलरेडी यानी कि डील चुके हैं जसदीप के ऊपर। एंड जसदीप को इधर देखने के बाद फायर बॉल को उन्होंने दोनों लाइक पार्की को भी एंड इसके साथ टावर को भी एक साथ हिट किया एंड ये एक अच्छा रहा, बहुत शानदार एक सिस्टम लोगों को देखने के लिए मिला था। लॉक का भी इस्तेमाल करने के, लॉक के इस्तेमाल के साथ 80 उसके आसपास जो है थोड़ा बहुत कम होता हुआ इधर देखने के लिए मिला है। बट देखिए इधर हम लोगों को जाइंट प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है एंड उसी जगह पे हम लोग को स्पार्की भी आते हुए दिखेंगे। जितिश को इससे बचना होगा भाई, यानी हाँ उधर इससे अगर बच गए तो हो सकता है कि वो आगे निकल जाए, बट अगर इससे नहीं बच पाएंगे मुश्किल बहुत बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्या ये बच पाएंगे? ओके ये पार्की को इधर पूरा तोल दिया गया है, मरोड़ दिया गया है, उनको डाउन कर दिया गया है। हम लोग इधर आता और देखने के लिए मिल रहा है जायंट गोब्लिन आ रहा था ओके, उसको भी क्या गया फिनिश ऑफ, कोशिश था डिस्ट्रॉय। यहाँ पे ओवर टाइम में ही खेलना चाहे तो खेल सकते हैं या फिर यहाँ पे फायर बॉल साइकिल भी कर सकते हैं, पर वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे। यहाँ पे देखिए आप एक दो एलिक्सिर की डिसएडवांटेज में भी है तो रिस्क यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना चाह रहे, बट यहाँ पे गेम उनको फिनिश करना पड़ेगा जल्दी बिकॉज अगर गेम फिनिश नहीं करते ट्रिपल एलिक्सिर में कभी कभार स्पार्की के पुशेस डेडली हो सकते हैं। सो यहाँ पे उनको दिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, बट यहाँ पे देखिए जायंट स्केलेटन आते हुए दिखेंगे, जायंट स्केलेटन तो स्पार्की को रोक लेंगे एंड यहाँ पे अग्रेसिव इलाइट बारबेरियंस आते हुए भी दिखेंगे जो ज़्यादा कुछ डैमेज तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, एक हिट भी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे फायरबॉल साइकिल करना स्टार्ट कर दिया, 159 HP है, डाल दिया है गॉब्लिन ड्रिल, डाल दिया है लॉक और हो जाएगा गेम ओवर। तो जितिश यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हुए हमें दिखेंगे एंड 2-0 से कर दिया है यशदीप पाटिल को लूजर्स ब्रैकेट में शिफ्ट। तो एक बेहतरीन स्वीप हमें देखने को मिला 2-0 का एंड गेम प्ले बहुत बेहतरीन शो किया। जितिश हम जानते ही हैं किस लेवल के प्लेयर हैं, किस हिसाब से भी प्ले करते हैं, उनको हर डेक की एक तरीके से नॉलेज है, वर्सेटाइल प्लेयर हैं और वो ही उन्होंने आज शोकेस किया।
बिल्कुल सही, वही चीज उन्होंने अभी शोकेश किया एंड उसी के साथ ये करते भी जाते हैं, लाइक बहुत दिन से करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आशा करता हूँ कि बाद में ही ऐसे ही वो खेलेंगे एंड बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे खेलते हैं वो दिखता है कि वो कोई भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो जीतने के लिए जाते हैं। और इस बार के इस टूर्नामेंट के अंदर एक चीज तो पक्का है कि इतना ईजी नहीं होगा जीतना, क्योंकि जितने भी इधर प्लेयर्स हैं सारे के सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं, जितने दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा इंटेंस बनता जा रहा है पूरा सिनेरियो। तो हु नोज़ लाइक क्या पता कि इसके बाद क्या हो जाए, कोई ऐसे प्लेयर मतलब पकड़ लो आप ही लूजर ब्रैकेट से आए टॉप ब्रैकेट में सबको हराते हराते आप जीत चले गए, लूजर ब्रैकेट के भी कोई इधर विनर बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरा फॉर्मेट है उसमें बहुत बहुत कुछ इधर पॉसिबिलिटीज है कि कुछ भी हो सकता है, तो उस तरीके से प्रिपेयर रहना होगा हर एक प्लेयर को। एग्जैक्टली टीटीआर, एंड मैं जो मैच वेट कर रहा हूँ वो देखना चाहूंगा मैं जितिश वर्सेस डीवीजे के बीच में, वो दोनों ही वहां पे जो प्लेयर्स हैं दोनों ही बेहतरीन प्लेयर्स हैं, और जो गेम प्ले उस मैच में होगा ना उसकी मैं वेट कर रहा हूँ। बट आई थिंक टीटीआर दिस इज द एंड फॉर द डे। यस सो गाइस आज के लिए लेंगे विदा, फिर मिलेंगे कल एंड कल भी सेम टाइम में हम लोग आने वाले हैं, तो जिसने भी अभी तक बेल आइकन को ऑल पे नहीं किया सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे पता है, अगर नहीं किया तो जल्दी से करो और उसके बाद बेल आइकन को ऑल पे दबाओ एंड उसी के साथ हर एक सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो ईस्पोर्ट्स प्रीमियर सीरीज को। अगर आप लोगों को अपडेटेड रहना है इस टूर्नामेंट के बारे में एंड अपकमिंग टूर्नामेंट के बारे में तो जल्दी जल्दी जाइए फॉलो कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ स्ट्रीम को भी एंड चैनल को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे कल सेम टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट एंड सायोनारा। Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. We'll be right back.
die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife or eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plank. No, but the Mariona, the Mariona, it came like the thunder. I was on my way to going under. Swimming in the pain, yeah, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. I'm coming for the throne.